हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग जल्दी से लाइव आइए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ओके okay, कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं प्रियंका पांडे रोहित आकांक्षा गुप्ता ओमकार प्रसाद राहुल किंग सरफराज रवि बघेल राहुल अनिल साहिल मेहरा आकांक्षा गुप्ता गोविंद कुमावत राहुल नेहा यदुवंशी अनु वर्मा एटीट्यूड एटीट्यूड गर्ल गर्ल ओके भाई इतना एटीट्यूड अनुर्माट्यूड चलो कोई बात नहीं उसके बाद है राहुल आकांक्षा गुप्त गिल आकांक्षा गिल ठीक है भाई चलो कैसे हैं आप सब लोग पहले तो ये बताइए लाइव आके कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना हाँ ओके okay, बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना हम चलो सब कुछ क्लियर है फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास चलो तो, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हुआ नहीं है और डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत हम आज से करने वाले हैं सबसे पहले अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पिछली क्लासेस का कोई डाउट है तो आप एक से दो मिनट में, में मेरे से डाउट पूछ सकते हो कोई भी डाउट है आपका पिछली क्लास का जितना भी आपने पढ़ा है अगर उससे कोई भी डाउट है आप मेरे से डाउट पूछ लीजिए कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आज का आगे क्लास स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया चैप्टर है और जिस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और इसका मीनिंग अभी आपको बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या होता है अच्छा कोई डाउट नहीं है नो डाउट रंजनी यादव को कोई डाउट नहीं है ठीक है कोई बात नहीं पहले की कुछ क्लास रह रही है मेरी बस अच्छा आपकी रह रही है ठीक है आप पढ़ेंगे उनको ओके चलिए बढ़िया बढ़िया कोई बात नहीं है फिर एक काम करो आप पहले की सारी क्लासेस कवर कर लो डाउट आए तो फिर हम एक दिन डाउट क्लास रखते हैं एक दिन हम लोग डाउट क्लास रखते हैं फिर फिर डाउट क्लास में आप लोग बता दीजिएगा अगर डाउट है तो है ना कोई डाउट नहीं अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है कोई प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है कैसा भी तो आप लोग नोट कर लेना फिर एक दिन आप लोग मुझे डेट बताओ जिस दिन मैं आपके डाउट क्लास रख लूंगी है ना चलो फिर आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले तो चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है अच्छा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं कि आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपके दिमाग में क्या इमेज आया कि मैम क्या पढ़ाने वाली है देखो बच्चा सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका ग्रुप है और उनके अंदर एक जैसा काम होता है ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जिसके अंदर सेम सा काम होता है जिसके अंदर एक जैसा काम होता है और वो काम क्या है तो वो काम है डाइजेशन का क्या काम है डाइजेशन का इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको ऐसे ऑर्गन पढ़ने हैं जिनके अंदर सिमिलर सा फंक्शन हो एक जैसा काम हो और वो एक जैसा काम किसका हो डाइजेशन का हो डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग है द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है डाइजेशन पाचन का प्रक्रिया हो रहा है उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है एक साथ पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है अब सबसे बेसिक मीनिंग जो निकल के आया वो आया कि वट इज डाइजेशन क्या होता है डाइजेशन डाइजेशन क्या है लोग बोलते हैं अरे आज तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया आज मुझे दस्त लग गए आज मुझे उल्टी हो गई मतलब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया तो इस डाइजेशन का मीनिंग क्या है सुनिए बच्चा आप लोग एक दिन में दो या तीन बार तो खाना खाते ही होंगे मिनिमम आप खाना खाते हैं है ना? और मैं अगर पूछूं कि आप खाना क्यों खाते हैं आप क्या बोलोगे मैम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा आप यही तो बोलेंगे कि अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी मैम और बिना ऊर्जा के हमारा शरीर कैसे काम करेगा और हमारा शरीर किससे बना हुआ है हमारा शरीर तो सेल से बना हुआ है ये तो हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है वो कोशिका है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा शरीर हमारे ऑर्गन्स हमारे टिश्यूज किससे मिलकर बने हुए हैं सेल को और सेल तो बहुत छोटा होता है सेल तो बहुत छोटा होता है, है ना और सेल को देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए मतलब मैम मैं ये कहना चाह रही हूं कि डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो सुनो आप एक दिन में दो से तीन बार खाना खाते हैं खाना क्यों खाते हैं ताकि उस खाने से हमें क्या मिले एनर्जी और ये एनर्जी की डिमांड कौन करता है आपकी सेल्स आपकी सेल्स को एनर्जी चाहिए अब एनर्जी ऐसे ही नहीं मिलती है हम खाना खाते हैं हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड कैसा फूड खाते हैं बच्चा फूड। और का मतलब होता है जटिल भोजन। आप जो खाना खाते हो वो इस तरीके से लार्ज मोलिक्यूल्स खाते हो ऐसे बड़े बड़े मोलिक्यूल खाए हैं आपने खाने के और इतने बड़े मोलिक्यूल से आपको एनर्जी थोड़ी मिलेगा हमारी सेल्स बेचारी इतनी छोटी सी हैं जिसको देखने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए अब ये इतनी छोटी सेल इतने बड़े इस मॉलिक्यूल को इस अणु को कैसे अपने पास ले पाएंगी तो क्या होता है हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स का ऐसा ग्रुप है जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे ऐसे इजी फूड में कन्वर्ट कर देता है इस भोजन के बड़े बड़े अणुओं को भोजन के छोटे अणुओं में बदल दिया इजी फूड में बदल दिया इजी इजी फूड फूड में, में. का मतलब है सरल भोजन में परिवर्तित कर दिया ये भोजन के या आप ऐसे कह दो कि कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में बदल दिया या आप ऐसे कह दो कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स थे फूड के ये क्या थे बड़े अणु थे भोजन के बड़े बड़े अणु हैं और हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन हैं जो इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया किसमें तोड़ दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया इतना छोटा कर दिया इतने छोटे छोटे अणु कर दिए हैं इतना छोटा तोड़ दिया है कि अब हमारी सेल्स इनका एब्सॉर्बन करती है इनका अवशोषण करती है और इनसे क्या निकालती है एनर्जी निकालती है तो खाना खाने का उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ खाना क्यों खाते हैं ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिले ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा से हमारा बॉडी हमारे टिश्यू हमारे ऑर्गन सब काम करें अगर मैं इस पोडियम को यहां से यहां चाहूंगी तो मेरी सेल्स एनर्जी मांगेगी अगर मैं दस दिन से खाना नहीं खा रही हूं तो ऐसे पड़ी हूं सुस्त सुस्ती तो मैं क्या इतनी एनर्जी होगी इस पोडियम को खिसका दूंगी यहां से नहीं लेकिन अगर मैं एक हेल्दी डाइट ले रही हूं मेरे बॉडी में एनर्जी है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा चल रहा है तो भैया मैं इस पोडियम को खींच के एक बारी में यहां रख दूंगी यहां रख दूंगी तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम खाना क्यों खाते हैं ताकि हमारी सेल्स को एनर्जी मिले अब एनर्जी इतने बड़े बड़े कंपाउंड से थोड़ी मिलने वाली है ये कॉम्प्लेक्स फूड है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं तो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल का इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटना या इस कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये जो बदल रहा है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है इसी को डाइजेशन कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है पाचन कहा जाता है और जिस जिस ऑर्गन में होता है उन सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं उन सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं एक बच्चा कह रहा है एमआरआई क्या होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए एमआरआई करवाते हैं बच्चा तो क्या होता है डाइजेशन एक बार फिर से सुनिए ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इजी फूड इज नॉन एज डाइजेशन जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना बदलना भोजन का पाचन कहलाता है या मैं यूं कहूं ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज नॉन एज डाइजेशन जो भोजन के बड़े बड़े अणु हैं वो भोजन के छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि इन छोटे छोटे अणुओं का अवशोषण कोशिकाएं करें और इनसे ऊर्जा निकालें और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बड़े अणु छोटे अणुओं में टूटते हैं उसे पाचन कहा जाता है अब जिस जिस ऑर्गन में खाना जा रहा है जहां जहां डाइजेशन हो रहा है उन सारे ऑर्गन को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं मतलब हम यहां पर मैम ऐसे ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं जिन ऑर्गन में खाना जा रहा है और उसका पाचन हो रहा है यस yes, यहां पर हम यही पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पांच से छह क्लास लग जाएंगी एक वीक पूरा लग जाएगा पढ़ने में लेकिन भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अब दूसरा आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया आपको ये तो पता लग गया डाइजेशन क्या होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना डाइजेशन है कौन करवाता है दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि इस प्रोसेस को कौन करवाता है कौन जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करता है तो बच्चा वो है एंजाइम एंजाइम्स एंजाइम Enzyme का काम होता है ब्रेक डाउन करवाना एंजाइम का काम होता है तोड़ फोड़ करवाना बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलने का काम कौन करता है एंजाइम करता है बच्चा तो इस चैप्टर में हम कुछ एंजाइम्स भी पढ़ेंगे क्योंकि डाइजेशन है लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना और जब भी एक बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना होता है तो आपको क्या देना पड़ता है एंजाइम देना पड़ता है क्या देना पड़ता है एंजाइम्स, एंजाइम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कोई भी बड़े चीज को डिग्रेड करके उसका ब्रेक डाउन करके छोटी चीज में बदल देते हैं हमारे बॉडी में किसमें बदल देते हैं छोटी चीज में बदल देते हैं इसका मतलब यहां पे हम कुछ एंजाइम्स पढ़ने वाले हैं बिल्कुल पढ़ने वाले हैं ठीक है अब एक बच्चा पूछ रहे एंजाइम क्या होते हैं बच्चा एंजाइम्स प्रोटीन से एक सेंटेंस कह रही हूं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेडअप ऑफ प्रोटीन

वो प्रोटीन क्यों खाते हैं तो एक रीजन तो यह भी हो गया ताकि उस प्रोटीन से क्या बने एंजाइम बने तो आज के बाद कोई यह मत पूछेगा कि एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम बच्चा प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करवाने का काम करती है एंजाइम इज आल्सो तो पार्ट ऑफ ए डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम भी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है अब बात यह आती है कि एंजाइम कौन बनाता है तो बच्चा एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को बोलते हैं ध्यान से सुनना एंजाइम बनाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनको या तो आप बोलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड क्योंकि एंजाइम्स कहां, कहां आ रहे डाइजेशन में तो इन्हें हम या तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कह देते हैं पाचन करवाने वाली ग्रंथियां हमारे बॉडी में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो पाचन करवाने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं और ये क्या करती हैं ये एंजाइम बनाती हैं या दूसरा हम बोल सकते हैं इन्हीं को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आगे आपको पढ़ाएंगे एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि बहिश्रावी ग्रंथि तो मैंने क्या कहा कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड में कन्वर्ट करवाना डाइजेशन है जिसकी हेल्प से हो रहा है उसे एंजाइम कहते हैं एंजाइम किसके बने होते हैं प्रोटीन के एंजाइम बनाता कौन है डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड अब आम भाषा में ये तो हो गया साइंस की लैंग्वेज अब आसान तरीके से बताऊं क्या होता है डाइजेशन जो आपने खाया है कुछ भी खाओ आप वेज नॉन वेज मुझे फर्क नहीं पड़ता है ना आपके शरीर को फर्क पड़ता है उसे तो अल्टीमेटली क्या चाहिए एनर्जी चाहिए जो आपने खाया है रोटी ब्रेड चावल ये तो आप इतने बड़े बड़े मोलिक्यूल खाते हो इन सारे बड़े बड़े मोलिक्यूल का ब्रेक डाउन करवा के छोटे छोटे मोलिक्यूल में हमारे बॉडी में एक मशीनरी सिस्टम है जैसे आपने देखा होगा वो गांव में खेत में वो मशीन लगी हुई थी तो जिसमें घास डालते हैं लंबा सा कटके छोटा छोटा हो जाता है और वो घास डालते हैं गाय भैंस को ताकि आसानी से गाय भैंस उसे चबा के खा जाए तो हमारे पास ठीक वैसा ही मशीन है आपके अपने बॉडी के अंदर वो मशीन जो आप यहां से खा रहे हो सारे खाने को छोटा छोटा खाने में परिवर्तित कर देती है छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है उसी को क्या बोलते हैं हम उसी को हम डाइजेस्टिव आग्लैंड या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल देते हैं अब बात ये आती है कि मैम कॉम्प्लेक्स फूड का मीनिंग क्या है हम क्या खाते हैं हम जो खाने में खाते हैं उन्हें कहते हैं बायोलजी में न्यूट्रेंट्स क्या खाते हैं आप आप न्यूट्रेंट्स खाते हैं डाइट में आप पोषक तत्व खाते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपने खाने में खाई और उसका डाइजेशन होता है उसे एनर्जी मिलती है उसे न्यूट्रेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो आपने खाई खाने में और जिसका ब्रेकडाउन होता है और जिससे एनर्जी मिलती है उसे न्यूट्रेंट कहते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं पोषण कर रहे हो अपना लालन पोषण के लिए आप जो खा रहे हैं बाहर से खाना उसे न्यूट्रेंट कहते हैं अब हम तीन टाइप के मेनली न्यूट्रेंट खाते हैं ये अच्छे से समझना चीज कौन कौन सी नंबर वन पे हम जो न्यूट्रेंट लेते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं शर्करा और आम भाषा में पता है आप क्या कहते हैं आप इन्हें सुगर्स सुगर्स कहते हैं आपने रोटी खाया आपने मिठाई खाई कुछ गुलाब जामुन रसगुल्ला आपने कोई फ्रूट खाया शहद खाया चीनी खाया गुड़ खाया दूध पिया अल्टीमेटली इन सब से क्या मिल रहा है आपको कोई चीज जो खाने में आपको मीठी लग रही है वो कार्बोहाइड्रेट है तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला न्यूट्रिएंट हो गया कार्बोहाइड्रेट दूसरा होता है बच्चा प्रोटीन दो नंबर पे आप खाते हो प्रोटीन आपने क्या क्या खाया आपने दूध पिया आपने नॉनवेज खाया अंडा खाया इन सबसे हमें क्या मिलता है सोयाबीन खाया मशरूम खाया हमें क्या मिलता है प्रोटीन तो दो नंबर पे न्यूट्रिएंट क्या हो गया प्रोटीन तीन नंबर पे आप खाते हो तेल घी मछली मक्खन छाछ दही और इन से क्या मिलता है इन से मिलता है हमें फैट वसा देखो आम भाषा में लिखना है फैट लिख लो थोड़े पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना है लिपिड्स लिख लो लिपिड्स लिख लो आप चाहे, है, चाहे वेजिटेरियन हैं चाहे नॉन वेजिटेरियन हैं अल्टीमेटली आप ये तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं या तो आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे या प्रोटीन लेंगे या फैट लेंगे अब आप कहोगे मैम हम तो पानी पीते एक बात बता दूं पानी से ना ही तो एनर्जी मिलती है कितना ही पानी पी लो एक पूरा टैंक भर के पानी पी लो आप, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी एनर्जी उसी से मिलती है जिसका ब्रेकडाउन होता है जिसका डाइजेशन होता है और पानी का डाइजेशन नहीं होता पानी पहले से ही बहुत छोटे पार्टिकल्स का होता है हमारे बॉडी में पानी का डाइजेशन नहीं होता सीधा एब्जॉर्प्शन होता है पानी का तो पानी का डाइजेशन नहीं होता और पानी से एनर्जी नहीं मिलती इसके अलावा आप कहोगे मैम हम मिनरल्स भी तो लेते हैं हम तत्व भी तो लेते हैं जैसे कैल्शियम ले लिया हमने सोडियम ले लिया मैम हम तो क्लोरीन खाते हैं मतलब तो पोटेशियम खाता हूं भैया ये भी छोटे होते हैं इनका भी डाइजेशन नहीं होता है डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका होता है आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का ये तीन न्यूट्रिएंट आप खाते हैं इनका डाइजेशन होता है इसलिए इन तीनों से एनर्जी मिलती है जबकि ना इससे एनर्जी मिलती है ना इससे एनर्जी मिलती है क्योंकि इन दोनों का ही ब्रेकडाउन नहीं होता इन दोनों का ही डाइजेशन नहीं होता है तो इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालता है कि एक ग्लास पानी में कितनी कैलोरीज एनर्जी होती है आप बताओ कि जीरो पानी में एनर्जी नहीं होती तो ये आपने खाया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये क्या है बच्चा ये तीनों आप बड़े बड़े मोलिक्यूल खाते हो आप मतलब ये कॉम्प्लेक्स फूड है ये क्या खा रहे हो आप जटिल भोजन खा रहे हो कॉम्प्लेक्स फूड है इनसे एनर्जी नहीं मिलने वाली है ये तो जटिल भोजन है तो मैम क्या करवाएं आपको कुछ नहीं करना आपको भगवान ने दिया ना मशीनरी सिस्टम जिसे क्या कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा इनको तोड़ेगा भैया जैसे ही खाना खाया माउथ से ही इनका तोड़ना फोड़ना स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं ध्यान से सुनते जाइएगा अच्छा इस चीज को यहाँ लिख देते हैं एक अलग से स्लाइड लेते हैं एक नंबर पे आपने क्या खाया है कार्बोहाइड्रेट खाई ओके okay. कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल आपको आगे करवा दिए जाएंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में अभी सब सुनते जाइए शर्करा खाई आपने कार्बोहाइड्रेट आपने रोटी खाया आपने ब्रेड खाया आपने मिठाई खाई जूस पिया सब कार्बोहाइड्रेट Carbohydrate है कार्बोहाइड्रेट्स हम जो खाते हैं वो मेनली स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं किसकी फॉर्म में खाते हैं स्टार्च ये स्टार्च कॉम्प्लेक्स फूड है ये स्टार्च हमारे बॉडी में टूट जाता है किसमें ग्लूकोज में तो या तो मैं यूं कहूं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गई या मैं यूं कहूं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं और वो ग्लूकोज में बदल गई कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड था ये एक जटिल भोजन था ये बड़ा मोलिक्यूल था खाया आपने बड़ा बड़ा और अब अल्टीमेटली हमारे बॉडी में ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है वो किसकी फॉर्म में बदल गई ग्लूकोज की फॉर्म में और ग्लूकोज क्या है इजी फूड है बच्चा जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है आपने खाया कार्बोहाइड्रेट लेकिन आपके बॉडी में एनर्जी कौन देगा ग्लूकोज देगा एनर्जी किससे मिल रही है ग्लूकोज से मिल रही है बच्चा तो ये बताओ कार्बोहाइड्रेट बड़ा था ग्लूकोज छोटा है बड़ा छोटे में टूट गया तो क्या हो गया डाइजेशन हो गया किसका न्यूट्रेंट का ये क्या है न्यूट्रेंट तो हमें कोई कार्बोहाइड्रेट एनर्जी थोड़ी दे रहा है हमें एनर्जी कौन दे रहा है ग्लूकोज इसीलिए तो जब आपको वीकनेस होती है कमजोरी आती है चक्कर वक्कर आते हैं तो डॉक्टर क्या चढ़ाता है ग्लूकोज चढ़ाता है या बोलता है ग्लूकोज पी लो है ना कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई आपने खाया कार्बोहाइड्रेट आपको मिल गया ग्लूकोज तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो चुका है दूसरा हम क्या खाते हैं प्रोटीन खाते हैं तो आइए देखते हैं प्रोटीन किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं हमारे बॉडी में आप जो प्रोटीन खाते हैं वो बड़े बड़े कंपाउंड्स के फॉर्म में खाते हैं प्रोटीन क्या बड़े बड़े मोलिक्यूल की फॉर्म में खाते हैं अब ये प्रोटीन जो है वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में जाके टूट गया और इनको बोलते हैं अमीनो एसिड आपने खाया प्रोटीन और हमारे शरीर में जाके ये प्रोटीन किसमें बदल जाता है अमीनो अम्ल में अमीनो एसिड में जाके बदल जाता है तो जब प्रोटीन जो आपने खाया है वो अमीनो एसिड में आ जाए तो समझ लेना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है आपने ये खाया लेकिन एनर्जी तो कौन दे रहा है ये दे रहा है अमीनो एसिड तीसरा आप खाते हैं फैट या लिपिड आप एक नाम लिखो बताओ कौन सा नाम अच्छा लग रहा है आपको सुनने में देखो आम भाषा में फैट बोल देते हैं पढ़े लिखे लोग लिपिड्स बोल देते हैं बात बराबर है तो आपने खाया लिपिड्स हम पढ़े लिखे लोग हैं वसा और इस लिपिड को किस में बदलना लिपिड जो होती है वो जाके टूट जाती है हमारे बॉडी में फैटी एसिड्स हिंदी में बोलते हैं वसीय अम्ल और प्लस किसमें ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में टूट जाती है ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में तो जितने भी आपने लिपिड खाई हैं वो जाके बदल जाती है फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल में तो समझ लेना डाइजेशन कंप्लीट हो गया है लिपिड का अब ये बताओ बच्चा बोर्ड पे मैंने कहा अभी तक के क्लास में डाइजेशन क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में बदलना डाइजेशन कहलाता है कौन करवाता है एंजाइम बिल्कुल सही बात है स्टार्च को ग्लूकोज में कोई एंजाइम बदल रहा होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कोई एंजाइम बदल रहा होगा लिपिड को फैटी एसिड में ग्लेस्ट्रोल में कोई एंजाइम बदल रहा होगा क्योंकि डाइजेशन कौन करवाता है एंजाइम करवाते हैं तो हमने खाया ये ऊपर वाला ऐसे आपने लिपिड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खाई हमारे बॉडी में एनर्जी किससे मिल रही है इन सब से इन सब का बोले तो फैटी एसिड ग्लिसरॉल अमीनो एसिड ग्लूकोज तो इनका इनमें बदलना क्या कहलाता है डाइजेशन पाचन कहलाता है अब सुनो एकदम आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज डाइजेशन तो एकदम पढ़े लिखे लोगों की तरह आंसर देना हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड लेकिन वो होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड और हमारी सेल्स को एनर्जी देनी है तो उनको चाहिए इजी फूड तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उनको एंजाइम की हेल्प से इजी फूड में कन्वर्ट करवाया जाता है और जो ये कन्वर्ट होने का प्रोसेस है दैट इज नोन एज डाइजेशन उसे पाचन कहा जाता है और जिस जिस ऑर्गन में हो रहा है ये केमिकल प्रोसेस ये केमिकल प्रोसेस केमिकल रिएक्शन तो है ही सारी ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है तो जहां जहां हो रही है ये केमिकल रिएक्शन उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम उसे पाचन तंत्र कह देते हैं हम कितना आसान है डाइजेशन का मीनिंग डाइजेशन का मोटो पूछ ले कोई उद्देश्य क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का ये अगर डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया तो ये सब नहीं बद इन सब में नहीं कन्वर्ट होंगी चीजें और आपके बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी एनर्जी नहीं आएगी बात बराबर है ना अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूं इस फोटो को देख के आप समझ जाएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो बच्चा ये इंसान का शरीर है आपका मेरा सबका शरीर ऐसा ही दिखता है ये इसका मुंह है सबसे पहले माउथ से खाना खाया फिर खाना माउथ से फूड पाइप में जाता है जैसे ईसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं फिर वो भोजन आपके पेट में जाता है पेट से छोटे आंत में और बड़ी आंत में जाता है इस तरीके से तो ये सारे ऑर्गन्स तो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के यही तो हमें पढ़ना है माउथ टीथ टंग ईसोफेगस स्टमक पेट हो गया छोटी आंत बड़ी आंत ये पढ़ना डाइजेस्टिव सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज लगा हुआ है ये पढ़ना है हमें तो अभी तक की क्लास में आपको यह समझ में आ गया कि वट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन डाइजेशन कौन करवाता है एंजाइम किसका डाइजेशन होता है तो मैम कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है ये क्या है ये न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं पोषक तत्व हैं ये कौन करवाता है एंजाइम करवाता है आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए जितना आसान आपकी मैम ने बोर्ड पे लिख दिया ना उतना आसान नहीं है डाइजेशन होना उतना आसान नहीं है तो लिखिएगा स्टेजेस ऑफ या फेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टेजेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से स्टेज में कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इतना आसान नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो जाना तो लिखिए पाचन तंत्र की अवस्थाएं पाचन तंत्र की अवस्थाएं कौन कौन सी स्टेज हैं जो सब आप पढ़ने वाले हैं इन सारी स्टेजेस में ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है सबसे पहला सबसे पहला किसका डाइजेशन करवाना है खाने का तो क्या करवाना है खाना रसोई में बना के खाना तो पड़ेगा ना मुंह में रसोई में बना के और मुंह में खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं ए नंबर पे लिखिएगा इसे बोलते हैं इंजेशन क्या बोलते हैं इंजेशन इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेशन खाना खाया इंटेक ऑफ फूड भोजन ग्रहण करना इनटेक ऑफ फूड भोजन को ग्रहण करना बनाकर मुंह में रखने की प्रोसेस को इंजेशन ऑफ फूड या इनटेक ऑफ फूड कह दो आप दो नंबर पर अब खाना आ गया मुंह में धीरे धीरे ऑर्गन्स में जाएगा नीचे की तरफ उसका ब्रेकडाउन होता जाएगा तो दो नंबर पे प्रोसेस क्या होगा डाइजेशन होगा अब वो खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता जाएगा टूटता जाएगा तीन नंबर पे क्या आएगा अब भैया डाइजेशन हो गया है अब डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है जो पचित भोजन है उसको हमारे बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना होता है दो तो प्रोसेस होती है डाइजेशन के बाद एक होता है बच्चा एब्जॉर्प्शन उस खाने का क्या करवाना है एब्जॉर्प्शन करवाना है अवशोषण करवाना है भाई उसका अवशोषण तो करवाओगे ना जिस चीज जो चीज डाइजेस्टेड बनी है आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गया और एक बात बताऊं एब्जॉर्प्शन मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां होता है small intestine में ध्यान से लिख लीजिएगा इस चीज को कि भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है छोटी आंत में स्मॉल में होता है आगे पढ़ेंगे कैसे अब डी नंबर पे जो प्रोसेस आता है वो होता है बच्चा इसके अलावा एसिमिलेशन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है एसिमिलेशन को हिंदी में कहा जाता है स्वांगीकरण क्या कहा जाता है स्वांगीकरण और एसिमिलेशन का मीनिंग क्या है बहुत सारा बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में सुनो बच्चे मेरी आंख नाक कान सब दिन रात काम कर रहे हैं बेचारे काम करने को उनको क्या चाहिए एनर्जी हमारे बॉडी में एनर्जी किससे बनती है डाइजेस्टिव सिस्टम से तो मैंने क्या मैंने क्या कहा खाया खाना डाइजेशन हो गया एब्जॉर्प्शन होके कहा पे है भोजन कहां पड़ा डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अब छोटी आंत तो यहां है और मेरे ब्रेन को सबको एनर्जी चाहिए तो छोटी आंत से वो डाइजेस्टेड फूड तो मेरे ब्रेन तक पहुंचाना जरूरी है ना मेरे किडनी को पहुंचाना जरूरी है नहीं तो किडनी के पास एनर्जी की कमी हो जाएगी किडनी फेल हो जाएंगी काम नहीं करेंगी वो मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा तो जो सारा एब्जॉर्ब फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला खाना खून में घुलता है किस में घुलता है खून में जिसका एब्जॉर्न हुआ है वो जिसका ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है वो वेस्ट फूड में बल, बदल जाता है वो खून में घुलता है और खून तो हमारे बॉडी में यहां से लेकर एडी तक होता है और खून फिर हमारे बॉडी की हर एक सेल के पास हर एक कोशिका के पास उस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाकर आ जाता है खून तो हर जगह ना, ब्रेन के पास भी है लीवर किडनी सबके पास है तो खून गया तो अपने साथ क्या लेकर चला गया डाइजेस्टेड फूड लेकर चला गया तो जिस भी भोजन का छोटी आंत में अवशोषण हुआ था उस भोजन का खून में घुलना और खून का हर एक कोशिका तक उस भोजन को पहुंचाना एसिमिलेशन स्वांगीकरण कहलाता है क्या कहलाता है स्वांगीकरण कहलाता है कुछ बच्चों का डाउट है मैम सेल में ब्लड नहीं होता किसने कहा सेल सेल में में ब्लड ब्लड मतलब क्या कहना चाह रहे हैं में नहीं होता है ना मैंने यह कहा है कि खून सेल्स के पास पहुंचा के आ जाता है तो यहां पे सेल में ब्लड या ब्लड में सेल का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, है ना तो मैंने कहा सबसे पहले खाना खाया तो उसे इंजेशन कहते हैं फिर खाने का ब्रेक डाउन किया डाइजेशन कुछ भोजन का छोटी आंत में फिर छोटी आंत के अंदर जो अवशोषित भोजन है उसका खून में घुलना और खून हमारे बॉडी की हर एक सेल तक उसको पहुंचा के आ जाता है तो अब बताओ सेल्स के पास एनर्जी वाला कंपाउंड आ गया है ना सेल्स की तो बल्ले बल्ले हो गई उनको तो मिल गया एनर्जी वाले कंपाउंड वो क्या करेंगे उनसे एनर्जी निकालेंगे अब बच्चा जिस भोजन का अवशोषण नहीं हुआ वो वेस्ट फूड बन जाता है वो अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है और उस अपशिष्ट पदार्थ को हमारे बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन या इजेशन उत्सर्जन कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है तो ये पांच फेज हैं जिसमें आपका सिस्टम रहता है इस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन पांच फेजेस में बंटा हुआ है पांच फेज में काम करता है लास्टली बता रही हूं भोजन मुंह में रखना इंजेशन उसको तोड़ना छोटा छोटा डाइजेशन तोड़े हुए भोजन का अवशोषण करवा लिया कहां पे छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन छोटी आंत से सारा का सारा भोजन खून में घुलता है और हमारे बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच जाता है असिमुलेशन जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो वेस्ट फूड में बदल गया और वेस्ट फूड को बाहर निकालना एक्सक्रीशन उत्सर्जन और ये एक्सक्रीशन कहां से होता है तो ये होता है एनस से एनस से आप वेस्ट फूड को एनस जिसे हिंदी में गुद्दा कहते हैं एनस जिसे हम हिंदी में गुद्दा कहते हैं वहां से हम इस जितने भी वेस्ट फूड बना है जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बना है उनको उसको हमारे बॉडी से हम एक्सक्रीशन कहते हैं जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं तो अगर आपसे कभी पूछ ले डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट स्टेज क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ स्टेज क्या है फिफ्थ स्टेज क्या है थर्ड कौन सा है सेकंड कौन सा है किसी को डाउट होगा बताने में किसी को डाउट होगा इतना बताने में बताइए जरा यहां तक की क्लास में आपने क्या पढ़ लिया है सुनते जाइए डाइजेशन क्या होता है क्या खाते हो जिसका डाइजेशन होता है क्या उद्देश्य है डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम का मीनिंग क्या है डाइजेशन की फेज कौन कौन सी है डाइजेशन की फेज कौन कौन सी है आपको कुछ तो बात पल्ले पड़ रही होगी कि इस सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं क्या खाया कैसे पचाया कैसे उसका एब्जॉर्बन हुआ कैसे एनर्जी मिल गई कहा हुआ किसने पचाया चलू आगे अभी भी डाउट है अब खत्म हो जाएगा सब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फ्लो चार्ट बनाओ पहले और अच्छे से समझाती हूं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र तो भागों में बंटा हुआ होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो भाग में बंटा हुआ है। इधर लिखोगे आप एलिमेंट्री कैनाल क्या लिखोगे एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल आहार नाल वो पूरा का पूरा एक पाइप जिसमें खाना जाता है ध्यान से सुनना जहां खाना जा रहा है उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं जैसे ये रहा पूरा का पूरा पाइप माउथ से शुरू होके इस तरीके से ये देखो ये पेट फिर छोटी आंत बड़ी आंत ये पूरा ऐसे लंबा सा पूरा पाइप है कितना बड़ा अप्रोक्स नौ मीटर बड़ा कितना बड़ा है नौ मीटर या थर्टी थ्री फिट लंबा पाइप है ये इसे एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल बोलते हैं इसकी लंबाई क्या है नो मीटर या फिट में लिखोगे तो तेतीस फिट अप्रोक्स दूसरी तरफ क्या यहां खाना जाता है यह खाने को पचाता है और खाना कौन पचाता है अभी बताया एंजाइम एंजाइम कौन बनाता है एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियों को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या हम उनको क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड ये खाना पचाएंगी किसकी हेल्प से किसकी हेल्प से बच्चा एंजाइम की हेल्प से तो इधर लिख दिए हमने जिनमें खाना जाता है इधर पाचन करवाने वाली ग्रंथियां पाचन करवाने वाली ग्रंथियां या बहिश्रावी ग्रंथियां या बहिश्रावी ग्रंथियां यहां खाना जाता है ये सब क्या करते हैं ये सब एंजाइम बना के डालते हैं बच्चा और एंजाइम ही क्या करता है डाइजेशन करवाता है जब भी हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट को बड़े से छोटे में तोड़ना है ब्रेक डाउन करवाना है एंजाइम डाल दो एंजाइम डाल दो इधर खाना जाता है ये एंजाइम बनाते हैं दो पार्ट में कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट माउथ सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया मुंह में खाया अब मुंह में क्या क्या होता है एक तो दांत पढ़ने हैं आपको टीथ पढ़ने हैं दूसरा तंग पढ़ना है जीभ पढ़ना है और मुंह में जो ग्रंथी है उसको यहां लिख दो सेलाइवरी ग्लैंड होती है और ये क्या बनाती हैं सेलाइवा और सेलाइवा में क्या होते हैं एंजाइम तो मुंह वाली ग्रंथियां यहां लिख दो सेलाइवरी ग्लैंड तो क्वेश्चन आ गया ग्लैंड कहां होती है माउथ में लार बनाती है वो. उसके बाद खाना जाता है आपके फूड पाइप में भोजन नली इसे बोलेंगे भोजन नली का इस पाइप का सिर्फ यही काम है कि भाई जो मुंह का खाना था उसे कहाँ पहुंचाना स्टमक में तो इसमें कोई डाइजेशन होता ही नहीं है पेट में चला गया स्टमक को पेट बोलो या अमाशे बोलो या जठर बोलो और पेट में जो ग्रंथियां होती हैं वो यहां लिख दो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको ऐसे याद करो गैस कहां होता है पेट में तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहां होती है पेट में हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां बच्चा जठर ग्रंथियां पेट के बाद भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं छोटी आंत और छोटी के सामने आप लिख दो आपको क्या क्या पढ़ना है छोटी आंत में हमें एक तो छोटी आंत से जुड़ा हुआ लीवर होता है ये पढ़ना है यकृत, और दूसरा पढ़ना है हमें पेनक्रियास ये दोनों ग्रंथियां है बच्चा। तो हैं बच्चा ऑर्गन तो है ही ऑर्गन के साथ साथ ये ग्रंथियां हैं यकृत और अग्नाश से उसके बाद फूट जाता है लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में में तो तो ही डाइजेशन से भी हो चुका होता है तो यहां कोई ग्रंथि होती नहीं है बड़ी आंत इसमें तो पानी का एबजॉर्प्शन होता है और फिर वेस्ट फूड कहां से रिमूव कर देते हैं एनस गुद्दे से आप वेस्ट फूड रिमूव कर देते अब ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों मैं क्या कहना चाह रही हूं एलिमेंट्री कैनाल क्या है माउथ से लेकर एनस तक एक लंबा सा पाइप है जो नौ मीटर लंबा है उसको एलिमेंट्री कैनाल या आहार लान कहते हैं यह डाइजेस्टिव ऑर्गन है जहां पर खाना जाता है इधर लिखे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो एंजाइम बनाती है और एंजाइम क्या करवाते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा बनाया उसमें एंजाइम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जठर ग्रंथियां उनमें एंजाइम होता है जो वो लिक्विड बनाती है उससे लीवर भी एक बाइल जूस बनाता है पेनक्रिया से भी एंजाइम बनते हैं तो सबसे पहले खाना खाया मुंह में अब मुंह में कौन सी ग्रंथियां हैं सलाइवरी ग्लैंड पहला क्वेश्चन फूड पाइप के अंदर खाना गया मुंह का मुंह के बाद देख खाना कहां जाता है सबसे पहले आपने कहा खाया तो ये माउथ है कहां खाया माउथ में माउथ से कहा आया इस पाइप में इसे फूड पाइप या ईसोफेगस कहते हैं इसका काम सिर्फ यह है कि मुंह के खाने को पेट में पहुंचाना अब खाना आ गया पेट में तो पेट में जो ग्रंथियां हैं वो लिख दो भैया पेट में कौन सी है गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं पेट को हिंदी में जठर

फूड कहां जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में देन एनस से आप रिमूव कर देते हैं यह सारा पढ़ना क्या कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम यह सारा पढ़ना क्या कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र कहलाता है इस पूरे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल जहां खाना जा रहा है जो एंजाइम बना रही है उन ग्लैंड को डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड पाचन करवाने वाली ग्रंथियां या बहिश्रावी ग्रंथियां और डाइजेशन कौन कौन सी फेजेस में कंप्लीट होता है इन पांच फेज में कंप्लीट होता है इंजेशन ऑफ फूड डाइजेशन एब्जॉर्बिमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ये पांचों फेज इन्हीं सब ऑर्गन में होती है बच्चा इन्हीं सब में ये पांचों फेज पढ़ लोगे आप अलग कुछ नहीं है इन सब में ही ये पांचों फेज कंप्लीट होती है ओके गौरव बताओ किसी को कोई डाउट है यहां तक की क्लास में इसका मतलब सबसे पहले हम माउथ पढ़ेंगे माउथ में दांत के बारे में पढ़ेंगे टंग के बारे में पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे देन फूड पाइप पढ़ेंगे फिर पेट पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे लीवर पढ़ेंगे पेनक्रियास पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे एनस पढ़ेंगे तब जाकर आपका ये चैप्टर फिनिश होगा तब जाकर ये चैप्टर आपका फिनिश होगा तो सबसे पहले हम अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ तो ये बताओ सबसे पहले खाना कहां खाते हो माउथ में ये देख लो ना डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका पहला ऑर्गन कौन है माउथ है तो माउथ सेलाइवरी ग्लैंड फूड पाइप स्टोमक पेनक्रियाज लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एनस लीवर ये सब पढ़ाऊंगे आपको अपेंडिक्स बताएंगे आपको ये सब पढ़ाऊंगे आपको और ये सब पढ़ना ही तो क्या है डायजेस्टिव सिस्टम और अगर मैं बात करू डेस्टिव सिस्टम किस से स्टार्ट हुआ है माउथ से तो कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहला माउथ कहां से स्टार्ट हुआ है माउथ मुख से मुंह से खाना कहां खाते हो माउथ में खाते हो आज हमने क्या पढ़ा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में आती है ग्लूकोज प्रोटीन किसकी फॉर्म में आता है अमीनो एसिड फैट किसकी फॉर्म में आता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरोल की फॉर्म में तो डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड को ईजी फूड में बदलना कौन बदलाता है एंजाइम एंजाइम कौन बनाता है आप बताएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड खाना जहां पे जाता है उस पूरे पाइप को क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल फिर हम बढ़, आपने पढ़ा कि जो डाइजेशन है वो पांच स्टेज में कंप्लीट होता है इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्ब एसिमिलेशन एक्सक्रीशन सबसे पहले खाना खाया फिर पाचन फिर अवशोषण फिर स्वांगीकरण फिर उत्सर्जन फिर डाइजेस्टिव सिस्टम दो हिस्सों में बंटा हुआ होता है एक सारे ऑर्गन जहां पे खाना जाता है दूसरा जो खाने को पचाने का काम करते हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं अब एंजाइम सीधा ही नहीं बनता है एंजाइम किसी ना किसी लिक्विड चीज की हेल्प से आता है हमारे बॉडी में मुंह में सलाइवा है लार है तो उस लार में एंजाइम है ठीक है तो ये हमने आज पढ़ लिया है लंबा चैप्टर है यस वर्मा बिल्कुल तो कल हम माउस से स्टार्ट करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं अब कल की क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून चलो जल्दी से लाइव आओ फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सूरज गुप्ता आ चुके हैं सैफाली आदित्य पंकज गणेश कुमार आलोक तिवारी तिवारी उसके बाद है रंजन कुमार निधि कुमारी विजेश वर्मा सूर्यांशी बेनीवाल ठीक है उसके बाद है इधर आशीष रितेश कुमार साक्षी बरन, साक्षी रितेश कुमार मेहरा नेहा यादुवंशी किंग सरफराज कृष्णकांत ओके कृष्णकांत आप फिक्स ही समझो आप इसे ठीक है उसके बाद है ब्रिजेश कुमार यादव मैम पीजीटी का क्लास लगा दो प्लीज पीजीटी का एक बैच आएगा बच्चा एक बैच आएगा पीजीटी का पीजीटी का बैच आएगा लेकिन वो अलग से होगा बच्चा क्योंकि पीजीटी का साइंस थोड़ा ना ज्यादा आता है बहुत ज्यादा टीजीटी पीजीटी में सतीश कुमार औ, कुमार ठाकुर जयविंद आकाश वासुदेव और धीरज राजू रस्तोगी गौरव कुमार पंकज आकांक्षा शर्मा सुरेंद्र सोनकर चलो भाई सबको गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है साउंड वगैरह में कोई इश्यू तो नहीं है ना वैसे तो नहीं होगा चलो फिर एस से जीडी के लिए सनी कुमार यादव आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ओके सब कुछ क्लियर है चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास मैम आप टीजीटी के लिए भी कोई क्लास लीजिए प्लीज टीजीटी का बैच ले आए एक सुरवी तुम कहो तो मेरी प्लानिंग है मेरी प्लानिंग है कि मैं अगला बैच जो है वो लैब असिस्टेंट और टीजीटी के लिए लेके आऊं क्योंकि टीजीटी और लैब असिस्टेंट का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस सेम है लेकिन बच्चा बहुत लेंदी बहुत लेंदी है सिलेबस इतना लेंदी है कि मुझे कम से कम पांच से छह महीने लगाएंगे ओनली बायोलॉजी पढ़ाने में ऑनली बायोलॉजी पढ़ाने में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है ना अभी हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है और बहुत अच्छा पे ग्रेड भी होता है और बहुत सुकून वाली नौकरी भी होती है लैब असिस्टेंट के दिन में तीन चार घंटे काम होता है तो लाया जाए फिर लेकर आइए मैम अच्छा कितने बच्चे चाहते हैं टीजे -टी का बैच आए

बीपीएससी का उससे हो जाएगा बीपीएससी में साइंस बहुत ज्यादा आती है बीपीएससी का तो फिर आप यहीं से भी हो कर लोगे राहुल ये भी पूरा ही है पी समथिंग समथिंग रखा जाएगा बच्चा ढाई से तीन हजार के बीच में क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है उसके लिए बहुत ज्यादा टीचर को भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं और साथ में टेक्नि टेक्नोलॉजी वगैरह सबका ही थोड़ा सा चार्जेस चार्जे ज्यादा ही रहेगा उसमें हाँ जी सौ नंबर का आता है मुझे मालूम है बच्चा सौ नंबर का आता है लेकिन पढ़ा मैं एकदम बढ़िया दूंगी आपको मास्टर या मास्टर नहीं पक्का बना दूंगी। अगर मैंने टीजीटी पीजीटी पे फोकस कर लिया ना अगर मैं ले आई लैब असिस्टेंट का का भी और पीजीटी वाले का, तो बच्चा मास्टर पक्का बना दूंगी वैकेंसी कम निकलती है आपको ऐसी तैयारी करवा दूंगी कोई करवाता नहीं इनकी कोचिंग पता है आपको कोई ऐसा कोचिंग नहीं जिसमें टीजीटी पीजीटी का कोई कराते हैं तो वो ऐसी वाली करवाते हैं थोड़ा सा टाइम चकने वाली वैसा करवाते हैं लेकिन जब करवाऊंगी ना तो मैं ऐसा करवाऊंगी कि आप सीधा अपना एग्जाम क्रैक करके आएंगे और कुछ करेंगे नहीं इधर उधर बट जे वगैरह के लिए तो ये बैच बहुत है सीजीएल एनडीए सी इनके लिए ये है बस थोड़ा सा टीजी टी पीजीटी और साथ में आपका ये जो सिर्फ बायोलॉजी के लिए फैकल्टी के लिए आ, जो निकलती है वैकेंसी और साथ में अगर आप बात करते हैं ना इसकी लैब असिस्टेंट वाली इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है उसमें बायोटेक वाला पार्ट नैनोटेक वाला पार्ट वो अलग है बाकी तो सारे एग्जाम के लिए बहुत है बच्चा बहुत तो अगर आप चाहते हैं टीजी पीजीटी की तैयारी करना और बढ़िया टीचर बनना तो बना तो मैं आपको दूंगी है ना पूरा करवा दूंगी ऐसा लेकिन चलो देखते हैं थोड़ा सा सोचते हैं बीपीएससी का एग्जाम बचा मुझे मालूम है सात मई को है सात मई को है आइए फिर स्टार्ट करते हैं पहले तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फिर सोचेंगे है अलग से एक बार थोड़ा सोचेंगे बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आती है मेरे पास जब जब वैकेंसी निकलती है तब तक मैं सोच ही रही हूँ थोड़ा बच्चा को भला करके थोड़े मास्टर वास्टर बना दिया जाए बच्चों को आओ फिर हाँ उत्कर्ष क्लासेस में चलता है लैब असिस्टेंट का बैच लेकिन आप कभी उस लैब असिस्टेंट का सिलेबस देखिएगा वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स ही पढ़ाते हैं मैंने देखा है मैंने देखा है वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाते हैं आपको पता है जब मैं जयपुर ऑफलाइन पढ़ाती थी ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूं मैं 2016 की बात बता रही हूं मैं 2016 में मैंने जयपुर में एक ऑफलाइन बैच बनाया था लैब असिस्टेंट के लिए कहीं नहीं पढ़ाती थी मेरा जो घर है ना उसी में ही बाहर की तरफ एक कमरा है उसमें पढ़ाती थी इक्कीस बच्चे आते थे इक्कीस बच्चे आप यकीन मानेंगे अठारह बच्चे लैब असिस्टेंट और साथ में टीजीटी के टीचर लगे हुए हैं उसमें से अठारह बच्चे तो वो ये कि अगर स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से करूंगी कि पूरा एकदम बच्चों को ज्यादा बच्चे नहीं लूंगी इस बैच में चालीस पचास बच्चे, बच्चे तो गजब की होती है बायो वगैरह पे तो वो हो जाता है आसानी से तो इसमें अठारह बच्चे सिलेक्टेड थे इस बैच से मेरे दो तीन बच्चे उन्होंने बीच में गिव अप कर दिया था तो वही है आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे थोड़ा मैं करूंगी मेरी तो हालांकि ज्यादा होगी मेहनत आपकी भी ही मानो चलो देखते हैं इसके लिए सोचेंगे थोड़ा सा चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम हां बस केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी आपके बेच में नेक्स्ट वीक से मैं सोच रही हूं केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी थोड़ा सा आ, नेक्स्ट वीक में तो नहीं मार्च के छह या सात मार्च से आपको केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूं क्योंकि पांच मार्च को तो मुझे एक फंक्शन में भी जाना है मैं दो या तीन दिन की छुट्टी पे भी रहूंगी आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में सात मार्च से सात या आठ मार्च से हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे आपके बैच में ठीक है बच्चा सात या आठ मार्च से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे आपका ओ मार्च का अप्रैल दिमाग दिमागी खराब चल रहा है सात या आठ मार्च नहीं अप्रैल से अप्रैल से केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और केमिस्ट्री में पहले एकदम ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पढ़ा दिए जाएंगे आपको चिंता मत करो कि आप एग्जाम कोई बीच में आते तब कर लोगे मार्च नहीं भैया अप्रैल दिमाग ठीक नहीं चल रहा ठीक है तो सात या आठ अप्रैल को करवा दूंगी मैं आपको ना चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास पहले तो जो पढ़ना है उस पर फोकस किया जाए डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र हम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था देखो लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन क्या होता है जो भी फूड होता है उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है डाइजेशन कौन करवाता है तो डाइजेशन में क्या होता है तोड़फोड़ होती है और तोड़फोड़ किसकी होती है बेटा खाने की और खाने की तोड़फोड़ कौन करता है हमारे बॉडी में एंजाइम्स और बात करते हैं एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं मैम आपने कहा था ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं एक डेढ़ एक परसेंट को छोड़ दो तो फिर मैंने कहा डायजेस्टिव सिस्टम हमारा दो प्रोसेस में इस तरीके से दो पार्ट में बंटा हुआ होता है एक तरफ हमने वो लिखे थे ऑर्गन जिनमें खाना जाता है जैसे अभी आप खाना खाओ कहा जिस ऑर्गन में जा रहा है उस पूरे पाइप को एलिमेंट्री कैनाल उसे आहार नाल कहते हैं दूसरी तरफ जो एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड होती है ग्रंथियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं हम और ये रहा पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज ब्राइटनेस ज्यादा है ना थोड़ी कम किए जाए बच्चों को दिखे चलो ये रहा आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से ये सब आपको पढ़ना है आप माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस अपेंडिक्स लीवर गॉल ब्लैडर सब पढ़ना है आपको तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि हम सबसे पहले खाना कहां से खाते हैं अब आप कहोगे मैम माउथ ये भी कोई बोलने वाली बात होती है क्या अरे बोलने वाली नहीं सी एच एस के एग्जाम का क्वेश्चन है कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टेड बाय किससे स्टार्ट होता है? माउथ मुख से, मुख से मुख या मुंह लिख दो इसको माउथ लिखो या हम इसे कहते हैं माउथ कैविटी मुख गुहा माउथ माउथ कैविटी का मतलब हो गया मुख गुहा बेटा आप आ करो आ करोगे तो ये जो पार्ट है इसे माउथ कैविटी या इसे कहते हैं बकल कैविटी बकल कैविटी तो कभी कैविटी तो तो क्या होता है इसी को कहते हैं इस एरिया को बकल कैविटी माउथ या माउथ कैविटी कह देते हैं ठीक है बच्चा है ना तो याद रखिएगा सबसे पहला ही पॉइंट ये लिख दो डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टेड बाय कहां से स्टार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली फ्रॉम माउथ माउथ लिख दो या माउथ कैविटी आ जाएगा या बकल कैविटी आ जाएगा ऐसा जो भी आपका ऑप्शन हो वो आपका सही हो जाएगा अब ये बताओ कि आपके मुंह में क्या है हाँ जी मुंह में खाना तो है लेकिन खाने के साथ और क्या है सबसे पहले आगे वाला हिस्से में क्या है दांत है आपके तो माउथ में हमें बेसिकली तीन ऑर्गन के बारे में पढ़ना है जरा ध्यान से सुनना माउथ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीथ के बारे में दांतों के बारे में दांत क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं बच्चे में कितने दांत होते हैं आप लोगों में कितने दांत हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है कौन से दांत पहले आते हैं कौन से दांत बाद में आते हैं कौन से पहले टूटते हैं ये सारी बातें आती है दूसरा आप बताओगे हमारे मुंह में है जीभ एक कह रहा लार लार भी है मुझे मालूम है बच्चा टंग जीभ दो नंबर पे कौन है जीव जीव्हा जीव का क्या काम है जीव के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा आपके माउथ में सारा दिन पानी गिरता रहता है जिस पानी को हम लार बोलते हैं और लार बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हिंदी में लिख दो लारिय ग्रंथि तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सलाइवरी ग्लैंड कहां होती है लारिय ग्रंथि कहां होती है तो माउथ में है तो हम बेसिकली यहां पे तीन चीजें पढ़ने वाले हैं लार को एंजाइम कहते हैं ना लार में एंजाइम होता है दोनों बात अलग अलग है तो अगर हम बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ माउथ कैविटी या बकल कैविटी से बकल कैविटी में हमें तीन चीजें पढ़नी है टीथ, टंग सलाइवरी ग्लैंड कहां है मुंह में जीव कहां है मुंह में दांत कहां है मुंह में तो एक नंबर ए नंबर देखो एक नंबर देना मुंह को माउथ को फिर एक में ए नंबर देना दांतों को जब ये तीनों पढ़ोगे तब तब हमारा mouth cavity, मुख हमारा होगा, होगा। है ना बच्चा? तीनों पढ़ोगे जाके complete होगा. तो आप लिख लीजिए लगा लगा के ए लगा के और कुछ बच्चे कह रहे हैं आपसे बात कैसे हो पाएगी थोड़ा सा रुकना बच्चा मैं आप लोगों की एक हेल्प कर दूं। अगर कोई बच्चा टीजीटी पीजीटी या लैब असिस्टेंट के लिए पढ़ना चाह रहा है मुझे पता तो लगे कितने बच्चे हैं कैसा अगर अपन बैच प्लान करते हैं तो कैसे करा जाए तो आप एक काम करो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करना कि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है ये मेरा ही नंबर है दूसरा देखो इस नंबर पे मैसेज करना डबल एट वन जीरो थ्री टू एट फोर जीरो एट व्हाट्सएप करना इस नंबर को नोट कर लो ये मेरा ही नंबर है लेकिन दूसरा नंबर है मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देती हूँ ये ऑफिशियल नंबर है पर्सनल दे देती हूँ तो बच्चे रात को बारह बजे दो बजे भी फोन करते सोने नहीं देते इस नंबर पर व्हाट्सएप करना ओनली व्हाट्सएप फोन कॉल नहीं जिसको भी टीजीटी पीजीटी के लैब असिस्टेंट का बैच का है थोड़ा सा प्लान करेंगे इस तरीके से क्योंकि सिलेबस उनका नाइनटी नाइन परसेंट सेम सा ही रहता है तो थोड़ा प्लान करते हैं इसी महीने के एंड में ठीक है तो इस नंबर पर मैसेज कर देना चलो अब आओ यहां पे एक नंबर पे जब बात करते हैं टीच्स की दांतों के बारे में दांतों को हिंदी में दंत या दांत कहते हैं ये भी आप समझ गए अब दांतों के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में सबसे पहला दांत के बारे में डिटेल में स्टडी करना क्या कहलाता है ओरेंटोलॉजी अब ओ तो साइलेंट रहता है तो डेंटोलॉजी कह देते हैं हम ऑडेंटोलॉजी ब्रांच ऑफ इन विच स्टडी अबाउट टीथ दांतों के बारे में अध्ययन करना ऑडेंटोलॉजी कहलाता है और डॉक्टर जिन लोगों को दांतों का डॉक्टर बनना होता है वो क्या करते हैं इस ब्रांच में अपना पढ़ाई करते हैं या इस ब्रांच में वो आ, अपना डेंटिस्ट का कोर्स करके पूरा और फिर वो डॉक्टर बन जाते हैं और जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं डेंटिस्ट अब लगता तो ओ है लेकिन साइलेंट हो जाता है जब आप प्रोनाउंस करते हैं तब ठीक है अच्छा नंबर दिखा ही नहीं ओ भाई नंबर दिखा ही नहीं क्या हो गया नंबर दिख क्यों नहीं रहा ऊपर ज्यादा ऊपर लिख दिया था क्या चलो फिर से नोट कर लो ये नंबर मुझे याद नहीं हुआ अभी तक फिर से नोट कर लो डबल एट वन जीरो थ्री टू एट फोर जीरो एट आज याद हो गया मुझे आज मैंने ध्यान से याद करने की कोशिश की तो देखो मुझे याद हो गया डबल एट वन जीरो थ्री टू एट फोर जीरोज करना मुझे अगर आप लैब असिस्टेंट थोड़ा प्लान करेंगे हम लोग मिलकर प्लान करेंगे तो देख पाएंगे किस तरीके से पढ़ाएं कितना दिन लगेगा वो पूरा चलिए फिर देखो दांत के बारे में डिटेल में स्टडी करना डेंटोलॉजी जो डॉक्टर ये डेंटोलॉजी में रिसर्च कर लेते हैं पूरा फिर वो क्या कहलाते हैं वो डेंटिस्ट कहलाते हैं लेकिन डेंटिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं ठीक है डेंटिस्ट डेंटिस्ट होता है डॉक्टर डॉक्टर होते हैं लेकिन इंडिया में लोग डेंटिस्ट करके अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझते हैं क्योंकि डेंटिस्ट की पढ़ाई का लेवल ये है और डॉक्टर की पढ़ाई का लेवल ये है तो कैसे आप डॉक्टरी के बराबर कर सकते हो ना उनको तो उनको डेंटिस्ट ही कहां करें उन्हें उन्हें डॉक्टर ना कहाँ करें ठीक है चलो अब बात करते हैं हम दांतों के बारे में तो दांत कितने होते हैं अभी मैं आपसे पूछूं आप में कितने दांत है तो आपके बोलोगे मैम हमें बत्तीस दांत है यही कहोगे बचपन से यही सुनते आ रहे जरूरी नहीं है सब में बत्तीस दांत है किसी में किसी किसी में 30, किसी में अट्ठाइस हो सकते हैं ऐसा हो सकता है जब बात करते हैं इन दांतों की 32 दांत की दांत तो सबसे पहले अभी आपको करना है कि आप में बत्तीस दांत है मैंने बोल दिया तो ठीक वैसे ही काउंट करने मत बैठ जाना सिर्फ लिख लो अभी के बत्तीस दांत है और इन बत्तीस दांतों को हम चार कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करते हैं इसका मतलब मैम हमारे दांत कितने प्रकार के हो गए चार कौन कौन से जरा लिखो नंबर वन पे आते हैं इंसीजर्स इंसीजर्स हिंदी में बोलते हैं कृतक नंबर दो पे आते हैं केना जो नुकीले दांत होते हैं हिंदी में बोलते हैं रद्दनक और नंबर थ्री पे आते हैं प्रीमोलर्स प्रीमोलर्स और हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक अग्र चवर्णक आगे वाले चबाने वाले दांत और लास्ट वाले आते हैं मोलर्स जिन्हें बोलते हैं चवरनक तो कुल हमारे बत्तीस दांत अभी आपको मान लेना है कि हमारे बत्तीस हैं तो इन दांतों को हम चार टाइप में बांट दिए हैं इंसिजर्स प्रीमोलर्स मोलर्स क्यों बांटा क्योंकि हमारे दांत बच्चा अलग अलग काम करते हैं दिखने में चाहे आपको लग रहे होंगे एक साथ बत्तीस है लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इनका शेप अलग अलग है इनका आकार अलग अलग है और दूसरा आप बताएंगे कि हमारे दांतों का काम भी अलग अलग होता है -मॉलर्स, मॉलर्स, चार टाइप के दांत हैं सबसे पहला इंसिजर कौन से है बच्चा स्माइल करो ई स्माइल करो तो चार ये ऊपर के जबड़े के चार नीचे के जबड़े के सबसे सामने वाले दांत हैं इन्हें कहते हैं इंसीजर्स कितने हैं

जो ऊपर के चार दांत और नीचे वाले जबड़े के चार दांत हैं उनको क्या कहते हैं हम इंसीजर्स और इसीलिए इनका नाम पड़ गया बच्चा स्माइली टीथ स्माइल करने वाले टीथ आप कहोगे मैम स्माइल में तो सारे दिखते हैं सबसे आगे तो यही दिखते हैं ना इन, इसलिए इनका नाम पड़ गया स्माइली टीथ काम क्या होता है जैसे ही आप मुंह में खाना खाए तो उस खाने की कटिंग करना कटिंग का मतलब काट देना उसे काटने का काम करते हैं काटना खाने की कटिंग और किसकी कटिंग होगी घास खाओगे तो घास की कटिंग होगी खाना खाओगे तो खाने की कटिंग होगी सेब खाओगे तो सेब की कटिंग होगी अब बात करते हैं कैनाइन कौन से होते हैं कैनाइन होते हैं बच्चा नुकीले दांत कैनाइन क्या होते हैं बहुत ज्यादा शार्प टीथ नुकीले होते हैं ये शार्प टीथ होते हैं नुकीले दांत होते हैं कहा होते हैं अपने चार दांत ये छोड़ के यहां वाला पांचवे दांत को टच करो एकदम नुकीला होगा ये वाला भी यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला ये चार दांत दो ऊपर वाले जबड़े में दो नीचे वाले जबड़े में ये सबसे नुकीले दांत होते हैं कितने हैं बच्चा चार के नाइन है और इनका काम क्या होता है इनका काम होता है बाइटिंग जब आप बाइट करते हैं है ना बचपन में आपने अपने बहन बहन को ऐसे बाइट किया होगा तो सबसे ज्यादा दांत जो अपनी इस चमड़ी पे अपना निशान छोड़ जाता है वो केना होता है सबसे नुकीले दांत एक तो बच्चा पैकेट फाड़ते हैं यहां से दूध का पैकेट फाड़ है लेते हैं यहां से तो चीरफाड़ और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है और वो ऐसे खाते मांस को काट काट के चीर फाड़ करके है ना तो याद रखिएगा कि सबसे नुकीले दांत केनायन होते हैं वो चीरफाड़ करने के और बाइटिंग या पकड़ने किसी चीज को होल्ड करने का काम करते हैं और जो मांसाहारी जीव होते हैं ना जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जैसे शेर हो गया जैसे अगर मैं बात करूं चीता हो गया वो क्या करते हैं इनकी उनके सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा नुकीले केनाइन ही होते हैं शेर का देखना इतना लंबा सा केनाइन होता है कुत्तों को देखना लंबा सा केनाइन होता है तो ये केनाइन हम लोगों के तो फिर भी ठीक है लेकिन के देखो जो खून पी लेते हैं शेर का देखो तो जो मांसाहारी जीव होते हैं कार्निवरस जीव है वो सबसे ज्यादा अपने कौन से दांतों को उपयोग में लेते हैं केनाइन को लेते हैं ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के ठीक है बच्चा नेक्स्ट प्रीमोलर कौन से होते हैं प्रीमोलर्स होते हैं यहां वाले कुछ यहां वाले अभी आपको मैं इमेज बना के बताऊंगी ठीक है ये होते होते हैं हैं और कितने आठ इनका काम होता है ग्राइंडिंग 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 और grinding का मतलब होता है पीसना पीसना किसको पीसेगा खाने को इसने कटिंग करी इसने और छोटे टुकड़ों में बदल दिया और सबसे लास्ट वाले होते हैं मोलर कितने बारह और इनका काम होता है जो प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग नहीं कर पाए हैं, उस बचे हुए खाने की ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करना मिक्सिंग मतलब मिक्स कर देना किसके साथ मिक्सिंग कराओगे आप सलाइवा के साथ लार के साथ आपके मुंह में जो सलाइवा है उसके साथ मिक्सिंग करने का काम करते हैं अब आप इन्हें काउंट करोगे तो आठ चार बारह और आठ और बारह कितने हो गए बच्चा आप बता दोगे बत्तीस दांत है अभी आपने करा ना बत्तीस हैं तो बत्तीस होते कैसे हैं चलो अभी आपको बना के बताते हैं इसको यहां रखो दो जबड़े हैं कोई ऐसा थोड़ी जिसमें एक ही जबड़ा है दो जबड़े है, है कि नहीं है ऊपर वाले जबड़े का भी नाम अलग होता है और नीचे वाले जबड़े का नाम अलग होता है इनके नाम किसके आधार पर पड़े हैं इस हड्डी के ये हड्डी है दांत इस हड्डी से लगे हुए हैं इस हड्डी को बोलते हैं मैग्जिला इसलिए जबड़े का नाम पड़ गया मैग्जीब्यूलर ये हड्डी नीचे वाली इसको बोलते हैं मैंडीबल इसलिए इस जबड़े का नाम पड़ गया मैंडीब्यूलर तो दो जबड़े हैं ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा अपर जो लोअर जो इसको बोलते हैं मैग्जीब्यूलर इसे बोलते हैं मैंडीब्यूलर तो फटाक से नाम लिखो जरा पहली बात तो जबड़ों के नाम कभी कभी आ जाते हैं मैग्जीब्यूलर जो मैग्जीब्यूलर जो हिंदी में मैग्जीब्यूलर जबड़ा लिख देना ये ऊपर वाला है बच्चा और ये जो नीचे वाला है ये होता है मैंब्यूलर जो मैं जो मैं जबड़ा कैसे नाम पड़े हड्डियों के नाम इसे मैंबल इसे मैग्जीबल तो हड्डियों के नाम से पड़ गए हैं अब जब बात करते हैं बच्चा टोटल बत्तीस है तो सोलह इसमें होंगे सोलह इसमें होंगे सोलह दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं सोलह दांत नीचे के जबड़े में होते हैं अब ये सोलह कैसे हैं वो जरा गौर फरमाओ देखो सबसे पहले चार दांत बनाओ इस तरीके से एक दो तीन और थोड़ा सा एक यहां बना दो चार ये होते हैं बच्चा आए, आए फोर फोर एक जबड़े का बना देती हूं सेम नीचे होते डिफरेंस नहीं होता ऊपर और नीचे वाले जबड़े में एक जैसे दांत होते हैं फिर चार को छोड़ के पांचवा बनाओ और पांचवा बना देना थोड़ा सा नुकीला इस तरीके से इस तरीके से इधर भी पांचवा बना दो नुकीला इस तरीके से और ये दोनों क्या है ये है केनाइन क्या है बच्चा केनाइन केनाइन कितने चार दो ऊपर दो नीचे हो जाएंगे चार हो जाएंगे अब प्रीमोलर कितने हैं आठ है, है प्रीमोलर कितने बच्चा आठ तो प्रीमोलर यहां पर बनाओ जब आठ है तो ये इस तरीके से हो जाएंगे व्हाइट से बना दो ना हाँ इस तरीके से पहला प्रीमोलर दूसरा प्रीमोलर इधर हो जाएगा एक पहला प्रीमोलर दूसरा प्रीमोलर तो ये क्या है बच्चा ये पीएम है पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना पीएम का मतलब हो गया प्री मोलर और मोलर कितने हैं बारह तो तीन 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 तीन, 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 तीन बारह हो जाएंगे तो यहां पे बना दो जरा ये लास्ट वाला वन टू थ्री इधर बना दो वन टू थ्री तो ये क्या है बच्चा ये एम है और एम का मतलब क्या हो गया मोलर इधर भी बच्चा ये पीएम हो जाएंगे ये एम हो जाएगा मोलर ठीक इसी तरीके से, से, से नीचे वाले जबड़े में ऐसे दांत होते हैं सोलह सोलह बत्तीस तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले जबड़े में चार इंसीजर जबड़े दो हैं तो चार गुणा दो तो आठ इंसीजर ऊपर वाले जबड़े में दो कैनाइन नीचे वाले जबड़े में दो कैनाइन तो कितने हो गए चार फिर ऊपर वाले जबड़े में चार प्रीमोलर नीचे वाले जबड़े में चार प्रीमोलर तो प्री मोलर आठ ऊपर वाले जबड़े में छह मोलर नीचे वाले जबड़े में छे मोलर, तो कितने हो गए बारह मोलर हो गए तो बच्चा सोला दांत मैग्जीब्यूलर जबड़े में होते हैं और क्योंकि ये मैक्सिबल हड्डी से जुड़े हुए हैं इसलिए इस जबड़े का नाम मैक्सिब्यूलर है और 16 दांत मैंडिबल हड्डी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए नीचे वाले जबड़े का नाम मैंडीब्यूलर जबड़ा पड़ गया तो सोला ऐसे 16 ऐसे आपके बत्तीस दांत रहते हैं अगर आप में बत्तीस हैं तो बात क्लियर है समझ में आ गई दांतों के काम हम क्यों पढ़ रहे हैं दांत क्योंकि दांत बच्चा फूड की कटिंग में कट कर दिया फूड को देखो उसकी चीर फाड़ कर दी उसको पीस दिया ग्राइंड कर दिया और उसकी मिक्सिंग कर दी किसके साथ सलाइवा के साथ गांधी जी ने पता है क्या कहा था गांधी जी ने कहा था हमारे अंदर 32 दांत हैं तो खाने को 32 बार ऐसे मुंह में रोटेट करके चबा के फिर खाना चाहिए अगर ऐसे कोई खाना खाता है तो कभी भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं हो सकता ऐसा गांधी जी ने कहा था अब बत्तीस बार मुंह में घुमाओगे एक ही टुकड़े को तो कैसा लगेगा आपको तो बत्तीस बार नहीं लेकिन आराम से धीरे 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 चबा चबा के सलाइवा के साथ मिक्सिंग करके फिर निगल के जब खाना यहाँ चला गया तब अगला टुकड़ा अपनी थाली से उठा के खाएं मैंने कुछ लोगों को देखा है कुछ लोग क्या मेरा भाई है ऐसे ऐसे इतना जल्दी खाना खाता है इतना मैंने अभी डांट डांट के उसकी आदत छुड़वाई है इतना जल्दी खाना खाता है वो इतना जल्दी दो मिनट में खाना खा लेता है वो ना तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बहुत आराम आराम से बहुत आराम आराम से इस तरीके से इस तरीके से आराम आराम से खाना चाहिए ठीक है चलो हो गया ये हो गए बत्तीस दांत थे उनके बाद अब बच्चा आते हैं हम किसकी जब मैं दांत की बात करती हूं ओ, ये थोड़ी देर बाद काम आएगा तो इसे थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देते हैं अब यहां आओ देखो बच्चा जब आप छोटे बच्चे थे छोटे बच्चे का मतलब मैं आपको चाइल्ड बोल दू तो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप में कुछ दांत आए फिर वो टूट के गिर गए फिर उनकी जगह वापस नए दांत आए ऐसा ही तो होता है ऐसा है जिसके अंदर कभी बचपन में दांत टूटे ही नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं होता सबके दांत टूट के नीचे गिरते हैं इनफैक्ट कुत्तों के भी दांत टूट के नीचे गिरते हैं फिर नए आते हैं फिर वो परमानेंट होते हैं तो कहने का मतलब हमें जीवन में दो बार दांत आते हैं पता है आपको हमें जीवन में दो बार दांत आते हैं एक बार आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको दांत आए थे उन्हें बोलते हैं दूध के दांत बोलते हैं ना कि फलाना बच्चे में दूध के दांत आ गए मिल्क टीथ बोलते हैं दूध के दांत और दूध के दांत कितने आते हैं ट्वेंटी बीस दांत आप जब छोटे बच्चे थे तो आपको बीस दांत आए थे इन दांतों को हम टेम्प्रेरी टीथ कहते हैं टेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है एस्थाई जो कभी भी टूट सकता है है ना टेम्प्रेरी प्यार जो कभी भी किसी भी दिन टूट जाए ऐसे ही ये टेम्प्ररी दांत हैं, जो टूट के नीचे गिर जाते हैं कितने आए हमें टेम्प्री दांत बीस अब ये बीस में कौन कौन से और कितने आते हैं वो सुनो बीस में से याद रखिएगा एनसीजर तो आठ ही होते हैं आठ क्या है आए आए फोर इंसीजर फिर चार केना होते हैं चार क्या है कैनाइन एंड जीरो प्रीमोलर जीरो प्रीमोलर बच्चे में प्रीमोलर नहीं आता है और आठ चार बारह और फिर आठ बचे तो ये क्या बच्चा बच्चा ये बच्चा आपका मोलर तो जरा गौर फरमाओ और ये बताओ कि बच्चे में कौन से दांत नहीं आते प्री मोलर नहीं आता यही एग्जाम का क्वेश्चन है यही एग्जाम का क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे के अंदर कौन से दांत नहीं होते हैं तो बता दो जरा कौन से नहीं होते हैं एक बार कमेंट करके फटाक से बता दो कौन से नहीं होते हैं कौन सा नहीं है छोटे बच्चे में प्रीमोलर नहीं है प्रीमोलर इज एबसेंट इन चाइल्ड अब बच्चे में बीस दांत आए टूट जाएंगे बीस के बीस फिर वापस नहीं आएंगे तो बच्चा कितने हो जाएंगे बत्तीस हो जाएंगे तो ये हो गए टेम्परेरी टीथ बीस तो टेम्परेरी हैं लेकिन ये जो बत्तीस आपने लिखे हैं ना ये क्या है बच्चा ये परमानेंट हैं। अब थोड़ी ना टूटेंगे आपके दांत अब आप जब आप मरोगे तब भी नहीं टूटेंगे जब आपको मरने के बाद आपकी डेड बॉडी को जला दिया जाएगा तब भी नहीं जलेंगे ये दांत अस्थियों में क्या मिलते हैं दांत और हड्डियों के टुकड़े तो मिलते हैं दांत को चुग कर हम गंगा नदी में बहा के आ जाते हैं अस्थि विसर्जन करके आ जाते हैं क्योंकि दांत बहुत स्ट्रांग होता है हाँ अब आप, आप तुम किसी से लड़ाई करो कोई मुक्का मारे आपके मुंह पे तो दांत टूट ही जाएगा वो एक अलग बात है अपनी हड्डी से खिसक के टूट जाएगा नीचे वो अलग बात है ठीक है अब आपको कुश्ती थोड़ी लड़नी है तो बच्चा मैं ये कहना चाह रही हूं कि हमें जीवन में दो बार दांत आते हैं बच्चा और जीवन में दो बार दांत आए तो पहले कितने आए बीस फिर वो टूट गए तो कितने आए बारह अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जरा ध्यान से सुनना कितने दांत हमें जीवन में दो बार आते हैं और कितने दांत हमें जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर करो आंसर है आपके सामने बोर्ड पे ही आंसर है कितने कितने दांत जीवन में दो बार आए और कितने दांत जीवन में एक बार आए देखो बीस दांत जीवन में दो बार आए क्योंकि तो बीस टूट गए दूध के दांत फिर आगे बेचारे और कितने एक बार आए लाइफ में बारह क्यों क्योंकि मैम ने लिखा परमानेंट बत्तीस है तो बत्तीस में से बीस तो दो बार आ गए तो बारह एक बार आते हैं यस बच्चा तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के कितने दांत लाइफ में दो बार बीस कितने दांत सिर्फ एक ही बार आते हैं बारह और टोटल कितने हो गए टोटल थर्टी टू हो गए टोटल कितने बत्तीस और ये वाले बच्चे में होते ही नहीं है पीएम होता ही नहीं है बच्चे में समझ गए देखो आठ तो पीएम नहीं है और चार ये नहीं है बच्चे के अंदर तो ये बारह जब ये सारे टूट जाएंगे तो अगले बार आएंगे तब बारह आएंगे बच्चे के अंदर तो दांत हमें दो टाइप से आ गए टेम्परेरी परमानेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, जो नोट कर लेना अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चा इन्हीं दांतों के डेंटल फॉर्मूले बनते हैं अब डेंटल फॉर्मूला ना ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला मैथ्स की तरह फॉर्मूला नहीं है कि तुम किसी क्वेश्चन में डाल लो और आंसर निकाल लो ठीक है इसका मतलब ये होता है जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा इसको काम में लेते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है डेंटल फार्मूला अगर मैं बात करती हूं एक अडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या है अडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या है अडल्ट कब होते हो जब आपकी प्यूबरिटी खत्म हो जाती है अठारह साल के हो गए और साल में तो भैया आपके परमानेंट दांत आ चुके हैं तो जब हम डेंटल फॉर्मूला किसका निकालते हैं आप बताओगे एक अडल्ट का तो हम बत्तीस दांत लेते हैं और अगर आपने डेंटल फॉर्मूला निकालना चाहा किसका चाइल्ड का बच्चे का तो बच्चे में कितने 20 हैं तो दोनों का डेंटल फॉर्मूला कैसे निकलेगा वो सोचो वो सुनो देखो कैसे निकलेगा मैम दांत हमारी बीमारी के कारण भी तो टूट जाता जा है बताएंगे आपको अभी वो क्यों टूट जाता है कृष्णकांत बेटा अभी बताएंगे सुनो पायरिया लग जाता है विटामिन सी की कमी से टूट सकता है वो बात करेंगे अभी सुनो दो इस जबड़े जबड़े इस में एक बार ऐसे कट लगाओ एक बार ऐसे लगाओ कितने चैंबर बन गए एक दो तीन चार चार बन गए इस तरीके से जबड़े में कट लगा दो चार जब एक जबड़े में आठ इंसिजर हैं तो आठ डिवाइड कर दो चार से तो कितना कितना आ जाएगा दो 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 देखो, दो 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 इन हो गए कैनाइन चार हैं तो एक एक बांट दो ये लो फिर प्री मोलर आठ है तो कैसे दो दो बांट दो मोलर कितने हैं बच्चा बारह तो कितना कितना जाएगा थ्री, थ्री 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 और अब इसको कैसे लिखेंगे इसे लिखा जाता है टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री इंटू टू इज इक्वल टू, टू, टू थर्टी टू तो अगर कभी भी एग्जाम में आ गया कि एक अडल्ट का या एक परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो आप करके आएंगे 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, ये दो क्या है आए ये सी ये पी ये एम एक जबड़े में दो इंसिसर हैं तो इसको चार से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे आठ एक जबड़े में एक कैनाइन है तो चार से गुणा कर दो कितने हो जाएंगे चार इसको भी चार से गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे आठ इसको चार से गुणा करोगे तो बारह ये लो बच्चा इस तरीके से आपको करके आना है टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री हमारे किसी काम के नहीं आते हैं ये डेंटिस्ट लोगों के काम के होते हैं ठीक है हो गया अब बात करते हैं बच्चे का डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे ठीक है ऐसे ही चार कॉलम बना दो बच्चे में इंसिजर कितने आठ दो 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 के नाइन कितने चार चार एक एक हो जाएगा प्रीमोलर क्या लिखो यहां पे हाँ जी क्या लिखो जीरो प्रीमोलर होता ही नहीं है तो जीरो लग जाएगा मोलर आठ तो दो 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 बच्चे कैसे लिख देंगे डेंटल फॉर्मूला इक्कीस जीरो दो इक्कीस जीरो दो ये दो क्या है आई ये क्या है सी ये क्या है पी ये क्या है एम तो प्रीमोलर बच्चे में होते ही नहीं है याद कर लिया जी ठाकुर जायद याद हो गया गणेश कुमार याद हो गया दिक्कत नहीं है अडल्ट का पूछा टू वन टू थ्री बच्चे का पूछा टू वन जीरो सबको हो रहा है क्लियर है ना कर दोगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है काम के किसी की नहीं एक बच्चा कह रहे हैं है, मैम क्या काम आते हैं ये बच्चा मैथ्स के फॉर्मूले काम आते हैं ये कुछ काम के नहीं है मैं खुद कह रही हूं ये काम के नहीं है ये तो हम भी कह रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है काम वाम के कुछ नहीं है अपने कोई लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये हो गए डेंटल फॉर्मूला अब मैं आपको आपके दांतों के बारे में कुछ करेक्टर नोट करवा रही हूं हमारे दांत हमें नहीं मतलब चूहे के दांत कैसे होते हैं कुत्ते के कैसे होते हैं हमें कोई मतलब नहीं है जब हम हमारे दांतों की बात करते हैं तो हमारे दांतों के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे दांतों के कुछ लक्षण हैं और क्या क्या तो सुनो सबसे पहला हमारे दांत होते हैं डाइफायोडोंट क्या होते हैं डाइफायोडोंट और डायोफायोड को बोलते हैं हिंदी में द्वि बार दंती दो बार आने वाली दंती हमें जीवन में दो बार दांत आते हैं इसलिए बच्चा हमारे दांतों का पहला लक्षण क्या है कि ह्यूमन टीस डायोफायोडेंट एनसीआर में लिखा हुआ मनुष्य के दांत डाइफायोडेंट होते हैं द्वि बार दंती होते हैं लिख लिया बात खत्म चलो दूसरा हमारे दांत होते हैं हेटेरोडोंट है क्या होते हैं हेटेरोडोंट है और हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती विषम दंती का मतलब होता है बच्चा हमारे दांत अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के होते हैं हमारे दांतों का आकार और आकृति अलग अलग है कभी आपके सारे दांत एक जैसे हैं दिखने में नहीं मैम कोई इतना सा ऐसा होता है कोई ऐसे चौड़ा होता है कोई ऐसे नुकीला होता है एक जैसे तो नहीं है कभी मच्छर को पकड़ के उसके दांत देखना एक जैसे दिखेंगे चूहे को पकड़ के देखना एक जैसे क्योंकि उनके दांत तो होते हैं होमोडोंट होमोडोंट होते हैं जिनके दांत शेप और साइज में एक जैसे हो ऐसे हमारा कोई दांत छोटा कोई बड़ा कोई लंबा कोई चौड़ा ऐसे होते हैं तो इसे कहते हैं हेटेरोडोंट विषमदंती चूहे क्यों तो होमोडोंट सांप क्यों होते होमोडोंट एक दांत को छोड़ के बाकी सारे जैसे होते हैं है ना तीसरा हमारे दांतों का तीन नंबर पे जो कैरेक्टर आता है वो होते हैं ह्यूमन टीथ्स आर थिकोडोंट क्या थीडोट थीको और थीकोडोट का मतलब होता है ग्रित दंती और का मतलब क्या होता है हमारे दांत ये हड्डी है इस हड्डी के नीचे की तरफ ऐसे प्रॉपर एक सॉकेट बना हुआ है ऐसे मान लो यहां से एक हड्डी जा रही है जबड़े की और इसमें ऐसे सॉकेट बने हुए हैं और इन्हीं सॉकेट के अंदर आपका दांत फिक्स है तो हमारे दांत इन सॉकेट में धसे हुए होते हैं तो ऐसा कोई दांत जो हड्डी से लगे हुए सॉकेट के अंदर धसे हुए होते हैं एम्बेडेड होते हैं तो उसे कहा जाता है थीकोडोंट। तो हमारे दांतों के तीन लक्षण हैं पहला दो बार आते तो डाइफाइडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट साइज और शेप दोनों क्या है आप बताएंगे बच्चा अच्छा आपके एक दांत एक्स्ट्रा है खुशबू का एक, हाँ कभी कभी एक दांत एक्स्ट्रा निकल है एक दांत के ऊपर दूसरा दांत उग जाता है कोई बड़ी बात नहीं हो जाता है वो एक्स्ट्रा नहीं मानते आपके दांत के बीच में स्पेस कम हो गया तो एक दांत आगे या पीछे खिसक गया था खिसक गया था खुशबू एक्स्ट्रा नहीं होगा काउंट करोगे तो बत्तीस निकलेंगे बच्चा ठीक है और थिकोडोंट का मतलब क्या हो गया कि इनके सॉकेट बने हुए इन सॉकेट के अंदर धसे हुए दांत है आपके तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे दांतों की जो आपको नोट करना है ठीक है अब चलते हैं थोड़ा सा आगे यहां तक आपको कुछ बातें चले गई पता अब एक क्वेश्चन और बताती हूं आपको आपने हाथी के दांत देखे होंगे ऐसे बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और काटने के अलग हैं। बिल्कुल सही बात है हाथी के जो सूंड के अंदर से जो दो दांत निकले हुए होते हैं वो कौन से होते हैं वो बच्चा अपर जो के अपर इंसीजर होते हैं अपर इंसीजर्स होते हैं तो याद रखिएगा हाथी के जो ऊपर वाला जबड़ा है उसके दो इंसीजर बाहर की तरफ आ जाते हैं और हाथी की सूंड के अंदर तो हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत हैं वो अपर इंसीजर है और इंसिजर्स कभी काटते नहीं है काटने वाले चीरफाड़ करने वाले कौन से होते हैं केनाइन वो हाथी के मुंह के अंदर होते हैं इसलिए कहते हैं हाथी के दिखाने वाले दांत तो बाहर है और जो काटने वाले खाने वाले वो दांत अंदर है तो दोनों बात याद रखिएगा बच्चा नेक्स्ट कि हमारे जो आउटसाइड टीथ ऑफ एलिफेंट और अपर इंसिजर्स होते हैं ऊपरी जबड़े के इंसिजर्स होते हैं यह बात आप याद कर लेना ठीक है चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगला पॉइंट एक पॉइंट मैंने आपको नोट करवा दिया मांसाहारी जीव जंतु सबसे ज्यादा किसको उपयोग में लेते हैं अपने अपने का मतलब क्या होता है बच्चा यादुवंशी एक बात और लिख लो हमारे दांतों का एक करेक्टर ये भी होता है हमारे दांत ब्यूनोडोट होते हैं और ब्यूनोडोट का मतलब होता है हमारे दांतों में पेनापन होता है पेनापन समझते हैं ना की ये वाली जो अच्छा दांत का सीख घिसो आपको हल्का सा ऐसा पेनापन देखो यहाँ छप जाएंगे ऐसे तो ये जो दांतों में ये पेनापन है ना इसे ब्यूनोडोंट कहा जाता है लेकिन ये सारे लोगों में नहीं होता है मतलब हम लोगों में है इंसानों में है कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके दांत बहुत ही ऐसे सॉफ्ट से ही होते हैं तो ये पेनापन है ना हमारे दांतों में उसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट तो ये हो गया अपर इंसिजर की बात अब बात करते हैं दांत की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये तो बात इतनी आपको दांत क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं किस में कितने होते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है हम आम भाषा में कहते हैं अकल की दांत बोलते ना मेरे में अकल की दांत आई है यार है ना लेकिन अकल अभी तक नहीं आई में अकल की दांत अब क्या होता है विजडम टूथ पहले मेरी बात सुनो वो दांत जो सबसे आखिरी में आता है और बच्चा ये ना अठारह साल बीस साल के बाद कभी भी आ सकता है कितने आते हैं विजडम ट्रुथ चार आते हैं चार आती है अकल की दांत अकल से कोई लेना देना नहीं है अकल से कोई लेना देना नहीं है किसी में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं आप में अकल आ गई और किसी में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं आप में अकल नहीं आई है बस इसको अकल के दांत क्यों बोलते हैं क्योंकि आफ्टर द प्यूबर्टी एज आते हैं और भाई प्यूबर्टी एज आपकी जब निकल गई है तो आप मैच्योर हो गए हो आप में अकल आ गई है जब अकल आई तो उसके बाद दांत आया तो उसको अकल का दांत कहते हैं और कितने आते हैं चार आते हैं और बच्चा अगर किसी में एक भी नहीं आया तो अभी आप में अट्ठाईस दांत है अगर किसी में दो आ गए तो आप में तीस है अगर किसी में चारों आ गए तो बत्तीस है आप सब बताओ किस किस को आ गए हैं अकल के दांत किस किस को अकल के दांत आ गई है और किस किस को अकल के दांत नहीं आई है वो बताओ मुझे दो आ गई है मेरे में तीस दांत है जब आती है तो बहुत दर्द होता है क्यों क्योंकि भैया बीस बाईस साल में आ रही है तब तक तो आपके मसूड़े बहुत मेच्योर हो चुके हैं अब दांत इतना हार्ड है उसके अंदर से निकल के मसूड़े की चीर फाड़ करके अंदर से निकल रहा है दांत इसलिए दर्द होता है आपको बुखार भी होता है तीन चार दिन तक आपको भी आ गया ठीक है मेरे में दो हैं तो तीस हो गया आप में आप में चार हैं राकेश जी तो आप में तो बहुत अकल आ गई है आपको एक भी नहीं आया खुशबू क्या उम्र है आपकी बेटा कितनी उम्र है आपकी हाँ जब आता है तो बहुत दांत में दर्द होता है और बहुत ही ज्यादा बुखार होती है क्यों क्योंकि दांत बहुत हार्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फोस्फेट का बना हुआ होता है और मसूड़े बेचारे एकदम सॉफ्ट से होते हैं उनके अंदर से चीर फाड़ करके निकल रहा है तो दर्द तो हो गई तो कोई नहीं एक कैट्रोल डीटी नाम की दवाई आती है पांच मिनट में असर हो जाएगा जब भी आपके दांत में कीड़ा लग जाए या आपके दांत में कोई दर्द होता है तो कैट्रोल डीटी आती है तुरंत खा लिया करो इंजेक्शन की दवाई है पांच मिनट में असर करती है पांच मिनट में असर करती है ये खा लिया करो है ना चलो तो विजडम टूथ चार आते हैं अकल की कोई लेना देना नहीं है और बच्चा ये क्या है ये होते हैं वेस्टीजियल ऑर्गन ये होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन अब बच्चा ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं वो सुन लो हिंदी में कहते हैं अवशेसी अंग अवशेसी अंग वो ऑर्गन्स जो आपके बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं है ऐसे ऑर्गन जो आपके शरीर में है लेकिन किसी काम के नहीं है हाँ पुराने जमाने में आपके पूर्वजों के काम के थे लेकिन अब आपके किसी काम के नहीं है और साइंस कहती है जो चीज काम की होती है वो ग्रो करती है और जो काम नहीं करती है वो धीरे 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 लुप्त तो हो जाती है जिराफ की गर्दन जिराफ ऐसे पेड़ के पत्ते खाता था याद है वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी परिवर्तन का सिद्धांत क्या कहा था ने? कि जिराफ इस तरीके से पेड़ के पत्ते खाता था तो इस तरीके से उसकी गर्दन तंती गई इतनी लंबी जिराफ की गर्दन हो गई तो जितने अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गन काम में आता है वो हमेशा ग्रो करता है आगे से आगे पीढ़ी में जाएगा तो बड़ा होते जाएगा जो काम नहीं आता है वो वहीं खत्म हो जाता है तो ऐसे ऑर्गन्स जो ऑर्गन्स है आपके बॉडी में लेकिन किसी काम के नहीं है ऐसे हमारे बॉडी में पांच ऑर्गन है पांच वेस्टिजियल ऑर्गन आज भी है हमारे बॉडी में जिसमें से फर्स्ट है विजडम विजडम टूथ टूथ लिख लो जो अकल की दांत आप जिन्हें कहते हो वो बच्चा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ये किसी काम के नहीं है एक बात बताओ अगर ये किसी काम के होते तो अभी तक आप, आप में नहीं आए हैं तो आपका काम कैसे चल रहा है और आगे तो भी कुछ ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं है तो बच्चा विजडम टूथ होते हैं organ, कोई काम का नहीं है नहीं आया तो भी कुछ नहीं आ गया तो भी कुछ नहीं नेक्स्ट आप बताओगे ईयर पिन्ना कान की पिन्ना लिखो कान की पिन्ना ये जो आपका बाहरी कान है ना ये वाला ये साइंस की नजर में किसी काम का नहीं है सच्ची बात है अब तुम कहोगे हम इसमें इयर पहनते हैं तो ये साइंस मानेगी क्या तुम कहोगे देखो माइक लगाते हैं हम चश्मा लगाते हैं है ना हम आजकल तो मास्क लगाते हैं ये भी एक नया आ गया भाई ये सब साइंस नहीं मानती है साइंस कहती है किसी काम का नहीं है कान का काम वाला हिस्सा है वो यहां से शुरू होता है साउंड कलेक्ट करके यहां जाता है तो ये किसी काम का नहीं है अब आप सोच रहे हो मैम मतलब ये तो एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा हाँ एक दिन के बाद खत्म ये सच बात है आप कभी देखना पुराने जमाने में जो लोग होते थे उन लोगों के कान इतने बड़े बड़े होते थे फिर धीरे 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 छोटे 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 आज देखो अपने कितने इतने से और आजकल के बच्चों को देखना और छोटे होते हैं फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे एक दिन गायब हो जाएगा अब बोलोगे हम कैसे लगेंगे जब सबके कान नहीं होंगे तो सारे एक जैसे लगेंगे तो कोई किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएगा तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन अगला नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं बच्चा हमारे बॉडी हेयर्स हमारे शरीर के बाल किसी काम के नहीं है हमारे किसी काम के नहीं है जानवरों के काम के होते हैं जो जंगल में रहते हैं जानवर उनके बॉडी का टेम्परेचर हो हमारे किसी काम के नहीं है ये हाथ पांव के बाल है ना ये किसी काम के नहीं है नेक्स्ट लिख देना इसे शरीर के बाल शरीर के बाल और फोर्थ पे आता है बच्चा बोन बोन का मतलब है पूछ की हड्डी जब आप लोग बंदर थे अब आप लोग ही थे मैं तो नहीं थी बंदर हाँ हम लोग किससे बने हैं बंदर से बने हैं कुछ आज भी बंदर रह गए हैं कुछ इंसान बदल गए हैं जब आप बंदर थे तो आप में इस तरीके से पूछ लगी थी अब आप बंदर नहीं हैं, तो आपकी पूछ तो विलुप्त हो गई लेकिन पूछ जिस हड्डी से लगी हुई थी वो हड्डी आज भी है इसे बोलते हैं टेल बोन, इसे बोलते हैं पूंछ की हड्डी ऐसे बोलते हैं टेल बोन। कहा होती है ये आपकी रीढ़ की हड्डी है ना ऐसे ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है इसका सबसे आखिरी वाला ये वाला बोन इसे टेल बोन कहते हैं और यहीं से आपकी पूंछ निकली थी जब आप अंदर थे तब तो। ठीक है चलो पांचवा अपेंडिक्स पांचवा होता है अपेंडिक्स आजकल बहुत चल रही है भैया अपेंडिक्स फट गया किसी का सुना है आपने अपेंडिक्स फट गया ऑपरेशन करवा रहे हैं पांचवा है अपेंडिक्स तो ये पांच ऐसे ऑर्गन हैं जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है लेकिन अब अपेंडिक्स कहाँ होती है अभी लिख के छोड़ दो आगे बताएंगे आपको ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन में कहा लार्ज इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स होता है बड़ी आंत होता है जब आप बंदर थे तो थोड़ा बहुत आप घास फूस खा जाते थे तो उस समय थोड़ा बहुत अपेंडिक्स काम का था अब तो आप बंदर तो है नहीं इंसान है है ना तो देखो ये अपेंडिक्स ऐसे बड़ी आंत में पड़ा हुआ होता है ये रहा अपेंडिक्स ऐसे कीड़े के आकार का एक कीड़ा होता है ना उसके आकार का ऐसा जो आगे आएगा एक कह रहे हैं नेल नहीं बच्चा नाखून वेस्टिजियल ऑर्गे नहीं है नाखून प्रोटेक्शन का, का काम करते हैं जब कोई आपको

मतलब अगर आप में अभी चार अकल की दांत नहीं आई है तो आप में मोलर अभी आठ ही है तो एग्जाम का क्वेश्चन ये मिलता है एग्जाम का क्वेश्चन ये बनता है कि जो विजडम टूथ है वो किस प्रकार के दांत हैं आप बताएंगे ये मोलर होते हैं ये क्या होते हैं मोलर होते हैं जो हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले ये मोलर तो इन्हीं मोलर में शामिल होते हैं आपके विजडम टूथ ये जो पढ़े हैं ना मोलर यहां वाले मोलर कितने थे

आप चलते हैं थोड़ा सा आगे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैम आर्मी में तो 32 दांत ही चाहिए 21 ईयर में होना ऐसा नहीं है कि आर्मी में 32 दांत चाहिए आ, वो लोग ऐसे 32 दांत को एक इंडिकेशन समझ लेते हैं कि अगर आप में 32 दांत हैं तो आप हेल्दी हैं डेविड बाकी कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अगर 32 नहीं और आपने दौड़ वोड़ लगा ली आपने फिजिकल क्लियर कर लिया तो निकाल देते हैं मेडिकल में ऐसा नहीं है अगर तीस भी है तो निकाल देते हैं अच्छा लड़कियों की तो नाखून हाँ लड़कियां बहुत नाखून काम में लेती हैं मेरे को भी बहुत शौक है नाखून बढ़ाने का लेकिन हमारे पापा को बहुत गंदा लगता है नाखून बढ़ाना क्योंकि इससे बहुत इंफेक्शन होता है बिकॉज इसमें डेड सेल्स होती हैं ठीक है थीके? अब बात करते हैं दांत की स्ट्रक्चर कैसी है तो लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ स्ट्रक्चर ऑफ टीथ दांत की संरचना कैसा होता है दांत दिखने में किसका बना हुआ होता है दांत की संरचना कैसी स्ट्रक्चर है आपके दांतों की जब दांत की स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एक फोटो दिखाना बनता है आपको है कि नहीं है अच्छा इसमें नहीं है वो फोटो कोई बात नहीं मैं बना के बता देती हूं जब दांतों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दांत ना अगर मैं एक आम भाषा में आपको तो दांत आपको ऐसे दिख रहा होगा ये सफेद सा पार्ट दिख रहा होगा दांत का दिख रहा है ना ये दांत का क्या है सफेद भाग दिख रहा है इस सफेद भाग को हम बोलते हैं दांत का क्राउन पार्ट क्राउन कहाँ पहना जाता है ऊपर तो ये दांत का ऊपरी भाग है ये मत सोचना कि जबड़े ऊपर होते हैं नहीं जबड़े होते रूट और ये नीचे की तरफ होते हैं आपके दांत के गम्स गम्स का मतलब होता है जबड़े ये क्या होते हैं गम्स जबड़े नहीं अरे मसूड़े मसूड़े और मसूड़े को कहा जाता है दांत का रूट पार्ट तो कभी उल्टा मत कर देना कभी उल्टा मत कर देना आप नहीं तो ये सोचोगे कि क्राउन वाला पार्ट ये ऊपर वाला पार्ट है क्राउन मतलब सर पे ऊपर पहनाते हैं तो दांत का जो सफेद वाला भाग है जो दिख रहा है आपका ये होता है क्राउन पार्ट और जो जहां पर मसूड़े होते हैं उस हिस्से को कहते हैं गम्स पार्ट रूट्स वाला पार्ट जड़ों वाला पार्ट और ये जो मसूड़े हैं ना इनमें होता है ब्लड इनमें क्या होता है खून होता है तो ये तो मैंने ओवरव्यू दिया कि दांत कुछ ऐसा होता है लेकिन कल की क्लास में मैं दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी एनाटॉमी पढ़ाऊंगी कि दांत अंदर से कैसा होता है और दांत में कीड़ा कैसे लग जाता है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आज टाइम हो गया वो फोटो लाना भी भूल गई कल वो इमेज लेके आती हूँ तो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बस आज के लिए इतना बहुत है नहीं नाखून नहीं खाना चाहिए ऑफ कुछ लोग पता है इतने वाहिया किस्म के होते हैं नाखून खाते रहते तो मैं पागल है ये जो नाखून खाते हो कुछ लोग पता है क्या होते हैं बाल खाते हैं हमारी कॉलेज में एक लड़की थी वो बाल खाती थी ऐसे नाखून बाल इन सबसे कैंसर होता है कुछ लोगों हमने देखा है टेंशन में इस तरीके से ऐसे फिर चबाते उन्हीं लोगों को आगे चल के फिर कैंसर होता है फिर कहते हैं अरे हमारे तो बुरे कर्म थे जो हमें कैंसर हो गया हाँ <coughs> जी अरुण देव क्या हो गया है ना कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो ये सब मत करा करो ये नाखून वाखुन खाना और ये बाल खाना इन सब से इन सब से कैंसर होता है कैंसर बर्तन के ऊपर जब बर्तन धोते हो तो अच्छे से बर्तन ही धोते हो साबुन लगी रहती है वो भी कैंसर का रीजन है आजकल के लोग घर में क्रॉकरी लाते हैं प्लास्टिक की प्लेट में खाते हैं अरे भैया ये प्लास्टिक व्लास्टिक ना कार्सिनोजेनिक होते हैं स्टील में स्टील में पानी पिया करो स्टील मटके का पानी पी लो मिट्टी के बने हुए बर्तन में खाना खा लो है ना तो ये सारी चीजें मत करा कर ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं कुछ लोग होते हैं कपड़े अच्छे से नहीं देते साबुन वाबुन रह जाती है कपड़ों में फिर वो कैसे ना कैसे वो साबुन वाबुन या सर्फ जो है वो मुंह नाक से चले जाते हैं पार्टिकल्स कुछ लोग होते हैं ऐसे मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हाथ में जैसे मार्कर है इस मार्कर को ऐसे ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाती हूं तो बच्चे क्या करते हैं पेन को ऐसे खाते सब कार्ड सुनो जैने कहे पेन मुंह में ले लिया मार्कर मुंह में ले लिया कुछ भी कुछ लोगों के आते थे कुछ भी पेन का ये वाला देखो पेन का जो ढक्कन होता है ना उसको ऐसे चबा जाते हैं कुछ लोग यही सब कैंसर का कारण बनता है आगे चलकर इसलिए ये सब हरकतें मत करा करो कोई करता है तो उसे छोड़ा भी क्या करो दांत झड़ने क्यों लग जाते हैं उसकी बात करेंगे अगली क्लास में बताएंगे आपको अरुण देव ठीक है चलो अब नहीं होगा कृष्णकांत आई एम रियली सॉरी अब नहीं होगा चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है वगैरह सब बात करेंगे आगे बात करेंगे सारी बातें मैम हमारे घर हमारी साइड एक हार्पिक पी के सुसाइड किया था हाँ तो हार्पिक में बच्चा अः थोड़ा बहुत तो जहर आता ही ना बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए डालते हैं क्लोरीन डालते हैं हार, हा, हा, हार्पिक में तो पियोगे तो मरोगे रात को नेल्स नहीं काटने से इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है ये सिर्फ हमारी बनाई हुई थ्योरिया है मंगलवार को नाखून नहीं काटना चाहिए नाखून की सफाई कर रहे हो अपने शरीर की तो वो वार के हिसाब से करोगे क्या ये सब अपनी बनाई हुई थ्योरिया होती हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि रात को नाखून मत काटो या मंगलवार को नाखून मत काटो मंगलवार को दाढ़ी मत बनवाओ क्यों आएगी नहीं क्या वापस तो वो सब थोड़ा सा ये बनाई शास्त्रों के बनाई हुई चीजें बाकी इनका कोई जीवन से या साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है मैं तो हर दिन नाखून काट लेती हूँ मैं कोई भी देखती नहीं वार वगैरह जैसे कुछ लोग होते हैं वो ये कह देते हैं हमारी मम्मी कहती थी पहले की जब लड़कियां पीरियड्स से होती हैं पीरियड्स बोले तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसमें आचार वाचार के हाथ नहीं लगाना चाहिए आचार खराब हो जाता है ये सब पता नहीं कहाँ से किसी भावनाएं लेकर पैदा हो रहे हैं लोग सिर्फ इंडिया में होता है बाहर जाओगे तो सब चीजें देखने को नहीं मिलती है चलो अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और कल हम आपको आगे का थोड़ा दांत की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे फिर सलाइवरी टंग के बारे में ये सब हम कल की क्लास में करेंगे आज के लिए इतना बहुत है थैंक यू सो मच बाय बाय मैम मैं आपके क्लास नोट बढ़िया तरीके से बना रहा हूं बहुत बढ़िया मैम हमने हमारा खुद एक दांत तोड़ दिया था तुम भाई यार कहां से आते हो यार है खुद नहीं मुक्का मार के खुद का ही दांत तोड़ लिया किस बात का गुस्सा था गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड छोड़ के तो नहीं भाग गई थी उस पर गुस्सा निकाल नहीं पाए होंगे चलो ओके बाय बाय। बच्चा हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग हां जी चलो रानू सिंह तोमर रामू सिंह तोमर आकांक्षा अनुराधा त्रिपाठी नूर हसन अंसारी प्रियंका स्नेहा बदिया सालिन अरे बहुत अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं आपके बैच में तो बृजेश कुमार यादव अनु वर्मा विजय वर्मा कादुराम सेनी आलोक कुमार तिवा, आलो तिवारी आलोक तिवारी तिवारी विकास कुमार अमित शर्मा उसके बाद हैं सुरेंद्र कुमार डांगी अरुण सिंह अजय राजपूत दीपक सोनी सनी कुमार यादव बबली राजपूत अक्षय गुप्ता प्रिया प्रमार रितीश कुमार मेहता चलो भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है प्रियंका आते ही बोलने लग गई है मैम ऑडियो वीडियो क्लियर है बहुत बढ़िया प्रियंका आपको आदत पड़ गई है ना कि मैम पूछेंगी उससे पहले हमें बता दे ओके प्रदीप कुमार रितेश चौधरी चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास हाँ जी आज की क्लास स्टार्ट करें क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे एक बच्चा कह रहा है कि मैम हमने आपको मैसेज किया था आपने देखा नहीं आज देखूंगी बच्चा कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कल बहुत काम था इसलिए आज देखूंगी ठीक है एक लाइन क्वेश्चन साइंस डाल दू क्या कह रहे हैं बच्चा मैं समझ नहीं पा रही हूँ तो आज देखूंगी आपके मैसेज आपने क्या मैसेज किए हैं और हाँ जिन जो बच्चे लैब असिस्टेंट के एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे थे कि मैम सिलेबस क्या है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा आज तो लैब असिस्टेंट वाले बच्चे कैसे तैयारी कर सकते हैं आप उस वीडियो को देख लीजिएगा उसमें सारा का सारा आ, साइंस का मैंने पार्ट डिस्कस कर दिया है ठीक है चलो ओके नूर हसन अंसारी देखेंगे हम आइए फिर डायरिया क्या होता है समझाएंगे डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त लगना चलो आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास राजू राजू यादव या क्या है आप जादव आपका देख लिया है बच्चा ब्रिजिस पीजीटी साइंस की उसमें बात करेंगे पीजीटी साइंस का मैं अभी बताऊंगी थोड़ा टाइम दो एक एक चीज करके डिस्कस करेंगे चलिए बच्चा तो कल हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है माउथ से माउथ मैंने कहा था तीन ऑर्गन पढ़ने तीन And salivary gland. Dant, हमने start कर थे डेंटल teeth, teeth फॉर्मूला क्या, -क्या, कि, क्या होता है चाइल्ड का क्या होता है अडल्ट का क्या होता है फिर मैंने कहा था की कल की क्लास में थोड़ा सा बताऊंगी दांत की स्ट्रक्चर कैसी है बाहर से दिखने में तो ऐसा है कि दांत है सफेद वाला पार्ट और ये ऊपर वाले मसूड़े हैं ऐसा बाहर से देखने में तो ऐसा ही होता है लेकिन बच्चा जब बात करते हैं दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो दांत का, का अंदर अंदर तरीके तरीके से से कैसा होता है तो ये देखेंगे, तो देखेंगे हम यहां पर जब आप दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बच्चा कुछ ऐसे ऐसा आपका दांत दिखता है देख लीजिए आप कुछ आपका ऐसा दांत दिखता है जो तीन भागों में बंटा हुआ है यहां पर तीन भाग कैसे कैसे कल मैंने दो तो आपको बताए थे कि ये क्राउन वाला पार्ट है बताया था ना कि दांत का ऊपर जो सफेद वाला पार्ट दिख रहा है आपको ये इसे बोलते हैं क्राउन वाला पार्ट और ये जो क्राउन है जो सफेद कलर का है दांत इस तरीके से बच्चा इसकी जो सबसे बाहरी लेयर है जो सफेद दिख रहा है वो किसका बना हुआ होता है ये बना हुआ होता है इसे इनामिल कहा जाता है पहला पॉइंट तो ये लिखो कि दांत का जो क्राउन पार्ट है क्राउन का मतलब ऊपरी भाग ऊपर मैंने कहा था कि ऊपर होगा व्हाइट वाला पार्ट नीचे होंगे मसूड़े जड़ों वाला पार्ट तो बच्चा दांत का जो सफेद वाला भाग है जिसे हम क्राउन पार्ट कहते हैं उसकी सबसे आउटर लेयर ये जो सबसे बाहरी परत है इसे हम बोलते बोलते हैं हैं क्या बोलते है? इनामेल. और ये सफेद रंग का है दिखी रहा है दिख ही रहा आपको हाँ जब तक आप गुटका नहीं खाते हैं बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं पीते हैं तब तक तो भैया ये सफेद है लेकिन अगर आप गुटका खाते हैं पान खाते हैं ज्यादा जर्दा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं तो ये पीले भी हो सकते हैं है ना इनके ऊपर पीलापन भी जम सकता है तो जब बात करते हैं बच्चा कि इनामिल है वो सफेद भाग है और ये इनामिल जो होता है ये हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है तो आपको बताना है वो दांत का इनामिल होता है बात यह है कि मैम इतना हार्ड क्यों है मैंने कल बताया था कि जब आप मर जाओगे आप और मैं दोनों ही क्योंकि जो दुनिया में आए हैं उसे एक दिन जाना ही जाना है यहाँ पे कोई रहा तो है नहीं अमर तो कोई होने वाला नहीं है है ना लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है आपको वो काम करके आपको जाना चाहिए तो बच्चा जब दांत के आउटर पार्ट की बात करते हैं जिसे हम इनामेल कहते हैं वो इतना हार्ड होता है कि जब आप मर जाते हो तो उसके बाद जब आपकी डेड बॉडी को जलाया जाता है उसके बाद भी वो जलता नहीं है उसे अस्थियों में उठा के हम विसर्जन करके आ जाते हैं गंगा में या जो भी आपकी आस्था है उस तरीके से बच्चा तो ये इतना हार्ड क्यों होता है क्योंकि बच्चा ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट का बना हुआ होता है कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट का बना हुआ है इसलिए ये इतना हार्ड होता है इतना कठोर होता है तो क्वेश्चन दो बने कि दांत की जो व्हाइट वाला पार्ट है उसकी सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है वो इनामिल कहलाती है या पूछेगा दांत का जो सफेद वाला भाग है उसे क्या कहते हैं इनामिल कहते हैं और पूछता है कि इनामिल हमारे शरीर का क्या होता है सबसे कठोर भाग होता है क्यों होता है क्योंकि ये किसका बना हुआ होता है तो ये कैल्सियम कार्बोनेट और कैल्सियम फोस्फेट का बना हुआ होता है कैल्सियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं चूना पत्थर कहते हैं चट्टान बनती है कैल्सियम कार्बोनेट से उसी कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा दांत बना हुआ है इसलिए कठोर है बच्चा और जब दांत की नीचे की तरफ पार्ट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं आपके ये दांत का रूट वाला पार्ट है रूट का मतलब होता है जड़े जड़ जड़ों वाला भाग है जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं गम्स बोलते हैं मसूड़े बोलते हैं और बच्चा मसूड़े जो होते हैं ना वो एक तो मसल का बना हुआ है मांस का बना हुआ है इसीलिए कभी कभी आप बहुत तेज तेज ब्रश करते हैं तो ये मांस छिल जाता है और उसमें से खून आ जाता है क्यों क्योंकि इसी मसूड़े के अंदर मांसपेशियां होती हैं और इसी के अंदर क्या होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं रक्तवाहिकाएं भी होती हैं जो ब्लड को जो खून को और खून के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो ऊपर तक इस तरीके से पहुंचाने का काम करती है तो किसी दिन आपके मसूड़े टूट गए तो ये दांत का भी हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो भी गिर जाएगा दांत झड़ जाएगा आपका टूट जाएगा तो मैं ये कहना चाह रही हूं बच्चा इस तरीके से आपका दांत है ये दांत का इनामिल है और इनामिल क्या होता है हार्ड पार्ट होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कैल्सियम का बना हुआ है और ये रूट वाले पार्ट में ये आपके मसूड़े हैं और इन मसूड़ों के बीच से इस तरीके से दो ब्लड वेसल निकलती हैं ये कि पहला ये देखो यहां लिखा हो ना ब्लड वेसल ब्लड वेसल क्या होता है रक्त वाहिकाएं वो वाहिकाएं जिसके अंदर खून रहता है रक्त रहता है तो एक ये रही एक ये रही तो ये ऊपर तक हमारे दांत के पास पूरे पूरे दांत के अलग अलग भाग के पास खून ऑक्सीजन ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स, खाना पानी सब कुछ यहाँ ट्रांसफर करती है सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर करती है अब देखो बच्चा कुछ लोगों की आदत होती है कि जो वो खाना वाना खाके कुर्ला अच्छे से नहीं करते हैं ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं तो दांत के अंदर छोटा मोटा खाने के पार्टिकल्स फंसे रह जाते हैं और फिर उन्हीं पार्टिकल्स के दांत के अंदर जो खाना है वो दांतों के बीच में फंस जाता है आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं तो वो खाना सड़ जाता है और सड़ने से हमारे दांतों के अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं जीवाणु लग जाते हैं जिसे आप लोग अपनी आम भाषा में क्या कहते हो दांत में कीड़ा लग गया है और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे धीरे, धीरे, धीरे दांत की जड़ों को यहां आकर इन्फेक्शन करने लग जाते हैं और दांत की जड़ें कमजोर कर देते हैं और फिर दांत की जड़ें जब कमजोर हो जाती हैं तो उस दांत के इस हिस्से तक कुछ भी न्यूट्रेंट ऑक्सीजन वगैरह कुछ पहुंच नहीं पाता है और दांत आपका धीरे 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 बीच बीच में से टूटने लग जाता है जिसे हम क्या कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है मेरा दांत में बहुत दर्द हो रहा है वो कीड़ा नहीं है वो बैक्टीरिया पनप गए हैं आप प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं आप कुल्ला नहीं करते हैं जिसकी वजह से आपके दांतों में सड़न पैदा हो गई है जहां से बैक्टीरिया पनप गए हैं अब ये धीरे धीरे आपके दांतों की जड़ों को कमजोर करेंगे देन आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे डेंटिस्ट क्या कहेंगे कि देखिए आपके दांत के अंदर तो बैक्टीरियाज लग गए हैं दांत इतना खराब हो गया है मुझे करना पड़ेगा आर नहीं तो अभी एक दांत में है फिर धीरे धीरे आगे आगे सारे दांतों में फैल जाएगा तो डेंटिस्ट आपको क्या कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं कि आरसीटी करना पड़ेगा आरसीटी क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट कभी ना कभी किसी का हुआ होगा है ना कभी ना कभी किसी का हुआ होगा और इसमें क्या करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में पहले आपको थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं जिस भी हिस्से में आपके दांत के दर्द है मान लो इस हिस्से में है तो इस हिस्से को सुन करते हैं बाद में क्या करते हैं कि जिस हिस्से जिस में जिस दांत में कीड़ा लगा है तो इस, इस यहाँ पे कीड़ा लगा है ऐसे सुई मारते हैं कभी देखना किसी ने करवाया होगा नहीं करवाया होगा तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो आपको करवाना पड़े ऐसे सुई मारते हैं इन दोनों नसों के अंदर तो आपको दर्द भी बहुत होता है क्यों क्योंकि यहीं पर दर्द महसूस करने वाली नर्व देखो दे नर्व ये नर्व सिग्नल लेकर जाती है ब्रेन के पास और ब्रेन आपको दर्द महसूस करवाता है तो दर्द ना हो इसलिए वो बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं उसके बाद इसमें ऐसे पिन मारते हैं और पिन मारकर जो बैक्टीरिया ने सड़न गलन पैदा कर रखी थी जो बैक्टीरिया थे उन्हें एक सॉल्यूशन होता है उससे पूरा का पूरा उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे खत्म करते हैं और उस बैक्टीरिया को मार देते हैं और मारने के बाद इस हिस्से पे अगर यह हिस्सा ठीक है रिकवर होने के लायक है तब तो भैया यहां पर ना वो क्या लगा देते हैं अंदर फिलिंग कर देते हैं और फिलिंग किसकी करते हैं अमलगम की फिलिंग बोलते ना दांत में मैंने फिलिंग करवाई है अमलगम की करते हैं अमलगम में क्या होता है मरकरी और मरकरी के साथ कुछ अदर मेटल्स रहती हैं अदर मेटल्स का कोई चूरा रहता है एल्यूमिनियम का हल्का फुल्का चांदी का चूरा भी डाल देते हैं और ये अमलगम से फिलिंग करके ऊपर एक कैप लगा देते हैं कैप लगा देते हैं और अगर भैया बहुत ही ज्यादा कीड़ा लग गया है तो उस दांत को डॉक्टर निकाल के बाहर फेंक देता है क्यों क्योंकि वो कीड़ा परमानेंट आपके पूरे के पूरे दांतों को खराब कर सकता है तो इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ना तो याद रखिएगा बच्चा इस तरीके से हमारा दांत है आपको याद ये रखना है सिर्फ कि ये दांत का सफेद वाला भाग इनामिल है आउटर लेयर इनामिल है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फोस्फेट की बनी हुई है इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है इसमें पानी नहीं होता इनामेल में और जो दांत का निचला हिस्सा है जिसे हम मसूड़े कहते हैं है ना वो मसूड़े खून पानी ऑक्सीजन को ऊपर ट्रांसफर करते हैं क्योंकि उनके पास दो इस तरीके से ब्लड वेसल्स होती है लेकिन यहां पर अगर बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो जाता है कीड़ा लग जाता है तो आपके दांत में सड़न गलन हो जाती है और बहुत सारे कीड़े पनप जाते हैं जिनकी वजह से आपके दांत में दर्द भी होता है है फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है ठीक है बच्चा अब इसके अलावा देखो बच्चा हमारे दांत की जो ये इनेमल है ना इसको चाहिए होता है फ्लोराइड क्या चाहता चाहिए होता है फ्लोराइड आयंस चाहिए होते हैं और ये फ्लोराइड हमें कहां से मिलते हैं पानी से मिलते हैं पानी से मिलते हैं मैंने कहा कि इस इनामिल को अच्छा रखने के लिए फ्लोराइड भी चाहिए होता है लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फ्लोराइड वाला पानी पी लिया तो ये फ्लोराइड जाकर इस इनामिल को पीला कर देते हैं सफेद से पीला कर देते हैं जैसे आप हमारे राजस्थान में कहीं चूरू डिस्ट्रिक्ट के आसपास के गांव में जाओगे वहां आज भी खारा पानी आता है और वो लोग खारा पानी पीते हैं उस खारे पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो वहां के लोगों के दांत देखोगे ना तो आपको हल्के पीले दिखते हैं दांत हल्के पीले दिखते हैं दिखते हैं हैं बच्चा क्यों पीले क्योंकि वो ऐसा पानी पीते हैं जिसमें फ्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं फ्लोराइड आयन चाहिए होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं तो ज्यादा वो दांत की इस इनामेल को सफेद से पीला कर देता है इसलिए ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और फिलिंग किसकी करते हैं ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है लेकिन आप यहीं पढ़ लो कि दांत के अंदर जो फिलिंग होती है वो अमलगम की होती है अमलगम क्या होता है जब मरकरी को किसी और मेटल के साथ जोड़ते हो तो उसे अमलगम कहते हैं चाहे आपने एल्यूमिनियम का पाउडर डाल दिया मरकरी के साथ चाहे आपने थोड़ा बहुत अः किसका डाल दिया आपने डाल दिया आ, चांदी वांदी का चूरा डाल दिया है ना और उसको फिलिंग कर देते हैं ऊपर से कैप लगा के उसे पैक कर देते हैं और इसे बोलते हैं आर सिटी इसे क्या बोलते हैं आर सिटी तो ये आज भी उन गांव में अच्छा जैसे देख लो कौन कह रहे हैं प्रदीप कुमार कह रहे हैं हमारे गांव में भी पीला वो खारा पानी आता है तो देखना आपके अच्छा आप झुंझुनू से रहने वाले हैं हाँ झुंझुनू में भी बहुत सारे ऐसे गाँव है बेटा चूरू में मैं मेरा जो जन्म है वो चूरू में ही हुआ है तो हमारे मेरे गाँव में तो खैर अभी प्रॉपर मीठा पानी आने लग गया है लेकिन बहुत सारे हैं चूरू और झुंझुनू जिले में जहां आज भी खारा पानी आता है जैसे मेरी मम्मी जिस गांव से है ना मेरी मम्मी के भी पीले दांत है और उनका कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो बचपन में मम्मी खारा पानी पीती थी तो उनके दांत पीले पड़ गए पूरे पीले नहीं है हल्के हल्के पीले हैं उनके

फ्लोराइड आयन है या आप फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए क्योंकि जो फिल्टर होता है ना जो एक्वागार्ड होता है जो फिल्टर होता है वो इन एक्सेस फ्लोरा फ्लोराइड आयंस को कम कर देता है अदर आयंस में कन्वर्ट कर देता है जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम इनमें कन्वर्ट कर देता है तो इसके सॉल्यूशन यही है बच्चा नहीं जेनेटिक्स कुछ नहीं होता है ये सब बकवास बातें होती है कि जेनेटिक्स होता है अगर जेनेटिक्स होता तो आप सोचिए मेरी माँ के दांत मेरी मम्मी के दांत थोड़े हल्के पीले हैं तो क्या मेरे दांत पीले हैं मेरे दांत एकदम सफेद है तो जेनेटिक्स कुछ भी नहीं होता है ये एक और बच्चा दांतों में लग जाता है पायरिया आपने कभी सुना हो तो पायरिया

सनी कुमार यादव प्री मॉलर और मॉलर ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग का काम करते हैं कल पढ़ाया था पता नहीं तुम लोग अपना खोपड़ी वोपड़ी लेके बैठते हो बे क्लास में हो गया तो ये दांत की स्ट्रक्चर से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है बच्चा ये क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो दांत हमने पढ़ लिए हैं अब हम पढ़ेंगे टंग के बारे में देखो हमें मुंह में तीन ऑर्गन के बारे में पढ़ना था दांत हम पढ़ चुके हैं यही क्वेश्चन आते हैं दांत में अब दूसरा जो बनता है अपना वो बनता है यहां पर टंग के बारे में जीव के बारे में जिह्वा के बारे में तंग जीव के बारे में देखो संस्कृत में जिव्हा बोलते हैं हिंदी में जीव बोलते हैं तो आप जो भी नाम से लिखना चाहो वैसे लिख लो जब आप टंग की बात करते हैं तो जीव जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है पहला पॉइंट तो टंग इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन और बच्चा मस्क्यूलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है इसे हिंदी में कहा जाता है मास पेशिए अंग मसल्स का बना हुआ है ऐसा कोई ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मास का बना हुआ है मास का टुकड़ा है उसके अंदर कोई हड्डी नहीं है कोई पसली नहीं है उसको बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन जैसे आपका हार्ट आपका हार्ट जो आपका हृदय होता है वो इतना सॉफ्ट क्यों होता है इतना सेंसिटिव क्यों होता है क्योंकि वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है तो बच्चा ठीक ऐसे ही आपकी अगर बात करती हूं मैं कि ये जो टंग है वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है ये भी एक मस्कुलर ऑर्गन है मांस का टुकड़ा है जीव के अंदर कोई हड्डी नहीं होती इसीलिए इतना फ्लेक्सीबल है देखो मैंने ऐसे मोड़ लिया ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा लेते हो अब इस हाथ को क्या घुमा सकती हूँ हड्डियां हैं ऐसे है ना तो जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है देखो बच्चा जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन जीब लास्ट में खत्म है तो इस जीभ को पकड़ के रखता है एक हड्डी जिस हड्डी का नाम होता है हायोड बोन कौन सा हायोड बोन हिंदी में भी सेम नाम है हायोड हड्डी जीभ के अंदर कोई हड्डी नहीं है लेकिन जीभ को जो पकड़ के रख रहा है गले वाली हड्डी बोलते हैं ना मैं तू मेरी गले की हड्डी बन गया है तो गले की हड्डी बोले तो हायोड हड्डी बन गया है ये आपकी जीब को पकड़ के रखने का स्ट्रेंथ का काम देता है अगर आपने किसी की गले की हड्डी ये हड्डी तोड़ दी इसे हायोड बोलते हैं ये हड्डी तोड़ दी ना आपने उसकी जीभ बाहर गिर जाएगी उसकी जीव क्या हो जाएगी बाहर गिर जाएगी आपने देखा क्योंकि प्रॉपर दे उसको पकड़ के नहीं रख पाती है उसको जीव को इसलिए उनकी जीप बाहर लटकती रहती है ना लेकिन हमारी तो बाहर नहीं लटकती रहती है तो अगर आपने किसी का यह हड्डी तोड़ दिया तो उसका जीव क्या हो जाएगा बच्चा बाहर आके गिर जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है गले में कौन सी हड्डी होती है हायोड या जीव को पकड़ के रखने का, का काम कौन करता है हायोड हड्डी करता है नेक्स्ट टंग इज ए सेंसरी ऑर्गन जीव आपका सेंसरी ऑर्गन है सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं जो किसी ना किसी चीज का सेंस देते हैं हिंदी में बोलते हैं संवेदी अंग जो आपको सेंस दे और टंग किसका सेंस देता है तो टंग देता है बच्चा टेस्ट का सेंस अच्छा जरा कमेंट करके बताना कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं जरा कमेंट करके बताना बच्चा कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं फटाक से बताओ ह्यूमन बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं हाँ जी आरती कुमारी गुड आफ्टरनून बेटा आरके सोमन गुड आफ्टरनून हाँ बताओ फिर कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं छप्पन एक कह रहे अनुराधा कह रही है फिफ्टी सिक्स टाइपिंग मैरर हो गया होगा फाइव सेंसरी ऑर्गन है आंख देखने का सेंस नाक का है ना और ये जीव टेस्ट का, कान, सुनने का और ये स्किन जब किसी ने चांटा मारा तो दर्द का सर्दी गर्मी बारिश सबका गर्म ठंडा सबका एहसास करवाने वाला तो पांच सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसमें से एक आपका क्या है जीव है जो मांस का टुकड़ा है और जब बात करते हैं जीप किसका सेंस देता है टेस्ट का और जीब की जो लेंथ होती है वो होती है टेन सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर लंबी जीभ होती है इसको नोट डाउन कर लेना दस दस सेंटीमीटर लंबा आपका जीप होता है और जब जीव की बात करते हैं तो जीव टेस्ट क्यों देता है क्यों देता है क्योंकि जीव के ऊपर होती है टेस्टिंग बर्ड क्या होती है बच्चा टेस्टिंग बर्ड होती हैं हिंदी में लिखेंगे स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं स्वाद कलिकाएं होती हैं अप्रोक्स 1500 से 2000 के बीच में ये टेस्टिंग बर्ड होती हैं छोटी छोटी बर्ड होती हैं ये टेस्टिंग बर्ड जो है ये क्या करती है ये न्यूरॉन के पास सिग्नल देती है और न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन कहता है कि जो आपने खाया है उसका टेस्ट कैसा है खट्टा है मीठा है कड़वा है क्या है और आपको एक बात बताऊं लड़कियों में टेस्टिंग बर्ड थोड़ी ज्यादा होती है है ना इसीलिए लड़कियों को टेस्ट बहुत जल्दी फील होता है जैसे घर में आप कभी नोट डाउन करना जैसे लड़कों में होती है ना एक हजार पंद्रह सौ के बीच में होती है टेस्टिंग बट लड़कों में लड़कों में एक हजार से पंद्रह सो के बीच में ऐसा साइंस बोलती है और लड़कियों में पंद्रह सो से दो हजार के बीच में होती है तो कभी कभी क्या होता है हम घरों में क्या बनाते हैं सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक ज्यादा रह जाता है बेचारे लड़के चुपचाप खा लेते हैं उन्हें इतना ज्यादा नहीं लगता है लेकिन लड़की तुरंत पकड़ लेती है कि यार इसके अंदर थोड़ा नमक ज्यादा है इसीलिए लड़कियां बड़ी चटकारे लेके खाती है ना तो लड़कियों के अंदर थोड़ी सी टेस्टिंग बट ज्यादा होती है इसलिए बच्चा लड़कियों को टेस्ट का एहसास बहुत ज्यादा और जल्दी हो जाता है जबकि लड़के बेचारे ऐसे चुपचाप खा लेते हैं है ना तो ये बात याद रखिएगा अब किस तरीके से आप जब बात करते हैं टेस्टिंग बर्ड टेस्ट बताएगी लेकिन बच्चा जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टाइप की टेस्टिंग बर्ड होती हैं आप जानते हैं ये आपका जीव है फॉर एग्जांपल तो जीब के सबसे आगे वाले हिस्से पे आपको कैसा टेस्ट फील होता है यहाँ पे टेस्ट फील होता है स्वीट मीठा क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग बर्ड होती है वो स्वीटनेस वाली होती है वो मीठे टेस्ट की पहचान करवाने वाली होती है ना यस बच्चा कुमकुम नाम है क्या आपका आप लाइव है बिल्कुल कुसुम राना ओके चलो तो जीभ के आगे वाले हिस्से पर खर, दे दे वाले गर दे गर दे स्वीट टेस्टिंग बर्ड होती है मीठे टेस्ट को फील करवाने वाली कुछ ये है ना ये वाला हिस्सा ये जो आपका ये यहां पर अगर अपन लें यहां वाला हिस्सा और यहां वाला हिस्सा थोड़ा सा ये आपको देती है सोल्टी टेस्ट कैसा सोल्टी नमकीन टेस्ट आता है यहां पर और कुछ इस हिस्से में देखोगे ना इस वाले हिस्से में तो यहां पर रहता है बच्चा खट्टा टेस्ट सौर खट्टा टेस्ट दही वगैरह खट्टा यहां लगता है और इस हिस्से में रहती है बिटर टेस्ट वाली टेस्टिंग बर्ड और बिटर का मतलब होता है बच्चा कड़वा जैसे आप दवाई खाते हैं तो आपको यहाँ पे कड़वा टेस्ट फील होता है और इसके सबसे लास्ट में ऐसे रिसेप्टर की होती हैं जो आपको झंझनाट महसूस करवाती है झंझनाट किसकी होती है प्याज खाते हो तो झंझनाट महसूस होती है अदरक खाते हो तो होती है लहसुन खाते हो तो होती है इसलिए यहां वाली जो हिस्सा है ना इसे कहते हैं गार्लिक गार्लिक ऑनियन ऑनियन का मतलब प्याज एंड ज़िंजर जिंजर का मतलब अदरक अदरक प्याज लहसुन इनके टेस्ट टेस्ट की पहचान करवा कर उनमें जो झ होती है जैसे आप प्याज खाते हो तो कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं अगर प्याज थोड़ा सा अब हमारे राजस्थान का खाके देखना सीकर जिले का प्याज लाल वाला प्याज सुआ जाएंगे है ना तो इसीलिए इस हिस्से में गार्लिक ऑनियन जिंजर के अंदर जो झंझुनाट होती है उसको महसूस करवाने वाली टेस्टिंग बर्ड होती है तो अगर हम बात करें तो हमारी जीब में क्या क्या तो अगर जीब के इस हिस्से में होती है बच्चा टेस्ट कैसा मीठा टेस्ट इस हिस्से में नमकीन कुछ ये वाला साइड वाला पार्ट लोग ना यहां वाला और ये वाला पार्ट लोग यहाँ पे खट्टा और ये बिटर कड़वा टेस्ट फील करवाती है ना ये इनमें डिफरेंस क्या है डिफरेंस कुछ नहीं है बच्चा बस ये टेस्ट की पहचान करवाती है अब ये क्या टेस्ट की पहचान करवाएंगे इनके पास तो न्यूरोन, न्यूरोन सिग्नल लेकर जाते हैं ब्रेन ब्रेन के पास सारा कुछ का ही काम है जीव अगर ब्रेन ना हो तो जीव कुछ बता ही ना पाए है ना तो बच्चा तीखा तीखा यहीं पर इस वाले हिस्से में नमकीन वाले हिस्से में यहीं पर तीखा फील हो जाता है नमकीन वाले हिस्से में तो ये आपके जीव के ऊपर टेस्टिंग बर्ड है जो आपको याद रखनी है ठीक है बच्चा जो आपको अलग अलग टेस्ट की पहचान करवाते हैं अब बच्चा टेस्टिंग बर्ड तो ये हो गई अब आप कभी आप जब ब्रश करते होंगे तो ब्रश करते होंगे तो आप देखते आपने अगर ब्रश करने के बाद तंग क्लीन करते हैं तो बच्चा तो टंग क्लीन करते हैं ऐसी तो छोटी छोटी उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखती है आपके टंग के ऊपर बताओ कितने लोग टंग क्लीन करते हैं टंग क्लीनर से और आप अगर टंग क्लीन करते हैं तो आपके जीभ के ऊपर ऐसी रेज्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं बताओ दिखती हैं या नहीं दिखती हैं? रेज्ड स्ट्रक्चर रेज स्ट्रक्चर का मतलब होता है उभरी हुई संरचनाएं दिखती हैं और इन उभरी हुई संरचनाओं को क्या कहा जाता है कुछ उभरी हुई संरचना दिखती है छोटी छोटी ऐसे बर्ड टेस्टिंग बर्ड नहीं टेस्टिंग बर्ड होगी नीचे रहती है टेस्टिंग नीचे वाले लेयर में है ना जैसे इनके नीचे लेयर है वो टेस्ट की पहचान करवाती है और ये छोटी छोटी जो उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं बच्चा जैसे मैं आपको दिखाती हूं इमेज भी होगा मेरे पास इसका ये रहा इनको बोलते पैपली इनको बोलते हैं तो बच्चा ये होती है पैपलीस देखो छोटा छोटा ऐसे हुई स्ट्रक्चर होती है आपके जीव के ऊपर इन्हें क्या नाम देते हैं इन्हें पैपली नाम देते हैं तो लिखिएगा जरा कि हमारी जीव के ऊपर ऐसे छोटी छोटी उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें पैपली कहा जाता है हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा इन्हें पैपलीज या पैपलिया कहा जाता है और जब इन पैपलीस की बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप की होती है जरा देखिएगा ये टॉन्सिल एक बच्चा टॉन्सिल क्या होता है जीव के आखिरी हिस्से पे यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं मसल्स जो फूल जाते हैं ज्यादा मीठा खाने से मीठा खा के पानी पीने से या कोई अगर तंबाखू वमाखु खाता है तो टॉन्सिल के अंदर पस पड़ जाता है जैसे कैंसर हो जाता है माउथ कैंसर हो जाता है आगे चलकर है ना तो इस तरीके से ये टॉन्सिल है ये बच्चा टॉन्सिल इस तरीके से दो इन्हें टॉन्सिल कहते हैं तो ये पैपली कितने टाइप की होती हैं तो बच्चा ये चार टाइप की पैपली होती है थोड़ा सा पीसीएस वगैरह के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है तो लिखेगा देर आर फोर टाइप्स ऑफ पैपलीज प्रेजेंट ऑन आर टंग हमारी जीव पर कुल चार प्रकार की पैपलीज पाई जाती है कौन कौन सी है नंबर वन पे लिखिए सरकम वैलियट एक नंबर पे आप सरकम वैलियट से स्टार्ट कर दो हां सरकम हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है बच्चा इनका सरकम वैलेट पैपली पैपली दो नंबर पे आती हैं वो आती हैं फंगी फॉर्म पेपली दो नंबर पे आती हैं फंगी फॉर्म और तीन नंबर पे आती हैं उनको कहा जाता है बच्चा आपका फोलियट पैपली फोलियट फोलियट पैपलीस और चार नंबर पे जो आती हैं वो आती हैं फिलिफोम पैपलिस फिलिफोम पेपलीस टेस्टिंग बर्ड में और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है पहली बात तो टेस्टिंग बर्ड कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे कि टेस्टिंग बर्ड को ही पेपलीस कहते हैं दोनों अलग-अलग होती हैं बच्चा दोनों अलग-अलग होती हैं पहली बात तो इसको नोट डाउन कीजिए इसके नीचे टेस्टिंग बर्ड होती हैं इनके नीचे टेस्टिंग बर्ड होती है अब दो क्वेश्चन इनसे क्या बनते हैं वो सुन लो जो फिलीफोम पैपलीस होती हैं वो सबसे छोटी पैपली होती है और हैं है। दो क्वेश्चन तो यही आते हैं ये जो फिलीफोम पैपली हैं है। दे आर स्मॉलेस्ट पैपलीस इनकी स्ट्रक्चर या इनकी लेंथ कम होती है और जो सबसे बड़ी होती है लंबी होती है या लार्जेस्ट होती है वो होती है फंगीफोम पैपलीस तो दो क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं कि हमारी जीप पर जो सबसे

एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कौन सी पैपलीज होती हैं जिनके अंदर टेस्टिंग बर्ड नहीं होती हैं जिसके अंदर टेस्टिंग बर्ड नहीं होती है बाकी सब में टेस्टिंग बर्ड होती है यहां पर भी टेस्टिंग बर्ड होती है पैपली में भी 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 यहां यहां पर पर बस एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा बच्चा कि जो फोलियट पैपलीज होती हैं, ये बच्चा अडल्ट में नहीं होती है जो फोलियट पैपली होती है ये अडल्ट में नहीं होती है ये छोटे बच्चों में होती है अब आप अडल्ट हो गए हैं तो ये नहीं होती है ये कन्वर्ट हो जाती हैं फिलीफोम पैपली में तो इस स्लाइड को देखकर कुछ बातें ध्यान से सुन लो कि ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर हैं ये पैपलीज हैं पहला सरकम वेलियट पैपलिस दूसरा फंगीफोम पैपलीज तीसरा फिलीफोम पैपलीज चौथा फोलियट पैपलीज ये अडल्ट में नहीं होती हैं ये सिर्फ किस में होती है चाइल्ड में होती है बच्चे में होती है जो बच्चा ये दूध वूध पीता है ना उसका एहसास करवाता है ये ये उसके टेस्ट के लिए होती है। अगर आपको मार्कर की प्रॉब्लम है तो मैं अलग चेंज कर देती हूं तो फोलियट पैपलीज यहाँ पे होती है कुछ किनारों पे तो ये अडल्ट में नहीं होती है बच्चे में होती है क्योंकि बच्चे में थी उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अडल्ट होता है तो ये फोलियट पैपली जो होती है ना ये मिक्स हो जाती है सर्कम में और फिलिफॉर्म में

टेस्टलेस लगेगा कुछ महसूस ही नहीं आएगा कुछ महसूस ही नहीं होगा क्यों क्योंकि यहां पर टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं नहीं है, तो टेस्टिंग बढ़ नहीं है, तो इसमें इस हिस्से में इसलिए जीव के बीचों बीच थोड़ा सा ये बीच कुछ यहां वाला हिस्सा इसमें कोई चीज रखते हो तो आपको टेस्ट फील नहीं होता है।, है ना तो नोट कर लीजिएगा इस सारे क्वेश्चंस पेपलीस वगैरह से बन जाए तो वो सारे बाकी अब जीभ का कोई ऐसा काम नहीं है कि जीभ को डाइजेशन में हेल्प करती हो ऐसा कुछ काम नहीं है हमने जीभ क्यों पढ़ा क्योंकि तो भैया जीभ मुंह में आती है और मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो जीभ का भी तो कुछ काम होता ही होगा अब क्या काम है जीभ का तो जीभ का ऐसा कोई काम नहीं है वो टेस्ट की पहचान करवाती है बस जो खाना खाया है वो खट्टा है मीठा है कड़वा है कैसा है इसकी पहचान करवा देगा तो मुंह में टीथ्स हो गए टीप्स ने डाइजेशन में हेल्प की है फूड की कटिंग कर दी बाइटिंग कर दी ग्राइंडिंग कर दी और फिर वो खाना कैसा खाया है उसकी पहचान टेस्टिंग बर्ड करवा दी और टेस्टिंग बर्ड के ऊपर की तरफ जो उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है वो पैपलीज होती है उससे ये क्वेश्चन बन सकता है वो नोट डाउन कर लेना अब तीसरा हमारे माउथ में जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है अपने माउथ में सलाइवरी ग्लैंड हिंदी में लिखो लारिये ग्रंथी माउथ के अंदर लारिय ये ग्रंथी होती हैं वो ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं बच्चा जो बनाती हैं सेलाइवा जो दिन रात आपके बॉडी में क्या बना रही हैं सेलाइवा बना रही हैं लार बना रही हैं अप्रोक्स एक दिन में एक से डेढ़ लीटर सेलाइवा बनता है बच्चा अप्रोक्स आपका एक से डेढ़ लीटर पर डे सेलाइवा लार बनता है जो लार आपकी रसगुल्ले को देखकर टपक टपकती रहती है ना उसे बहाए नहीं उसे टपकाए नहीं लार बहुत जरूरी होता है अगर किसी इंसान के मुंह में लार ना बने ना तो उसका डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है अब ये लार क्या होता है तो लार क्या होता है लिक्विड होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो मुंह से निकलता है अब क्या बताऊं मैं लार है ना चलो अब बात करते हैं सलाइवरी लेंस कितनी होती है हमारे माउथ में तीन जोड़ी ध्यान से सुनना तीन जोड़ी और तीन टाइप की तीन टाइप की तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं बोले तो टोटल कितनी होगी नंबर में छह जोड़ी में तीन तो तीन जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाते हैं कैसी होती है ये सलाइवरी ग्लैंड इमेज होनी चाहिए थी मेरे पास अगर नहीं है तो मिल जाएगा अपने पास इमेज तो होगा आ, यहां पे नहीं है तो कुछ आगे चलेंगे तो वहां पे मिल जाएंगी कल वाली क्लास में मैंने ये लगाई थी तीन जोड़ी और तीन ही टाइप की कौन कौन सी मैं बता देती हूं पेरोड ग्लैंड सब मैं ये तीन टाइप की और तीन जोड़े में होती है ये रहा ये रहा ये रहा बच्चा ये आपकी रही सलाइवरी ग्लैंड्स तीन जोड़ी और तीन टाइप की अब देखो इस इंसान ये इंसान ऐसे देख रहा है तो ऐसे देख रहा है तो एक दो तीन दिखा रखिए ना और जैसे इधर भी तीन है तो इधर भी तीन होंगे टोटल कितनी होगी छे होगी टोटल कितनी होगी छे होगी कौन कौन सी ये तीन पहले तो नाम लिखो इनके नाम लिख लीजिए बच्चा सबसे पहला लिखिए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो सबसे बड़ी होती है पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड सेम नाम हिंदी में है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड लारिय ग्रंथी हिंदी में क्या हो जाएगा पैरोटिड लारिय ग्रंथी राम तीनों का सेम है राम एक ही है बच्चा लार बनाना पैरोटिड लारिए ग्रंथि और दूसरी कौन सी होती है आप बताएंगे सबलिंगुअल जीभ के नीचे होती है सबलिंगुअल सलाईवरी ग्लैंड हिंदी में सेम नाम है सबलिंगुअल लारिए ग्रंथि और तीन नंबर पे आती है वो आती है सब मैंडिबुलर कल हमने पढ़ा था ना मैंडिबुलर क्या होता है नीचे वाला जबड़ा तो बच्चा नीचे वाले जबड़े के नीचे होती हैं सब मैंब्यूलर लारिय ग्रंथि, लारिय ग्रंथि। ये तीन टाइप की और तीन जोड़े में टोटल कितनी होगी छह बच्चा नाम याद कर लो एक बार गोलगे से दिखाओ मैम गूगल से दिखाओ अच्छा खुशबू दिखा दिया ना पेरोटिड, सबलिंगुअल सब मेंडिब्यूलर सब अब मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाती हूं ये होती है नियर बाय ईयर आपके कान के पास ये जो कान है ना आपका यहां पे एक कुछ इस हिस्से में एक दो जैसे इस इमेज में देखो ये दिखा रखी है ऐसे ये रही कान के पास कौन सी पेरोटेड ग्लैंड अब दूसरा कौन सा है ये वाला सब जीभ के नीचे बिहाइंड टंग जीव के नीचे ये जीव है ना उसमें एक कुछ अब नीचे मैं कैसे बताऊं आपको एक, एक यहां एक यहां ऐसे है ना ऐसे ये रही जीब के नीचे सब और ये जो सब मैंडिब्युलर है ये नीचे वाले जबड़े को मैंडिब्यूलर जबड़ा बोलते हैं तो ये नीचे वाले जबड़े के यहां यहां होती है यहां सब लिंग जीभ के नीचे अंदर की तरफ ये यहां यहां होती है यहां तो टोटल कितनी होगी छे इस चीज को ऐसे याद कर लो इनकी लोकेशन तो ये लिख देना निचले वाले जबड़े के नीचे बिलो निचले वाले जबड़े के नीचे बिलो मैंडिब्युलर जो जबड़े के नीचे इस तरीके से अब तीनों का काम क्या है तीनों का काम होता है बच्चा ये दिन रात सलाइवा बनाती है दिन रात आपके में लार बनाना है अब इनका नाम ही जब लार ये ग्रंथी है तो ये क्या बनाती होंगी ये लार बनाती होंगी अब बच्चा जब बात करते हैं इसमें से सबसे बड़ी कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है तो सबसे बड़ी होती है बच्चा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड क्वेश्चन यही आता है क्वेश्चन यही समझने की जरा कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है तो बच्चा ये होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड अभी हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पैपली पढ़ी थी अब ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है सबसे बड़ी लारिय ये ग्रंथी है ऐसे याद कर लो जो कान के पास होती है वो बड़ी होती है देख लो इमेज से ही लग रहा होगा ये बड़ा है है ना और सबसे छोटा कौन सा लग रहा है ये लग रहा है ना तो सबसे छोटी कौन सी होगी सबलिंगुअल ये सबसे छोटी है ये स्मॉलेस्ट है ये smallest है और बच्चा ये जो बच्ची वो सब मैंडिबुलर, ये सबसे ज्यादा सलाइवा बनाती है अप्रोक्स सत्तर से पिछहत्तर परसेंट जो सलाइवा है वो अकेली ये बना देती है बाकी का जो आपका पच्चीस तीस परसेंट है ना वो ये दोनों मिलकर बनाती है तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा सेलाइवा कौन बनाती है तब आप बताइएगा सब मैंब्यूलर जो जबड़ों के नीचे होती हैं, वो अप्रोक्स 70 से 75 फाइव परसेंट सेलाइवा बनाती हैं। बाकी का 25 तीस परसेंट सबलिंगुअल और पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड बनाती हैं अल्टीमेटली तीनों का काम क्या है तीनों का काम ही दिन रात लार बनाना और तीनों मिलकर कितना लार बना देती हैं तो एक दिन में एक से डेढ़ लीटर लार बन जाता है अब ये लार क्या होता है क्या मैम ये जरूरी है बिल्कुल जरूरी है क्या ये डाइजेशन में हेल्प करता है बिल्कुल हेल्प करता है ठीक है मैम लार में क्या होता है आप ये रुक जाओ इतना काहे को फड़फड़ा रहे हो पढ़ाएंगे ना अभी लार में क्या होता है बेटा लार में छोड़ कैसे देंगे लार में क्या होता है सबसे पहला लार कितना बना एक से डेढ़ लीटर दूसरा लार का पीएच का मान क्या होता है लार के पीएच वैल्यू का मान होता है 6.8 अब 6.8 है तो किस नेचर का होगा 7 से कम पीएच वैल्यू होती है तो वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक नेचर का होता है और सात से थोड़ा सा नीचे है तो उसे स्लाइटली एसिडिक कहते हैं स्लाइटली एस, एसिडिक, हल्का सा है।, तो ये एसिडिक नेचर का है। एक कह रहा बेस, बेस बेस है सात से ऊपर चौदह से नीचे तो ये अम्लीय नेचर का है और हल्का एसिडिक है पूरा भी एसिडिक नहीं है राइट अब बात करते हैं सलाइवा की तो सलाइवा में क्या होता है सलाइवा में 99% नाइन परसेंट में पानी है बच्चा 99 में पानी है सलाइवा जो आप पानी पीते हो उसी से लार बनता है बाकी के एक परसेंट में क्या है एक परसेंट में कुछ तो होते हैं आयंस कौन कौन से सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया बाइकार्बोनेट हो गए क्लोरीन हो गया एक्सेक्ट्रा एक्सेट्रा क्लोरीन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये तो आयंस हो गए साथ में एक परसेंट में रहता है बच्चा म्यूकस म्यूकस होता है चिपचिपा पदार्थ जिसकी वजह से आपका जो सलाइवा है वो हल्का सा आपको स्लिपरी चिकना और चिपचिपा लगता है म्यूकस जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं जो चिपचिपाहट के लिए होता है और बाकी के एक परसेंट में और क्या होता है तो बच्चा दो एंजाइम दो एंजाइम इसी एक परसेंट में दो एंजाइम होते हैं ये स्टार कर लो ये स्टार कर लो बच्चा ये स्टार कर लो तो आप तो नहीं पूछेंगे सनी जी सलाइवा में क्या होता है आप बता देना सलाइवा के अंदर 99 नाइन परसेंट में पानी साथ में कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया एच थ्री होता है बच्चा बायोकार बाई कार्बोनेट राहुल जी एच होता है बाई कार्बोनेट है ना हाँ, कभी कभी बुक्स में 90 से 95 परसेंट भी क्या दिया हुआ होता है आप बता देंगे पानी की मात्रा तो वो भी ठीक है मैक्सिमम लिखा मैंने 99 परसेंट होती है बाकी के एक परसेंट में आयंस म्यूकस चिपचिपा पदार्थ और एंजाइम अब मेन है बच्चा एंजाइम एच नहीं होता है एच पेट में होता है गौरव ना 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 नान ना ना एच नहीं होता है पेप्सिन भी नहीं होता है अरे रुको 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 कौन कौन से एंजाइम है दो एंजाइम पहला एंजाइम लिखो लाइसोजाइम पहला एंजाइम है लाइसोजाइम और ये लाइसो लाइसोसोम मत कर देना लाइसोसोम इज ए सेल ऑर्गनली वो एक कोशिकांग होता है ठीक है वो कोशिकाकांग है वो सेल के अंदर होता है ये होता है लाइसोजाइम लाइसोजाइम इम लगा हुआ वो एंजाइम होगा ठीक है जिसके एंड में जेड वाई एम ई हो जिसके एंड में एस आई एन हो वो दोनों एंजाइम होते हैं ये क्या काम करता है है ना तो अब आप बताएंगे इसका काम होता है जर्म्स को मारना जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देता है मान लो आपने सेब खाया सड़ा हुआ सेब खा लिया उसके अंदर बैक्टीरिया जर््स लगे हुए थे तो जैसे ही आपने मुंह में खाया तो मुंह के अंदर जो लार है लार में लाइसोजाइम है ये बैक्टीरिया को जर््स को मार देगा लेकिन बच्चा सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है कुछ सर्टन बैक्टीरिया होती हैं जिनको ये मार पाता है सारी मारना इसके बस की बात नहीं है बच्चा है ना सारे बैक्टीरिया नहीं मर पाते हैं और वही बैक्टीरिया आपके इसी मुंह मुंह से होते हुए फूड पाइप से होते हुए आपके पेट में और फिर आंतों में जाके इंफेक्शन कर देते हैं तो सारे बैक्टीरिया नहीं मार सकता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनडीए के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया था कि क्या लाइसोजाइम सारे बैक्टीरिया को मार सकता है या कुछ बैक्टीरिया को तो कुछ बैक्टीरिया मार सकता है अगर ये सारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मार देता तो आज हमें से कोई बीमारी नहीं होती हमें टाइफाइड टीबी ये सब होता ही नहीं कभी तो कुछ सर्टन बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मार सकता है बच्चा है ना चलो तो लाइसोजाइम का काम है जम्स कीटाणुओं को मारना और बैक्टीरिया को मारना वायरस को नहीं मार पाता वायरस को नहीं अगर वायरस को मारता तो कोरोना वायरस कभी होता ही नहीं हमें और दूसरा जो एंजाइम है वो होता है बच्चा टाइलिन अमाइलेज एंजाइम दूसरा जो होता है उसका नाम होता है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम या उसी का दूसरा नाम क्या है या टाइलिन अमाइलेज को ही नाम देते हैं सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा में जो है उसे सलाइवरी अमाइलेस हिंदी में लारिय अमाइलेस या टाइलिन अमाइलेस लिखा जाता है पी से जब प्रोनाउंस करते हैं तो पी क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है इसलिए इसे टाइलिन अमाइलेस एंजाइम कह देते हैं इसलिए इसे टाइलिन अमाइलेस एंजाइम कह देते हैं तो हमारी सेलाइवा इस सारी चीजों का मिक्सर है दो एंजाइम ये आयंस पानी म्यूकस इन सबके मिक्सर को आप क्या बोलते हो सलाइवा बोलते हो लार बोलते हो है ना और जब बात करते हैं लार में लाइसोजाइम का तो फंक्शन मालूम चल गया कि क्या काम करता है जम्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है जम्स और बैक्टीरिया को मार देता है जब बात करते हैं ये टाइलिन टाइल या सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चा ये करता है डाइजेशन ये क्या करता है डाइजेशन करता है पाचन करता है अब ये किसका पाचन करता है तो आप मुझे बताओ हमने कितने टाइप के न्यूट्रिएंट खाए थे चलो जल्दी बताओ कि हमने कितने टाइप के न्यूट्रेंट खाए थे आप लोग बताओ तीन टाइप के न्यूट्रिएंट खाए थे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स राइट तो सिर्फ सिर्फ है डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स का सुगर का और कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हम किसकी फॉर्म में खाते हैं है? मैम आपने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट मेनली हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं तो ये जो टाइलिन अमाइलेज है ये क्या करता है जो खाना है उसमें से छांटता है किसको कार्बोहाइड्रेट को और कार्बोहाइड्रेट हम किसकी फॉर्म में खाते हैं मेनली हम खाते हैं स्टार्च की फॉर्म में तो ये क्या करता है टाइलिन अमाइलेस उसी स्टार्च को तोड़ देता है अब स्टार्च को किसमें तोड़ता है तो आप बताओगे ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में लेकिन बच्चा याद रखना कंप्लीट नहीं तोड़ पाता है यह पूरा नहीं तोड़ पाता है स्टार्च को माल्टोज में में कुछ परसेंटेज तोड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन करता है क्या करता है पार्शियल डाइजेशन और पार्शियल डाइजेशन का मतलब होता है आंशिक तौर पे पाचन करता है कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाता है पार्शियल डाइजेशन अब आप सोच तो रहे होंगे मैम कंप्लीट होता है कंप्लीट होता है आपकी छोटी आंत में जाके कंप्लीट कहां होता है? आंत में जाके तो इसके जितना बस का था उतने स्टार्च को पकड़ के इसने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ किसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अभी तक प्रोटीन का फैट का बिल्कुल भी कोई डाइजेशन नहीं किया है इसीलिए बच्चा जब आप रोटी खाते हो तो माउथ के अंदर जब रोटी जाती है तो आपको चबाते हो तो वो मीठी लगती है ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब आप मुंह में रोटी ब्रेड खाते हो तो जितनी ज्यादा देर तक चबाते हो उतनी मीठी लगने लग जाती है रोटी क्यों लगती है क्योंकि रोटी में स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट है और वो बदल चुका है माल्टोज में और उस माल्टोज की वजह से क्या लग रहा है मीठा लग रहा है आपको मीठा लग रहा है तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है हाँ आरती कुमारी तीन बताया आपने सही गौतम कुमार आदित्य ने सही आंसर दिया अमित जी ने सही आंसर दिया तो हमारे माउथ में जो माल्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है बोले तो स्टार्ट जो है वो माल्टोज में आ गया और इसी माल्टोज की प्रेजेंस से आपको रोटी ब्रेड ये हल्का मीठा लगने लग जाता है एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या है वो बस सुनो एक तो ये बता दिया मैंने रोटी ब्रेड मीठी क्यों लगती है क्योंकि माउथ में सलाइवा सलावे के साथ जितनी देर मिक्सिंग करोगे उतना हल्का सा मीठा लगता है दूसरा माउथ में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है किसका हुआ है बच्चा सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का और बोले तो कार्बोहाइड्रेट बोले तो स्टार्च बाकी किसका नहीं हुआ तो माउथ में ना ही तो प्रोटीन का होता है ना ही लिपिड्स का होता है प्रोटीन और लिपिड्स एज इट इज अभी तक इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे माउथ में जब आप बहुत देर तक खाने को थोड़ा सा चबा लेते हो दांत कटिंग बाइटिंग कर देते हैं उसके बाद एक तैयार हो जाता है बिल्कुल किस किस का तैयार हुआ कुछ तो डाइजेस्टेड पार्ट है डाइजेस्टेड का मतलब जिसका पाचन हो चुका है जैसे ये वाला पार्ट और कुछ क्या है अनडाइजेस्टेड पार्ट है अनडाइजेस्टेड का मतलब है जिसका डाइजेशन बिल्कुल नहीं हुआ कुछ पचित भोजन है और कुछ क्या है अपचित भोजन है अपचित में जैसे प्रोटीन जैसे लिपिड्स तो हमारे माउथ में एक मिक्सर बन गया है कुछ डाइजेस्टेड फूड और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड और माउथ में जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का एक मिक्सर तैयार हुआ है उसी को नाम दिया जाता है बोलस बोलस फूड क्या नाम दिया बोलस तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वट इज बोलस या बोलस कहाँ का खाना है तो आप क्या बताएंगे बच्चा कार्बोहाइड्रेट का टाइप स्टार्च होता है कुंदन ठीक है तो आप बताएंगे माउथ में जो खाना बनता है उसे बोलस कहते हैं लेकिन बोलस कौन सा अब आप बोलोगे जैसे खाने का एक टुकड़ा रख लिया वो बोलस नहीं है जब उस खाने के टुकड़े को आपने दांतों से चबा लिया अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्सिंग कर दी उसके बाद का जो खाना है उसे बोलस कहा जाता है उसे बोलस फूड कहा जाता है आगे पढ़ाऊंगे काइम एंड काइल। काइम होता है पेट का फूड काइल होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड तो बच्चा ये एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है कि बोलस फूड में डाइजेस्टेड का मतलब क्या है तो डाइजेस्टेड क्या हो गया स्टार्च हो गया कार्बोहाइड्रेट होगी शर्करा होगी अनडाइजेस्टेड का मतलब क्या है प्रोटीन एंड लिपिड्स प्रोटीन एंड लिपिड्स तो ये आपके माउथ में बोलस फूड तैयार हो गया है किसने करा किसने डाइजेशन करा एंजाइम ने कौन सा एंजाइम आप बताएंगे सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज अब ये बोलस फूड कहां जाएगा तो ये माउथ से जाएगा आपके गले वाले पाइप में जिसे हम क्या कहते हैं फूड पाइप ये कहा जाएगा आगे तो ये जाएगा फूड पाइप में भोजन नली में जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे वर्मा बेटा साइंस शिक्षा इन फ्यूचर टाइम्स कोचिंग जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए इतना बहुत है कल हम फूड पाइप एंड स्टमक क्या करेगा फूड पाइप तो जो भी आपका माउथ का फूड था उसे पेट में ले जाने का काम करेगा ठीक है बच्चा किसी को कोई डाउट है कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं हाँ ईसोफेगस फूड पाइप का बोलते हैं जो कल पढ़ाएंगे आपको कोई डाउट नहीं है बीपी लो हो सकता है आपका केडी कुमार एक बार बीपी चेक करवा लीजिएगा मैम आपसे पढ़कर हम आधे डॉक्टर बन जाएंगे हाँ छोटा मोटा डॉक्टर तो बनाई देंगे आपको झोला छाप सा डॉक्टर मैम नॉनवेज खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए इसका आंसर कल मिलेगा बच्चा कि नॉनवेज खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए एंड खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए इसका आंसर कल बताएंगे आपको चलो कोई डाउट नहीं है ग्रोथ हार्मोन सोमेटोसिन हार्मोन संजय कुमार जीएच हार्मोन होते हैं में yes, में भी स्टार्च फूड रिजर्व फॉर्म होता है चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है कल मिलेंगे आपसे थैंक यू सो मच कल मिलते हैं आपसे डाउट क्लास लूंगी बच्चा आप बता देना चलो कल बताना आप कि डाउट क्लास कब रखें आपकी गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के अपलिकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी दो दिन से क्लास नहीं हो रही थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैं थोड़ा सा कुछ मेडिकल हेल्थ का इश्यू चल रहा था और कुछ काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी थी उसकी वजह से मेरी क्लासेज नहीं हो पा रही थी लेकिन अभी क्लासेज वापस मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आज भी होगी कल भी आपकी क्लास होगी ठीक है उसके बाद डायरेक्ट मंडे को क्लास होगी सैटरडे को क्लास नहीं होगी बिकॉज मुझे एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाना है शनिवार को चलिए फिर आइए बच्चों जल्दी से लाइव फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और दो दिन से पिछले दो दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो कैसे हैं आप सब लोग पहले तो ये बताएंगे ओके गुड आफ्टरनून राहुल पंकज आकाश सिंह राठौड़ प्रिया परमार पुष्पेंद्र राठोड़ राठी ओके उसके बाद हैं पंकज विष्णोई राहुल अमृता पाल आकांक्षा गुप्ता वैष्णवी शर्मा राहुल पंकज आकाश सिंह राठौड़ चलिए भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून कैसे हैं कैसे हैं आ जाइए जल्दी से लाइव फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि यस मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कोई इश्यू नहीं है साउंड मेरी तरफ से एकदम बिल्कुल ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम कहते हैं पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है थोड़ा सा पांच मिनट में रिवाइज करते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के क्लास मैंने कहा था डाइजेशन होता क्या है तो हम जो भी खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में खाते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड का इजी फूड में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है और जिसकी हेल्प से होता है उसे एंजाइम कहा जाता है फिर हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है माउथ बोले तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है और माउथ में हमें तीन ऑर्गन पढ़ने थे टीथ दांतों के बारे में दांत क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं डेंटल फॉर्मूला एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब पढ़ लिए थे दूसरा हमने टंग जीभ के बारे में पढ़ा था जीभ का काम होता है टेस्ट फील करवाना और जीभ के अलग अलग हिस्से पे अलग अलग टेस्टिंग बर्ड होती हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए रेस्पॉन्बल होती हैं उसके बाद हमने पढ़ा था तीसरा सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होती हैं सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड जो लार बनाती है इसलिए उनको लारिय ग्रंथि कहा जाता है कितनी होती है तीन कौन कौन सी आप बताएंगे एक तो पेरोटेड सलाइवरी ग्लैंड एक सब और एक सबमेंडिब्यूलर पेरोटेड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है तीनों

माल्टोज के फॉर्म में लेकिन याद रखना कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करती है कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके और हमारे माउथ में प्रोटीन और फैट का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता है इसका मतलब मैम हमारे माउथ में एक मिक्सर बन गया है कुछ डाइजेस्टेड फूड का और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड का और उसी मिक्सर को कहा जाता है बोलस फूड और जब बात करते हैं माउथ से ये सारा का सारा फूड कहाँ ट्रांसफर होता है तो माउथ से मुख से कौन सा फूड नाम क्या दिया हमने बोलस बोलस का मतलब है कुछ पचित भोजन और कुछ अपचित भोजन कहां पे ट्रांसफर हो गया तो इस तरीके से माउथ से होता हुआ इस पाइप में आ गया और इस पाइप को कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस क्या कहते हैं इसोफेगस तो एक नंबर माउथ को दिया था तो आप दो नंबर पे लिखिए फूड पाइप या फूड पाइप का ही दूसरा नाम होता है इसोफेगस फूड पाइप या ईसो और जब बात करते हैं ईसो की तो ये एक पाइप है और कुछ नहीं है हिंदी में बोलेंगे भोजन नली जो मुंह से शुरू होता है और कहां पे जाके खत्म होती है पेट पे ये क्या करती है बच्चा ये इस तरीके से एक पाइप है और ये पाइप क्या करता है जितना भी फूड जो कहा से ऊपर माउथ से आया है इसे नहीं मतलब चाहे डाइजेस्टेड है चाहे अनडेस्टेड है इसे कोई मतलब नहीं है ये सारा फूड इस तरीके से होता हुआ ये बोलस फूड कहां पे एंटर कर जाता है यह सारा का सारा बोलस फूड इस तरीके से आपके पेट में आ जाता है इसे क्या बोलेंगे हम स्टमक पेट में आ जाते हैं तो इस पाइप का काम होता है जो भी माउथ का फूड था बोलस जिसको आप नाम दे रहे हैं उसको कहां पे ट्रांसफर करना स्टमक पेट में ट्रांसफर करना ट्रांसफॉर द डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक ये पचित और अपचित भोजन को मुंह से लेकर पेट तक छोड़ने का काम करती है ये पाइप है और जिस पाइप की लेंथ कितनी है जिस पाइप की लंबाई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है पच्चीस सेंटीमीटर लंबा ये पाइप है जो माउथ वाले फूड को स्टमक पेट तक भेजने का काम करता है अब बात यह आती है कि मैम ये कैसे भेज देता है बच्चा ये जिस प्रोसेस के थ्रू भेजता है उसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है क्या होता है प्रोसेस के थ्रू माउथ का खाना पेट में जाता है हिंदी में बोलते हैं क्रमाकूचन क्रमा विधि द्वारा सारा का सारा माउथ का खाना कहां पे जाता है हमारे पेट में जाता है और जब बात करते हैं पेरिस्टालसिस क्या होता है तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना फूड पाइप है इस फूड पाइप के अंदर की तरफ यहां पर मसल्स की लाइनिंग होती है ये आपका जो फूड पाइप है इसमें अंदर की तरफ मसल्स की लाइनिंग है मास्पेशम लगी हुई है इस तरीके से मास्पेशिया पड़ी है और बच्चा मसल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है एक बार ऐसे सिकुड़ती है फिर वो रिलैक्स करती है एक्सपेंड करती है सिकुड़ती है एक्सपेंड करती है सिकुड़ती है एक्सपेंड करती है तो हुआ क्या जैसे ही मुंह वाला खाना यहां पे आया इस किनारे पे फूड पाइप पे तो यहां के मसल्स हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करी ऐसे जैसे यहां पे खाना है यहां पे खाना पड़ा था इसने कॉन्ट्रैक्ट किया खाना है। अब ये रिलैक्स होंगे खाना नीचे चला जाएगा यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की यहां की रिलैक्स की तो ये खाना नीचे आया ऐसे फिर यहां की कॉन्ट्रैक्ट की यहां की रिलैक्स की ये और नीचे यहां की कॉन्ट्रैक्ट की यहां की रिलैक्स की और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और ऐसे आता आता कहां पे आ गया आपके स्टमक में आपके पेट में आ गया तो ये जो मांसपेशियों के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से जो फूड पहुंचा है उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहा जाता है इसे कुंचन मूवमेंट कहा गया है कैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लो मेरे यहां पर ये मसल है ये फूड पाइप ये खाना है तो जैसे खाना आया तो ये नीचे वाली मसल यहां से रिलैक्स करी ये खाना नीचे चला जाएगा फिर यहां वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली रिलैक्स करेंगी और नीचे और नीचे और नीचे आज आपने बचपन में एक प्रोसेस किया होगा एक पाइप लिया होगा पाइप के इस किनारे पे एक छल्ला डाला होगा फिर आपने क्या किया होगा पीछे से पीछा होगा आगे से उसको आगे भेजा होगा छल्ले को फिर और पीछा होगा और आगे फिर और आगे फिर और आगे और आगे और आगे ऐसे करते 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 आपने पाइप के एक किनारे से छल्ले को एंटर किया और दूसरे किनारे से आपने निकाल दिया तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है है, उसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट उसे क्रमाकुंचन विधि कहा जाता है तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन तो यह है कि कि फूड पाइप क्या करता है फूड पाइप एक 25 सेंटीमीटर का लंबा पाइप है जिसे ईसोफेगस भी कहते हैं इसका काम होता है माउथ के फूड को स्टमक पेट में ट्रांसफर करना किस प्रोसेस के थ्रू आता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट या इसे पेरिस्टालसिस प्रोसेस कहा जाता है तो अगर एग्जाम में पूछ लिया किस प्रोसेस के थ्रू आता है आप बता दोगे किस प्रोसेस के थ्रू आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आता है ये भोजन और फिर ये कहां पे पहुंच जाता है पेट में पहुंच जाता है बच्चा इस फूड पाइप के अंदर ना ही तो कोई एंजाइम बनता है ना ही यहां पे कोई ग्लैंड्स होती हैं इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम का ईसोफेगस वो हिस्सा है जहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता फूड का कुछ नहीं होता तो पाइप है ये पाइप का काम है नीचे की तरफ भेज देना फूड को नीचे की तरफ भेज देना फूड को तो इस तरीके से ये पाइप है ये कहां पर लेकर आ गया है ये स्टमक पेट में सारे के सारे फूड को लेके आ गया है और जैसे ही आपका खाना ऐसे पेट में आ गया बच्चा ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू देखो पेस्टाल होता है तो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से सारा का सारा इसोफेगस से पेट में खाना जाता है और अगर ये पेरिस्टॉल उल्टा होने लग जाए ऐसे होना लग जाए आपको उल्टी आएगी मुंह से खाना वापस आ जाएगा अगर ये पेरिस्टालसिस ऐसे होता है तो जब फूड पाइप से होता हुआ खाना आपके पेट में जा रहा है आपके पेट में खाना है अब आपका उल्टा पेरिस्टालसिस हो गया इस तरीके से तो भाई पेट का खाना मुंह से उल्टी आ जाती है आपको तो पेरिस्टाल सीधा होता है तो आप बताएंगे बच्चा खाना पेट में पेट से छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में ऐसे जाता है उल्टा हुआ तो वॉमिटिंग होने लग जाएगी पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट होता है बहुत तेज तेज तेज, तेज होता है आपको लूज मोशन दस्त लग जाएंगे पेरिस्टालसिस बहुत स्लो होता है आपका कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने लग जाता है ये सब आगे मैं आपको पढ़ाने वाली हूं तो अब सारा का सारा खाना कहां आ चुका है स्टमक में आ चुका है अब पेट में क्या होगा थोड़ा जरा लिखिएगा डाइजेशन इन स्टमक तीन नंबर पे लिख दीजिए तीन नंबर क्यों हो गया एक नंबर माउथ दो नंबर पे ईसोफेगस तीन नंबर पे पेट इसको पेट भी कहते हैं इसको जठर भी कहते हैं इसको अमाशे भी कहते हैं जिस भी नाम से आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए आपको लिख लेना है स्टमक पेट जठर अमाशे स्टमक में क्या होता है बच्चा जैसे ही फूड पाइप से फूड आया है आपके स्टमक में एक तो स्टमक का आकार जो होता है वो जे शेप का होता है तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे किस का आकार जे शेप का होता है जे आकार का होता है ऐसे देखो ना आप जे से बन रहा होगा ऐसे ठीक है तो जे के आकार का होता है और जब बात करते हैं इस पेट में क्या होता है पेट में बच्चा टोटल तीन से चार घंटे तक खाना रहता है ऐसे तीन से चार घंटे तक आपके पेट में खाना पड़ा रहता है बिल्कुल यहाँ पे खाना पड़ा है देखो आया और खाना टोटल अगर पूछे ना कितनी देर तक खाना रहता है तब आप बताओगे हमारे पेट में तीन से चार घंटे तक खाना रहता है लेकिन बच्चा जैसे ही खाना आए हुए डेढ़ से दो घंटे हुए जैसे ही डेढ़ से दो घंटे में आपका यहां पर इस पेट में खाना आ गया इस तरीके से खाना आ गया तो बच्चा क्या होता है तो आप बताएंगे स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपना गैस्ट्रिक जूस बना के डालना शुरू कर देती है मैंने कहा टोटल अगर पूछोगे ना कितने घंटे तक रहता है भोजन पेट के अंदर तो तीन से चार घंटे तक लेकिन जैसे ही एक से दो घंटे हो गए खाना आए हुए उसके बाद क्या स्टार्ट होता है भोजन का पाचन उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और पेट की जब बात करते हैं तो पेट तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है स्टमक के तीन पार्ट होते हैं जैसे भी नाम है आपको नाम याद करने पड़ेंगे ये जो ऊपर से जुड़ा हुआ पार्ट है इसे इसे कहा जाता है कार्डिया इसे क्या कार्डिया कहा जाता है तो एग्जाम में आता है कार्डिया स्टमक का कौन सा हिस्सा है तो आप क्या बताएंगे जो फूड पाइप से कनेक्टेड है जो ईसोफेगस से जुड़ता है कुछ ये वाला हिस्सा इसे कार्डिया फिर ये वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे फंडस कहा जाता है फंडस ये हमारे पेट का दूसरा या बीच वाला हिस्सा है और आगे चलकर इस स्टमक से यहां से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे तो जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ कनेक्टेड पार्ट है इसे पाइलोरस इसे पाइलोरस पार्ट कहा जाता है पायलोरस पार्ट तो हमारा पेट जे आकार का होता है और कुल पेट के अंदर तीन से चार घंटे तक सबसे ज्यादा खाना तीन से चार घंटे तक पेट में ही रहता है और जब बात करते हैं पेट तो तीन हिस्सों में ऊपर जो डाइजेस्टिव ट्रैक से मतलब जो आपका फूड पाइप है उससे जुड़ा हुआ पार्ट है कार्डिया बीच वाला फंडस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से जुड़ा हुआ है उसे पाइलोरस पार्ट कहा जाता है उसे पाइलोरस पार्ट कहा जाता है तीन पार्ट में बटा हुआ तीनों पार्ट के नाम पढ़ा चुकी हूं अब क्या होता है जैसे ही भोजन एक से दो घंटे में आपके पेट में रहता है एक से दो घंटे के बाद ये जो खाना पड़ा ये खाना पड़ा है ना इस खाने के अंदर आके मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस कहां से आता है तो गैस्ट्रिक जूस बनता है बच्चा हमारे पेट में ग्रंथियां होती हैं जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में होती हैं है जिसे हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथियां जठर ग्रंथियां और जठर ग्रंथियां क्या बनाती हैं जो जूस बनाती है उसे गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है जैसे बच्चा मुंह में क्या था सलाइवा लार था है ना माउथ में क्या बना था लार बना था ठीक वैसे ही हमारे पेट में एक लिक्विड आता है इसे गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस को कौन बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं जठर ग्रंथियां बनाती हैं जठर ग्रंथियां क्या बनाती हैं तो आप बताएंगे गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस को कहेंगे जठर रस जठर रस बनाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है ये जो पेट है ना आपका इस पेट में अंदर की तरफ इस तरीके से आपका पेट है इस पेट में अंदर की तरफ इस तरीके से लाइनिंग होती है ये लाइनिंग इसी लाइनिंग में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड

ये कहां से बना गैस्ट्रिक ग्लैंड से बना और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है पहले यह सुन लो इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पानी होता है साथ में बच्चा आप बताएंगे कुछ आयंस होता है साथ में बच्चा एक एसिड होता है एथसीयल एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और साथ में एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम ये सारे नाम याद करने हैं आपको एंजाइम और एक एंजाइम हो रोता है जिसे बोलते हैं रेनिन एंजाइम कौन सा एंजाइम इन सारी चीजों के मिक्सर को आप क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस कहते हैं जैसे हमने लार लार के साथ आपके लाइसोजाइम सलाइवरिया माइलेज को आप सारे मिक्सर को आपने लार बोला ना कि पानी के अंदर सलाइवरिया माइलेज एंजाइम हो गया है ना कार्बोनेट सोडियम आयंस हो गए इन सबको मिला के आप क्या कहते हो आप कहते हो लार और जब पानी के अंदर रेनिन और साथ में कुछ म्यूकस भी रहता है साथ में क्या रहता है म्यूकस जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं इन सारी चीजों के मिक्सर को हम क्या कहते हैं आप बताएंगे बच्चा गैस्ट्रिक जूस कहते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस कहां से बना गैस्ट्रिक ग्लैंड से अब यहां पर आपको पानी के बारे में नहीं पढ़ना है आयंस के बारे में नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है एच पेप्सिन रेनिन और म्यूकस ये कैसे बना तो सुनो बच्चा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से ठीक है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना जिन्हें हम बोलते हैं जठर ग्रंथिया ये जो ग्रंथिया है ना तीन टाइप की सेल से बनी हुई होती है इनमें तीन टाइप की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी पहली सेल्स को कहते हैं हम म्यूकस या ग्लोबलेट सेल्स कौन सी म्यूकस सेल्स या इन्हीं का दूसरा नाम होता है बच्चा या और लगा लो इन्हें कहते हैं ग्लोबलेट सेल्स और ये जो म्यूकस या ग्लोबलेट सेल्स होती हैं, ये आपके पेट के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ रही हैं जिसे हम क्या कहते हैं म्यूकस जिसे श्लेष्मा कहते हैं ये चिपचिपा पदार्थ आपके खाने में जाता है और खाने को पेट के किनारे विनारे पे नहीं लगने देता है चिपचिपाहट रहेगी तो वो खाना सीधा पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे आगे से आगे जाएगा खाना चिपकेगा नहीं यहां वहां इसलिए हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, उनमें अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड तो तीन टाइप की सेल्स होती हैं इनके अंदर और सबसे पहले कौन सी हैं, तो आप बताएंगे बच्चा सबसे पहले है म्यूकस सेल्स या ग्लोबलेट सेल्स ये क्या बना रहे हैं ये बना रहे हैं म्यूकस चिपचिपा पदार्थ और ये चिपचिपा पदार्थ हमारे कहीं पर भी पेट वेट में खाने को चिपकने नहीं देता है खाने को चिपकने नहीं देता है अगर मैं बात करूं तो खाने को डायरेक्शन देता है ये मान लो आप यहां वहां भटकने नहीं देगा खाने को खाने को जहां पर जिस डायरेक्शन में जाना है वहीं पर भेजने का काम करता है म्यूकस दूसरी जो सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सेंटिक सेल्स या उन्हीं का नाम होता है पेराइटल सेल्स दो नंबर पे जो सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है पेराइटल सेल्स या इन्हीं का दूसरा नाम होता है बच्चा ऑक्जेंटिक सेल इनको बोलो ऑक्सेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स एक ही सेल के दो नाम हैं ऑक्सेंटिक ऑक्सेंटिक कोशिका और ये सेल्स क्या बना रही हैं ये सेल्स हमारे पेट में एक एसिड बनाती हैं, जिस एसिड का नाम होता है एथसियल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरी जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं चीप सेल्स चीप सेल्स बोलो या इनको बोलते हैं पैप्टिक सेल्स या इनको बोलते हैं पैप्टिक सेल्स हिंदी में बोलेंगे चीप कोशिका या मुख्य कोशिका या पैप्टिक कोशिका और ये कोशिका क्या बनाती है ये कोशिका बना रही है दो एंजाइम कौन कौन से लिखिएगा एक होता है प्रोरेनिन एंजाइम ये एंजाइम है बच्चा प्रोरेनिन और दूसरा है पेप्सिनोजन 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 अब आप देखो बच्चा पेप्सिनोजन प्रोरेनिन म्यूकस पानी इन सब चीजों के को तो हमने क्या बोला है गैस्ट्रिक जूस बोला है इन सारी चीजों के मिक्सर को हमने क्या बोला है जठर रस बोला है जो रस हमारे जठर में बनता है हमारे पेट में बनता है अब एक बार फिर से सुनो मैं थोड़ा सा एक कहानी के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जैसे ही खाना आपके फूड पाइप से पेट में आया पेट में एक से दो घंटे खाना ऐसा ही पड़ा रहता है

पेप्टिक सेल्स और पानी म्यूकस एचसीएल इनके सारों के मिक्सर को इन सारी चीजों के मिक्सर को ही तो हमने क्या बोला इन सारी चीज के मिक्सर को हमने गैस्ट्रिक जूस बोला जठर रस बोला है ये सारी चीजें मिक्स हो गई तो जठर रस जैसे पानी में आपका लाइसोजाइम और सलाइवरिया माइलेज मिक्स हो गया तो लार बन गया ऐसे ही पानी के साथ ये सब घुल गया तो गैस्ट्रिक जूस बन गया ये सब घुल गए तो, गैस्ट्रिक बात करते हैं इनके फ़ंक्शन की। म्यूकस का काम होता है पेट को, पेट को, के किनारों पर भोजन को चिपकने ना देना सीधा भोजन को डायरेक्शन देना बात करते हैं एचसीएल का फंक्शन क्या है तो जरा नीचे लिखेगा एचसीएल एचसीएल का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये वो एसिड है जो हमारे पेट में बनता है और बच्चा जन्मजात बनता है जब से आपका जन्म हुआ है तब से लेकर जब तक आप मरते नहीं हो हमेशा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में बनता रहता है ये एसिड क्या करता है इसके कुछ काम हैं जरा नोट डाउन करो क्या क्या काम करता है एक तो बच्चा हमारे भोजन के साथ जम्स या कुछ बैक्टीरिया आए हैं क्या आए हैं कीटाणु या जीवाणु आए हैं तो उन कीटाणुओं को मारने का या उन जीवाणुओं को मारने का काम करता है कीटाणुओं को खत्म करने का काम मारने का काम का। बच्चा आपको याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारे मुंह में लाइसोजाइम होते हैं और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं लेकिन मैंने कहा था लाइसोजाइम सारे बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है कुछ सर्टन बैक्टीरियाज होती है जो लाइसोजाइम से मर सकती है अब कुछ बैक्टीरिया है जिनको लाइसोजाइम नहीं मार पाया वो आती है पेट में और पेट में उसे कौन मारता है एथसियल एसिड ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एक प्रबल अम्ल होता है केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर मैं इस एच को यहां पे डाल दूं तो आपकी स्किन जल जाती है इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपके पेट के अंदर क्यों होता है क्योंकि इसका काम भी बड़े स्ट्रांग है अभी बताएंगे आपको पहला काम क्या है अगर आपके खाने के साथ कोई जर्म्स कोई बैक्टीरिया कोई जीवाणु कोई कीटाणु आ गया आप हाथ धोकर खाना नहीं खाते हैं है ना तो आपके हाथों में कोई जर्म्स थे वो सारे जर्म्स खाने से होते हुए आपके पेट तक आए तो एचसीएल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है एच उनको मार देता है दूसरा इसका काम क्या होता है दूसरा बच्चा इसी एसिड की वजह से आपको एसिडिटी हो जाती है आपको अम्लता हो जाती है आप किसी दोस्त की शादी में जाते हो वहां पर आप बहुत सारा खाना खा लेते हो आपने बहुत सारा खाना और भिन्न भिन्न प्रकार का खाना खा लिया अगले दिन आपको एसिडिटी हो जाती है क्यों हो जाती है वो एसिडिटी सुनिएगा जरा ध्यान से मैंने कहा यह बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये इतना ंग एसिड होता है कि आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तो आपकी स्किन को जला देता है आपने बहुत सारा खाना खाया आपकी ओवर ईटिंग हो गई और आपने बहुत सारे टाइप टाइप का का खाना 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 खा लिया जितने का खाना, जितना ज्यादा खाओगे उतना ही आपके पेट में एसिड ज्यादा बनेगा और एसिड जब ज्यादा होते हैं तो बच्चा जिस जगह वो होते हैं उस जगह का पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाता है आपके पेट का पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाता है और एसिड बर्निंग क्वालिटी वाले होते हैं जला देने का काम करते हैं और आपके पेट के अंदर जलन पैदा करते हैं उसी जलन को आप एसिडिटी या बोलते हो मुझे गैस हो गया है जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो अलग अलग टाइप का अपने फ्रूट्स भी खा लिए अपने जंक फूड भी खा लिया अपने मैदा पिज्जा बर्गर खाना सब्जी सब खा लिया तो आपके पेट में जब ये सब कुछ जाएगा और वहां पर एक दो घंटे के लिए रहेगा तो आपके पेट के अंदर ये एसिड ज्यादा बनना हो, शुरू हो जाएगा और ज्यादा एससीएल एससीएल एसिड है एसिड जब ज्यादा होता है तो पीएच वैल्यू घट जाता है और पीएच वैल्यू जितना ज्यादा कम उतना ही आपके पेट के अंदर बर्निंग सी फील आपको जलन सी महसूस होगी और उसी को आप एसिडिटी कहते हैं उसी को आप अम्लता कहते हैं फिर आप क्या खाते हैं या तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर घर में इनो पड़ा है या एक बहुत कॉमन सी टेबलेट होती है डाइजीन ये लेते हैं आप इनो तो सब लोग लेते हैं इनो आप आपको क्यों लेते हैं ताकि आपकी एसिडिटी क्या हो जाए ठीक हो जाए अब इनो कैसे ठीक कर देता है एसिडिटी आपके पेट में एसिड बन रहा है कौन सा एच इनो में एक बेस होता है बच्चा कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH जी ट्वाइस इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं जैसे ही आपने इनो पिया कहते ना इनो काम शुरू करे सिर्फ छह सेकंड में छह सेकंड तो बहुत होती हैं ये इनो के आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे और ये आकर बना देता है ये एक एसिड है ये एक बेस है क्षार है ये अम्ल है <clears throat> छार है और आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं अम्ल और छार जुड़ते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और बनने वाला प्रोडक्ट सोल्ट होता है और साथ में पानी होता है तो यहां से सोल्ट यह हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड और पानी बन जाता है और आपके पेट का एसिडिटी का प्रभाव कम हो गया न्यूट्रल हो गया उदासीन हो जाता है आपके पेट का पीएच वैल्यू और उदासीन होने से आपकी जो जलन थी वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है तो acid, लेकिन एसिडिटी कब होती है जब आपकी ओवर ईटिंग होती है जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं या बहुत सारे टाइप का खाना खा लेते हैं या आप बहुत स्पाइसी बहुत नमकीन खाना खा लेते हैं बहुत ज्यादा आपने मिर्ची वाला मसाले मसालेदार सब्जियां खा ली है आपके पेट में ये एसिड ज्यादा निकलता है, एसिड ज्यादा, पीएच वैल्यू कम पेट में जलने का जलन सी महसूस होगी उसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है और उदासीनीकरण अभिक्रिया कर देता है जिसके रिजल्ट में एक सॉल्ट और पानी बनता है और ये पेट का जो का पूरा पीएच वैल्यू है वो न्यूट्रल वो उदासीन हो जाता है और आपके पेट में जो जलन है वो खत्म हो जाती है तो इस तरीके से ये इनो का काम करता है ये दो काम हो गए अब जो बच्चा एच है क्यों मैम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड भगवान ने दिया क्यों है क्यों ये एसिडिटी करवा रहा है क्यों हमें दिया भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो कुछ ना कुछ काम होगा इसलिए दिया है इसका काम क्या होता है ये स्टार कीजिएगा ये बच्चा काम करता है ये आपके पेट को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है कैसा मीडियम एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम देता है और एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चा एक्टिवेट होते हैं एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइम से ही तो क्या करवाना है आपको डाइजेशन पाचन करवाना है तो ये कहना चाहती हैं है मैम कि एचसीएल जो है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है बिल्कुल यही कहना चाहती हूं कि एचसीएल एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है क्योंकि एचसीएल एक एसिड है और एसिड एसिडिक मीडियम है दे रहा है और एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं अब कौन से एंजाइम वो सुनो बच्चा दो एंजाइम हैं आपके पेट के अंदर कौन-कौन सा पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि चीफ सेल्स क्या बनाती हैं पेप्सिनोजन Pepsinozen और pepsinozen जो एंजाइम है ये क्या है ये है एक नॉन एक्टिव एंजाइम है नॉन एक्टिव का मतलब है लेकिन ये काम नहीं कर सकता ये डाइजेशन नहीं कर सकता जैसे बोलते ना मेरा फेसबुक अकाउंट है लेकिन मैंने डीएक्टिवेट कर रखा है अकाउंट है आप काम में नहीं ले रखे उसको डीएक्टिवेशन बोलते हैं ये एंजाइम है लेकिन ये काम नहीं कर सकता तो इट इज ए डीएक्टिवेटेड एंजाइम इससे काम का नहीं है और जैसे ही पेप्सिनोजेन को मिला HCl बोले तो एसिडिक मीडियम ये एक्टिवेट हो जाता है और किस में तो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में किस में पेप्सिन में और ये क्या है ये एक्टिव फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है बच्चा एक्टिव और ये क्या करेगा ये डाइजेशन करेगा डाइजेशन किसका खाने का अभी बात करेंगे कौन से खाने का तो आप ये बताओ कि अगर HCl नहीं होता तो क्या पैप्सिनोजन पैप्सीन में कन्वर्ट होता नहीं होता और अगर पैप्सिनोजन पैप्सीन में कन्वर्ट नहीं होता तो क्या डाइजेशन होता नहीं होता तो बताओ एचसीएल अच्छा है या नहीं हाँ मैम एचसीएल तो हमारे कुछ ना कुछ काम का भी है तो क्या काम कहा तो आप बताएंगे ये पेप्सिनोजन को पैप्सीन में कन्वर्ट करता है और दूसरा दूसरा जो एंजाइम होता है आपके स्टमक में वो होता है प्रोरेनिन एंजाइम और इसी प्रोरेनिन को जैसे ही एचेर मिलता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अब आप बताओ कि प्रो रेनिन डीएक्टिवेटेड फॉर्म था ये एक्टिव नहीं था मतलब ये काम नहीं कर सकता था और रेनिन क्या है एक्टिव फॉर्म है रेनिन क्या है एक्टिव फॉर्म है तो क्या मैं ये कह दूं कि एचियल जो आपके पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो दो एंजाइम को एक्टिवेट करता है आपके पेट में बिल्कुल कह सकती हूँ कौन कौन से दो एंजाइम को पहला पेप्सिनोजन, दूसरा प्रोरेनिन पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है में प्रोरेनिन को किसमें कन्वर्ट करता है रेनिन में और जैसे ही बच्चा पेप्सिन और रेनिन आ गए आपके पेट में किसकी प्रेजेंस में एचसीएल की प्रेजेंस में तो अब ये पेप्सिन क्या करता है पी से पेप्सिन पी से प्रोटीन हमने खाने में क्या क्या खाया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स खाई थी तो ये पेप्सिन क्या करता है जो भी आपने खाने में प्रोटीन खाया था उस प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन एक्टिवेट होते ही प्रोटीन पे अटैक करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है और प्रोटीन को किस में? छोटे छोटे प्रोटीन में और छोटे छोटे प्रोटीन को कहा जाता है पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है किसको? पेप्टाइड पेप्टाइड का मतलब हो गया छोटा प्रोटीन या पेप्टोन्स कह दो Peptons के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया किसने करा Pepsine ने तो पी पी से से प्रोटीन तो पेप्सिन ने किसका डाइजेशन करा प्रोटीन का प्रोटीन को किसमें बदला पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में लेकिन 100 परसेंट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है ये क्या है ये अभी तक पार्शियल डाइजेशन है पार्शियल का मतलब होता है आंशिक तौर पे। इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये पूरा नहीं है अभी प्रोटीन का डाइजेशन ये पूरा नहीं है लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है पेट से या पूछेगा प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है आप बताओगे पेट में किस एंजाइम की हेल्प से एंजाइम की हेल्प से को एक्टिवेट किसने किया एचसीएल ने एक्टिवेट होने से पहले किस फॉर्म में था पेप्सिनोजन के फॉर्म में और जैसे ही पैप्सीन एक्टिवेट हो गया तो ये पैप्टाइड या पेप्टोन्स के फॉर्म में प्रोटीन को बदल देता है जैसे आपने दाल खाई सोयाबीन खाया नॉनवेज खाया उसके अंदर प्रोटीन है उसको बदलने का काम करता है दूसरा बच्चा ये जो प्रो रेनिन जो बदला है रेनिन में ये रेनिन क्या करता है आपके दूध के अंदर दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन होती है याद रखिएगा जो दूध पीते हैं उस दूध के अंदर केसीन प्रोटीन होती है और इस को रेनिन क्या करता है पहले पैरा कैसी में बदलता है किसमें पैरा कैसी में बदल के दे देता है और अब इस पैरा कैसी पे अटैक करता है पेप्सिन और पेप्सिन क्या करता है इस पैरा कैसी को पेप्टाइड की फॉर्म में बदल लेता है पेप्टाइड या पेप्टोन की फॉर्म में मतलब दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको भी तोड़ लिया दूध में प्रोटीन होता है बिल्कुल होता है दूध में प्रोटीन तो मैं ये कहना चाह रही हूँ जरा गौर से सुनो कि हमारे पेट के अंदर कौन से मॉलिक्यूल का डाइजेशन हो रहा है प्रोटीन का फैट का और कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पर अगर आपने दाल सोयाबीन नॉनवेज ये सब खाया तो उसमें जो प्रोटीन है उसके ऊपर अटैक करता है पेप्सिन और उसको पेप्टाइड या पेप्टोन्स में बदल देता है लेकिन ये पार्शियल डाइजेशन है प्रोटीन का कंप्लीट नहीं है शुरुआत हुई है खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है कौन सी प्रोटीन केसीन प्रोटीन उस केसीन पे अटैक करता है रेनिन एंजाइम और रेनिन उसे पेरा केसीन में किस में बदल देता है पैरा केसीन में और फिर उस पैरा केसीन के ऊपर अटैक करता है पेप्सिन और पेप्सिन उसे किस में तोड़ देता है पेप्टाइड और पेप्टोन में तो क्या मैं ये कह दू कि अल्टीमेटली हमारे पेट में किसका डाइजेशन होता है प्रोटीन का अल्टीमेटली हमारे पेट में कौन से मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है प्रोटीन का या तो वह प्रोटीन दूध से आई होगी आपने दूध पिया होगा तो या वो प्रोटीन नॉनवेज या आपने कोई सोयाबीन अंडा वगैरह यह सब खाया होगा दाल खाई होगी उससे आया होगा तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन पार्शियल डाइजेशन होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन इसका पेट में बिल्कुल भी नहीं होता है आग बच्चा आप जानते हैं एक छोटा बच्चा है वो सिर्फ क्या पीता है दूध पीता है और दूध की जो केसीन है उसको पचाने वाला एंजाइम क्या है रेनिन। तो बच्चों में रेनिन बहुत ज्यादा बनता, बनता है क्योंकि बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे के अंदर कौन सा एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं जैसे आप बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है कि आपका दूध पीना कम हो जाता है तो ये रेनिन धीरे 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 कम बनना शुरू हो जाता है कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो दूध को वापिस गिरा देते हैं जब दूध को वापिस गिराते हैं तो फटा हुआ दूध आता है है ना मुंह से वापिस गिर जाता है उनके दूध उल्टी हो जाती है तो फटा हुआ दूध वो फटा हुआ दूध क्या है वो पैरा कैसिन होती है इतनी रिएक्शन हो चुकी होती है उस बच्चे के पेट में फिर वो वापिस आके गिरता है तो उसे वो पैरा कैसिन निकलता है उस बच्चे के मुंह से तो बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जैसे जैसे आप बड़े होते हैं हम दूध कम कम पीते हैं तो आप में का सेक्रेशन कम हो जाता है और अल्टीमेटली हमारे पेट में एचसीएल ने इन दो एंजाइम को एक्टिवेट किया एक्टिवेट करके दोनों एंजाइम किसका डाइजेशन कर रहे हैं प्रोटीन का तो अगर मैं ये कहूं हमारे माउथ में किसका डाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो आप क्या कहेंगे कार्बोहाइड्रेट शर्कराओं की सुगर की स्टार्ट हुई थी और अगर मैं ये कहूं हमारे पेट में किसका डाइजेशन शुरू हो चुका है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो चुका है अब ये बताओ कि हमारे पेट में जब माउथ से खाना आया था तो कुछ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आई थी भाई जो माउथ में जो बोलस फूड बना था उसमें क्या था डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट था या नहीं आप लोग बताओ उसमें कुछ पचित शर्करा थी या नहीं जिसको सलाइवा ने पचाया था पचित शर्करा थी पेट में आया तो कुछ क्या हो गया डाइजेस्टेड प्रोटीन भी हो गया डाइजेस्टेड क्या हो गया प्रोटीन हो गया पचित प्रोटीन हो गया। सारा प्रोटीन तो नहीं पचा ना। थोड़ा बहुत ही तो डाइजेशन हुआ है और साथ में अनडाइजेस्टेड लिपिड अभी तक लिपिड का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है अनडाइजेस्टेड फैट अपचित वसा अभी तक हमने लिपिड की बिल्कुल भी बात नहीं करी है कहीं पर भी डाइजेशन की कहीं करी है क्या नहीं इसका मतलब मैम ये तो एक मिक्सर बन रहा है कुछ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट कुछ डाइजेस्टेड प्रोटीन और बहुत सारा अनडाइजेस्टेड लिपिड ये एक मिक्सर बन गया इन तीनों के खाने का एक मिक्सर बन गया और ये जो मिक्सर है इसे कहा जाता है C -H -Y -M -E. इसे क्या कहा जाता है जैसे हमारे माउथ में जो मिक्सर बना था उसे हमने क्या कहा था बोलस बोलस में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था प्रोटीन और फैट का बिल्कुल भी नहीं हुआ काइम में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत प्रोटीन डाइजेस्टेड है और अनडाइजेस्टेड क्या है लिपिड्स तो बच्चा डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिक्सर बना पेट में आफ्टर डाइजेशन उसे, उसे कहते हैं कायम उसे कहते हैं कायम और अगर आपसे हमारे स्टमक का पीएच वैल्यू स्टमक में तो हाईली एसिडिक एसिड है पीएच वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में रहता है आपके पेट का पीएच वैल्यू लेकिन अगर आपको एसिडिटी हुई तो पीएच का वैल्यू घटने लग जाता है पेट का पीएच पीएच वैल्यू। वैल्यू जितना कम value, उतना ज्यादा आपको जलन महसूस होगी और जितनी ज्यादा जलन महसूस होगी उतना ही ज्यादा आपको एसिडिटी रहेगा आपको क्या रहेगा एसिडिटी रहेगा समझ गए तो काइम कहां का फूड है स्टमक का बॉलस कहां का फूड है माउथ का माउथ से फूड कहां आया इसोफेगस में आइसोफेगस से कहां गया पेट में गया और पेट में क्या बन गया ये सारा और पेट में सबसे ज्यादा कौन से फूड का डाइजेशन होता है प्रोटीन का तो कुछ डाइजेस्टेड कुछ अनडाइजेस्टेड बना उसको हमने क्या बोल दिया उसको हमने काइम बोल दिया पेट का पीएच वैल्यू 1.5 टू तो 2.5 और अगर आपको एसिडिटी होता है तो ये पीएच वैल्यू और भी कम हो जाता है और भी कम हो जाता है अब पेट से और पेट में टोटल तीन से चार घंटे तक खाना रहता है एक से दो घंटे तक ऐसे इज पड़ा रहता है फिर एक से दो घंटा और लग जाता है किसको बच्चा ये पूरा प्रोसेस होने में जो प्रोसेस मैंने आपको समझाई है अब ये पेट से खाना आगे कहां जाएगा ये रहा आपका पेट और पेट से यहां से शुरू हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन अब स्टमक के बाद आगे फूड ये कायम कहां जाएगा ये कायम आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जाएगा बच्चा आगे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन बस नाम में छोटी है लेंथ में तो बड़ी से भी बड़ी है लेंथ में तो बड़ी से भी बड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है छोटी आंत दो आंत होती है एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दो ऑर्गन के बारे में पढ़ना है एंड बस स्मॉल इंटेस्टाइन से हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे आज के लिए इतना बहुत है आज के लिए इतना बहुत है कल कल कौन सा डे है कल फ्राइडे है ना हाँ तो अब आपसे कल मिलते हैं हाँ राहुल दो दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी आप बार बार कमेंट ना करें एक मेडिकल इश्यू था मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैं रेस्ट पे थी डॉक्टर ने मना किया था भाई दो तीन दिन के लिए इसलिए क्लास नहीं ले पाई थी अब कंटिन्यू कर रही हूं ना कल होगी बिल्कुल होगी आज भी हुआ कल भी क्लास होगा आपका ठीक है किसी का कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी एक्चुअली मेरे पॉडी में विटामिन बी ट्वेल्व और डी की कमी हो गई थी तो ये जो पाँव का निचला हिस्सा होता है ना टीचर का काम है पढ़ाना खड़े होके आठ आठ नौ नौ घंटे पढ़ाती हूँ मैं तो ये पाँव का जो निचला हिस्सा है ना ये पूरा कमजोर हो गया था तो मुझे विटामिन डी और विटामिन बी टूवेल्व के इंजेक्शन लगे थे बहुत कमजोरी आ गई थी शरीर में इसकी वजह से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था दो तीन ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ थी मैंने और ये थोड़े वाइटामस के मैंने इंजेक्शन वगैरह लिए थे इसलिए मैं क्लास नहीं कर पा रही थी चलो फिर आज के लिए अभी है तीन चार दिन का इशू है डॉक्टर ने तो मुझे आज भी क्लास लेने के लिए मना किया है लेकिन मैंने सोचा बहुत गैप हो गया दो दिन लेती हूँ फिर एक दिन और रेस्ट कर लेंगे शनिवार इतवार को रेस्ट कर लेंगे तब तक आप रिवीजन कर लेना पीछे का इसलिए मैंने शनिवार आज थर्सडे और फ्राइडे को मैंने सोचा मैं क्लास लेती हूँ फिर आप फ्राइडे सैटरडे तक आप रेस्ट कर, थोड़ा मैं रेस्ट कर लूंगी आप रिविजन कर लेंगे फिर मंडे से रेगुलर आपकी क्लासेस स्मूदली चलेंगे चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है अब हम आपसे कल मिलेंगे तब तक के लिए कोई डाउट नहीं है तो अब हमें जाने की इजाजत दीजिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को गुड आफ्टरनून एंड कैसे हैं आप सब लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना कुछ बच्चे लाइव आ चुके हैं जैसे किंग सरफराज यदुवंशी छोटू यादव अजय दीवाना सायन औरान अजय दीवाना प्रियंका पांडे राहुल नेहा यदुवंशी जगपाल गुज्जर निशा कुमारी राहुल पंकज उसके बाद कौन है अमित शर्मा दीपक कुमार मीना शिव नायक अभिषेक आशीष चौधरी निरंजन कुमार चलिए भाई सबको गुड आफ्टरनून एंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों ने बता दिया है तो हमें आज की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए सब अच्छा है सब सही चल रहा है सेट है ऑल सेट बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मैं इमेज दिखा के आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि लास्ट क्लास तक हम क्या पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बस दो या तीन क्लास के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और हाँ बच्चा मैं नेक्स्ट वीक से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ राइट नेक्स्ट वीक से मैं आपकी वेडनेस से नेक्स्ट वीक में वेनस से आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ बस केमिस्ट्री की क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा देखती हूँ क्या टाइमिंग रखना चाहिए बाकी आपका फिर रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री भी आपका स्टार्ट हो जाएगा राइट right? चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है माउथ से मुंह से स्टार्ट होता है और माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा था तो माउथ में हमने आपने याद किया होगा टीथ दांतों के बारे में पढ़ा टंग जीव के बारे में पढ़ा और उसके बाद सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स तीन टाइप की होती हैं पैरोटिड यह सब पढ़ ली थी और माउथ में किसका डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट नहीं हुआ था पार्शियल डाइजेशन हुआ था देन माउथ का खाना कहा जाता है फूड पाइप में फूड पाइप को क्या बोलते हैं ईसोफेगस ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है कौन सी प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू सारा खाना कहां पहुंचता है आपके पेट में पेट का आकार होता है जे आकार का तीन भागों में बंटा हुआ होता है कार्डिया फंडस पाइलोरस और फिर स्टमक में जैसे ही खाना आता है तो एक से डेढ़ घंटे तक खाना एज इज पड़ा रहता है और एक से डेढ़ घंटे के बाद स्टमक में जो ग्लैंड होती हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं उन्हें जठर ग्रंथियां बोलते हैं वो अपना गैस्ट्रिक जूस बना के खाने के अंदर मिक्स कर देती है और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है एक एसिड कौन सा एसिड हाईली एसिड कौन सा आप बताएंगे बच्चा एच हा, हाइड्रोक्लोरिक हा, एसिड और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कौन कौन से एंजाइम को एक पेप्सिन को एक रेनिन को पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन। रेनिन बच्चों में ज्यादा बनता है और रेनिन क्या करता है दूध का डाइजेशन करता है दूध के अंदर जो केसिन होती है उस केसिन को पैरा केसिन में बदल देता है और बाद में उस पैरा कैसेन पे पेप्सिन अटैक करता है और वो उस केस दूध की केसिन को पेप्टाइड में बदल लेता है या पेप्टोन में बदल लेता है तो अगर मैं एक लाइन में कहूं तो हमारे पेट में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन ज्यादा हुआ है तो आप क्या बताएंगे हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि पेट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट का कौन से पोषक तत्व का डाइजेशन ज्यादा या स्टार्ट होता है आप बताएंगे वो प्रोटीन का होता है अब बच्चा प्रोटीन के जो पेट का डाइजेशन पेट के अंदर जो डाइजेशन हो चुका है वो खाना कहाँ जाता है वो जाता है आपके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो किस तरीके से मान लो ये आपका पेट है इस तरीके से ऊपर से ये फूड पाई पा रहा था और ये पेट और पेट से यहां से इस तरीके से आपका खाना सारा का सारा खाना कहां जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये छोटी आंत होती है और बच्चा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में इस तरीके का एक वॉल्व लगा हुआ होता है ऐसे देखो इस तरीके का वॉल्व जब पेट में खाना है जब उस खाने का डाइजेशन हो रहा होता है तब तो ये वॉल्व बंद रहता है नहीं तो पेट का सारा खाना कहां पहुंच जाएगा छोटी आंत में पहुंच जाएगा है ना और इस वॉल्व का नाम होता है पाइलोरिक वॉल्व क्या होता है पाइलोरिक वॉल्व और पाइलोरिक वॉल्व को हिंदी में पाइलोरिक कपाट कहा जाता है पेट और छोटी आंत के बीच में इस तरीके का एक ढक्कन है जब पेट में खाना आया तो यह ढक्कन बंद था अब पेट में खाने का डाइजेशन हो गया अब खाना धीरे 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 स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हो रहा है तो यह हो हो फ्लैप होता है ओपन हो जाता है और जैसे ही यह पाइलोरिक वॉल्व ओपन हुआ तो सारा का सारा खाना कहां पहुंच गया ये क्या है यह हमारा एसआई SI है एसआई SI का मतलब यह हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत है तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो एक वाल्व होता है जो एक वॉल्व होता है वो कौन सा होता है वो होता है पाइलोरिक वॉल्व वो पाइलोरिक कपाट होता है और जैसे ही पेट के अंदर फूड का डाइजेशन हो गया है ये पाइलोरिक वॉल्व ओपन हो जाता है खुल जाता है और खुलने से सारा का सारा खाना कहां आ गया ऐसे पेट से होता हुआ खाना इस पाइप में पहुंच चुका है और ये पाइप कौन सा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ये छोटी आंत है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत है और बच्चा जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में यहां पहुंचा है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है तो जरा लिखिएगा अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तो जरा हेडिंग देखो पहला माउथ दूसरा तीसरा स्टमक तो फोर्थ नंबर पे क्या आएगा एसा है, एसा ही बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन दो इंटरस्टाइन होती है प्यारे बच्चों हम लोगों में एक छोटी आंत होता, होता है एक बड़ी आंत होता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ ज्यादा होती है इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई होती है बच्चा अप्रोक्स 6 से सवा मीटर की छह से सवा छ मीटर की इसकी लंबाई है हाँ कुछ लोगों की हाइट ज्यादा होती है जिनकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हल्का सा बड़ा होता है वो साढ़े छ मीटर तक का भी हो सकता है लेकिन एवरेज आपको याद रखना है है कि से सवा मीटर लंबा एक पाइप पाइप जिस को हम क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत बोलते हैं कितना बड़ा है छ से सवा छ मीटर लंबा है ऐसे ही बच्चा हम लोगों में होता है एलाई एलाई बोले तो लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ सिर्फ एक से डेढ़ होती है अब आप सोच रहे होंगे कि मैम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो ज्यादा है फिर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ कम है तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है इसका व्यास कम होता है अप्रोक्स एक इंच का डायमीटर होता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो तीन इंच के बराबर होता है अप्रोक्स स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है डायमीटर कम है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है डायमीटर ज्यादा है इसलिए इसको 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 छोटी आंत, बड़ी आंत जबकि लेंथ ज्यादा किसकी है लेंथ आप बताएंगे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की है छोटी आंत की है ठीक है इसलिए हम इसे छोटी आंत ऐसा होता है ना घर में दो बहनें होती हैं छोटी वाली बहन की हाइट ज्यादा होती है बड़ी वाली बहन की हाइट कम होती है ठीक वैसे ही ऐसे समझ लो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम है मैं आपको दिखाती हूँ घुमा पड़ा है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है छह से सवा छ अब आप कहोगे मैम छह से सवा छह मीटर तो बहुत ज्यादा होता है बच्चा ये ऐसा पड़ा है ऐसा 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 जब आप इसको पूरा ऐसे खींचोगे ना तो छवा छह मीटर लंबा पाइप निकल जाएगा ये ऐसा पड़ा ऐसे मुड़ा हुआ इसलिए आपको एहसास नहीं होता है और लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे एक चक्कर काट के ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे होता है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन साफ दिख रहा है इसका डायमीटर देखो बच्चा इसका व्यास देखो तीन इंच का ये एक इंच का इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल बोलते हैं और लार्ज को लार्ज बोलते हैं शायद आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा राइट right? अब बात करते हैं बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना ये तीन पार्ट में डिवाइडेड रहता है इसके तीन हिस्से होते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर है और लार्ज इंटेस्टाइन नीचे है इसलिए रोशे आपका भी कॉमन दिख रहा है आलोक अनु वर्मा राहुल प्रदीप सबके कॉमन दिख रहे हैं ना चलो तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट नाम लिखिए जरा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहला पार्ट है उसे बोलते हैं ड्योडेनम और ड्योडेनम को हिंदी में कहते हैं आंतग्रहणी आंत ग्रहणी और दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं जेजुनम जेजुनम हिंदी में सेम नाम है जेजुनम और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है इलियम भाग इलियम भाग ड्योडेनम जेजुनम, इलियम कैसे होते हैं ये ड्यूडेनम जेजुनम, एलियम कहां होते हैं वो बताते हैं आपको ये पेट वाला हिस्सा था पेट से जस्ट नीचे की तरफ ये जो पार्ट है ना ये वाला इसे कहते हैं डी वाला भाग और डी कौन सा ड्योडेनम फिर ये जो बीच का पाइप है ना इसे कहेंगे जे, जे मतलब जेजुनम और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसे कहते हैं आय आय का मतलब इलियम तो बच्चा पेट से जस्ट नीचे की तरफ लगा हुआ भाग जो स्टमक से अटैच्ड है जो किससे है स्टमक आपके पेट से अटैच्ड है उसे ड्योडेनम कहते हैं और जो आगे चलकर इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है इस तरीके से इसे कहेंगे इलियम तो यह वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी भाग है और इसके आगे से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है तो ये किससे कनेक्टेड है ये एलाय से यह लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है और दोनों के बीच वाला हिस्सा जय दोनों के बीच वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा जेजुनम तो कभी-कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए जैसे मैंने आपके पेट को तीन तीन हिस्सों में बांटा था कार्डिया फंडस पाइलोरस है ना बांटा था ना तो जो इसोफेगस से जुड़ा हुआ था पेट का पार्टों से कार्डिया बोला था बीच वाला फंडस फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ क्या था पाइलोरस था तो बच्चा इसीलिए आपको नाम याद रखना है क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से क्या आता है कि जो पेट से अटैचड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका नाम क्या है उसे डियोडनम या अंतर्गृहणी कहते हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होता है है ना उसको क्या कहते हैं उसको आप कहेंगे बच्चा आप कहेंगे उसे आए, इलियम कहते हैं बहुत बढ़िया अंकुर यादव देखो बच्चा अब जब ड्यूोडनम में खाना आया भाई ये आपका पेट था ध्यान से समझना अब आप लोग कमेंट बहुत करते हो ये ड्यूडेनम से खाना आया और सॉरी पेट से खाना आया कहा पेट, पेट नीचे की तरफ खाना गया मेरे में यहां क्या है खाना है और जैसे ही ड्यूडेनम में खाना आता है ना बच्चा इस ड्यूडेनम से इधर की तरफ आपको बताना है इसी ड्यूडेनम से दो ऑर्गन अटैच होते हैं कौन कौन सा पहला है लीवर जिसे बोलते हैं यक और दूसरा होता है पेनक्रियाज जिसे कहते हैं अग्नाशय। ड्यूडेनम में खाना आता है और इसी ड्यूडेनम से दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं जिनको ऑर्गन या हम ग्रंथियां कहते हैं कौन कौन सा आप बताएंगे लीवर जिसे यकृत और पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय कहते हैं बहुत ध्यान से इमेज को देखने की कोशिश करना देखो थोड़ा सा जूम करके बता रही हूं ध्यान से सुनो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंडुडेनम ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन का इड्यूडेनम वाला पार्ट है इससे ये लीवर जुड़ा पड़ा है और यहां पर ये रहा पेनक्रियास मैं आप एक फोटो बनाकर आपको दिखाती हूं जैसे ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका ड्यूडेनम वाला पार्ट है ये वाला ऊपर वाला तो यहां पर इस तरीके से आपका लीवर डक्ट के थ्रू डक्ट का मतलब होता है नली देखो ये नली है ना इस नली की सहायता से ड्यूडेनम से कौन जुड़ा हुआ है लीवर जुड़ा हुआ है यकृत जुड़ा हुआ है और यहां पर एक पेड़ के पत्ते जैसा दूसरा ऑर्गन है जिसे कहेंगे पेनक्रियास पेनक्रियास जिसे हम अग्नाशय बोलेंगे तो बच्चा ये जो अग्नाशय और यकृत है ना ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडनम वाले पार्ट से कनेक्टेड होते हैं और ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा आता है बच्चा कि छोटी आंत के किस हिस्से से लीवर और पैनक्रियाज कनेक्टेड होते हैं यकृत और अग्नाशय जुड़े होते हैं तो आप क्या बताएंगे वो ड्यूोडनम से जुड़े हुए होते हैं खाना लीवर पैनक्रियाज में नहीं जाता है अगर खाना जाएगा तो खाने का तो रास्ता ही याद रखेगा खाना कहाँ है खाना इस पाइप में है यहाँ खाना है ये पाइप क्या है ये ड्यूडेनम है ये पाइप क्या है ये ड्यूडेनम है खाना ड्यूडेनम में आता है खाना कभी भी लीवर और पेनक्रियाज में नहीं जाता है ये मत पढ़ लेना कि मैम ने पढ़ा दिया उल्टा पुलटा आपको बस इतना याद रखना है कि जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है तो ड्यूडेनम में आपका खाना है और जैसे ही खाना आया तो लीवर यहां से लीवर यहां से अपना एक जूस जिसे बाइल जूस कहते हैं यहां डालता है और पेनक्रियाज अपना जूस पेनक्रियाटिक जूस यहां डालता है तो ये जो लीवर और पेनक्रियाज हैं ये अपने जूसेस जूसेस का मतलब है रस अब जूस का मतलब ये नहीं है पीने वाला जूस नहीं वो जूस जिसके अंदर एंजाइम हो सकते हैं या वो जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है तो लीवर और पेनक्रियाज में खाना नहीं गया खाना आपके ड्यूडेनम में पड़ा रहा और जैसे ही ड्यूडेनम में खाना आया यहां से लीवर ने नली की सहायता से डक्ट की सहायता से यहां से पेनक्रियाज ने नली की सहायता से अपने जूसेस ट्रांसफर कर दिए और ये जूसेस कहां पे ट्रांसफर किए हैं ड्यूडेनम वाले पार्ट में जैसे ही स्मॉल के इंटस्टेनम वाले पार्ट में खाना आया इधर से लीवर ने इधर से पेनक्रियाज ने दोनों ने, अपना अपना जूस बनाया अलग अलग जूस बनाया बना के ड्यूडोनम के अंदर डाल दिया अब हमें यह तो पढ़ना पड़ेगा ना कि लीवर क्या होता है कौन सा जूस बनाता है नहीं तो कैसे समझ में आएगा ऐसे ही पेनक्रियाज क्या होता है कौन सा जूस बनाता है मतलब इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा हमें तो आपको कैसे नोट डाउन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक नंबर वाला पार्ट ड्यूडेनम और एक में भी ए वाला पार्ट लीवर डालिए अब पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज के बारे में तो जरा नोट डाउन कीजिए लीवर के बारे में लीवर जिसे आप आम भाषा में जिगर बोलते हैं बोलते हैं ना तेरे में जिगर है क्या ऐसा कुछ बोलते हैं ना या यकृत जिगर या यकृत लीवर क्या होता है लीवर एक ऑर्गन है ऑर्गन है एक अंग है लेकिन बच्चा लीवर को हम ऑर्गन के साथ साथ इसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड इसे हम हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानते हैं क्यों मानते हैं क्योंकि बच्चा एक तो ये वजन में ज्यादा है और दूसरा ग्रंथि क्यों कहते हैं क्योंकि ये जूस बनाता है ये क्या बनाता है ये जूस बनाता है तो इसे बोलते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है या आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है या आपसे पूछे कि लार्जेस्ट या स्ट इंटरनल ऑर्गन इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे भारी सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक अंग है आंतरिक का मतलब है इंटरनल ऑर्गन आंतरिक अंग है और लीवर बहुत हैवी होता है अगर मैं मेल लीवर की बात करती हूं एक लड़के का जो लीवर है वो 1.4 से 1.8 किलोग्राम के बीच का हो सकता है और अगर एक अडल्ट फीमेल की बात करते हैं तो उसका लीवर 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक का हो सकता है मतलब मैं अगर बात करूं तो ऑन एन एवरेज डेढ़ किलो का लीवर है आपका ऑन एन एवरेज डेढ़ किलो का तो लीवर है ही है तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर इसको ग्रंथि क्यों बोला क्योंकि बच्चा ये ना जूस बनाती है आप इतना लीवर हल्का सा थोड़ा सा लड़का और लड़की के लीवर में डिफरेंस होता है अगर मैं बात ऑन एन एवरेज तो आप बता दोगे डेढ़ किलो का आपका लीवर होता ही होता है जो कि दो लोब में बंटा हुआ होता है दो लोब, दो लोब का मतलब हो गया दो पार्ट में बंटा हुआ होता है जैसे मैं आपको फोटो दिखाती हूं उसमें देखने की कोशिश करना लीवर का एक लोब आपको ये दिख रहा है ना और एक ये छोटे वाला ये बड़े वाला लोब ऐसे लीवर है देखना बच्चा ऐसे लीवर है है ना कुछ ऐसा सा लीवर है ऐसा सा तो एक ये वाला छोटे वाला लोभ हो गया ये बड़े वाला लोभ हो गया तो लीवर दो लोब में बंटा हुआ है दो हिस्सों में बंटा हुआ होता है दो लोब में बंटा हुआ होता है नेक्स्ट जब आप लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं आपको लीवर के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए तो भाई आप पढ़ लो बायोलॉजी का हिपैटोलॉजी ब्रांच कौन सा ब्रांच हिपैटोलॉजी इसे पढ़ लो टू स्टडी अबाउट लीवर इज नॉन एज हिपैटोलॉजी साइंस का वो ब्रांच जिसमें आप लीवर के बारे में पढ़ना चाहते हैं ऑनली लीवर के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भैया उस ब्रांच को कहते हैं हिपैटोलोजी बच्चा जब जब हिपैटिक टर्म देखते हैं ना ध्यान से सुनना जब जब आप हिपैटिक शब्द देखते हैं उसका मतलब होता है लीवर डॉक्टर्स की लैंग्वेज में लीवर को ही हिपैटिक कहा जाता है कभी आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाओगे जहां पर लीवर ट्रांसप्लांटेशन होता है जहां पर लीवर को स्टोर करके रखते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर ना हिपैटिक रूम होता है एक, जिस रूम के अंदर लीवर के सैंपल या लीवर को रखा हुआ होता है ठीक है तो लीवर के बारे में स्टडी करना हिपैटोलोजी और लीवर क्या साइंटिफिक नेम में बोलो या डॉक्टर की लैंग्वेज में नाम बोलो तो क्या होगा हिपैटिक होगा हिपैटिक शब्द होगा और लीवर के अंदर जो सेल्स होती है ना उनको कहा जाता है हिपैटोसाइट सेल क्या कहा जाता है हिपैटोसाइट हिपैटो का मतलब लीवर साइट का मतलब सेल वो सेल जो लीवर के अंदर है उनको हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल्स कहा जाता है लीवर जिन कोशिकाओं से बना हुआ है इन कोशिकाओं को हिपैटिक कोशिका कहो या हिपैटोसाइट कहो या हिपैटोसाइट कहो समझ गया मेरी बात और बच्चों ये जो हिपैटोसाइट होता है ना या लिवर होता है इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है ये जो सेल्स होती है ना हिपैटोसाइट इनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है हमारे बॉडी में अब सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर का मतलब है सबसे अधिक पुनः निर्माण की क्षमता होती है कहने का मतलब है आपका लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है ये रीजनरेट हो सकती हैं वापस आपको मैं एक बात बताती हूं अपने लीवर को चाकू से काट दो तो, तो हिस्सों में बांट दो तो, इस हिस्से से एक नया लीवर बन जाएगा इस हिस्से से एक नया लीवर बन जाएगा क्यों बन जाएगा क्योंकि लीवर के अंदर जो हिपैटोसाइट सेल है ना वो क्या होता है आप बताएंगे बहुत ज्यादा जल्दी रीजनरेट हो जाती है वापिस से बन जाती है आपने कभी सुना होगा हम हमारा लीवर 20 30 इस तरीके से डोनेट कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं लीवर को टुकड़ों में कर सकते हैं आप डोनेट क्योंकि लीवर की जो सेल्स हैं वो इतना जल्दी वापस से रीजनरेट होती हैं कि वापस डेढ़ से दो महीने में आपका लीवर नया बना देती है लेकिन उसके लिए शर्त है बच्चा अब आप लोग सोचते होंगे आपने जाना सुनता सुना होगा कि अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो जाता है अब आप सोच रहे होंगे अगर अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है तो वापिस से रिजनरेट क्यों नहीं होता है भाई उनका अल्कोहल पीने से लीवर की सेल्स खराब हो चुकी है परमानेंट और खराब सेल्स कभी रिजनरेट नहीं होती है अगर रिजनरेट करना है ना लीवर को तो आपकी सेल्स हेल्दी होनी चाहिए आप कभी टोबैको, तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा या फिर आप ये अल्कोहल वगैरह ना ले तब जाकर आपकी सेल्स हेल्दी रहती है लीवर की वो सेल्स क्या होती है आप बताएंगे बच्चा वो सेल्स होती है रीजनरेशन वाली अब ऐसा नहीं है कि आप अल्कोहल लेते जा रहे हैं और आप सोच रहे मेरे तो लीवर की सेल्स मैं ने पढ़ाया रीजनरेट होती रहेंगी मेरा लीवर तो वापस बनता रहेगा नहीं आपका लीवर हेल्दी है तब जाकर आपका लीवर के अंदर आप कोई लीवर का आधा वाधा पार्ट आप किसी को डोनेट कर सकते हैं टुकड़ों में या आपका आप लीवर वापिस से रिजनरेट हो सकता है लेकिन उस रिजनरेशन के लिए आपके लीवर की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए लीवर की सेल्स बहुत जल्दी डिवाइड हो जाती हैं डिवाइड होकर वापस से रिजनरेट होकर पूरा लीवर वापस बना देती हैं इसीलिए हम लिखते हैं कि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर होती है यकृत की कोशिकाओं के अंदर सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण की क्षमता होती है हल्की फुल्की कभी लीवर की साइज खराब हो जाती है ना तो वापिस में रिजनरेट हो जाती है हल्का फुल्का है ना समझ में आ गई मेरी बात तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है इसलिए हम अगर अपने लीवर को टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं आपने इतना टुकड़ा किसी को दे दिया भाई किसी का लीवर खराब हो गया होते हैं लीवर ट्रांसप्लांटेशन अभी पीछे अमिताभ बच्चन जी का हो गया था तो अमिताभ बच्चन जी ने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया था अपना कोई डोनर मिला था उन्हें उन भाई बड़े बड़े लोगों के पास पैसे की कमी होती नहीं है तो पैसे से खरीद लेते हैं वो डोनर तो आप इतना हिस्सा किसी को दो दे दो यहां से फिर कुछ दिनों के बाद आपका यह हिस्सा पूरा ऐसे बन चुका होगा लेकिन उसके पीछे कंडीशन है लीवर अच्छा होना चाहिए तब होगा है ना तो ये याद रखिएगा लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें साइट या साइट सेल्स कहते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की पावर होती है बोले तो ये कुछ समय के बाद वापस से रीजनरेट भी हो सकती हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट बात करते हैं लीवर के बारे में तो लीवर जो है वो बच्चा दिन रात एक जूस बनाता है लीवर क्या बनाता है एक जूस बनाता है एक रस बनाता है कौन सा रस जिस रस का नाम होता है बाइल जूस जिसका नाम होता है बाइल जूस या बाइले जूस आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करें लीवर के द्वारा 24 घंटे एक जूस बनता रहता है जिसे बाइल जूस या रस कहा जाता है पित्तरस तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है रस का निर्माण कौन करता है यकृत करता है महेश चंद्र बार बार एक कमेंट करें सीबीटी टू के लिए सफिसियंट है क्या अब बहुत लेट हो बच्चा सीबीटी टू के लिए एक महीना बचा है बहुत लेट हो आप इसलिए मैं आपका कमेंट अवॉइड कर रही हूं बहुत देर से एक महीना बचा है और आप अभी थ्योरी वाला बैच ज्वाइन किए हैं वाह जी वाह महेश चंद्रा जी काजल कुमारी कह रहे मैम कलेजा किसे कहते हैं कलेजा लीवर को ही कहते हैं आम भाषा में बोलते हैं ना फलाना इंसान का कलेजा फट गया कलेजा लीवर ही होता है ठीक है चलो तो लीवर के द्वारा क्या बनता है एक बाइल जूस बनता है 24 घंटे 24 फोर आवर्स हमारा लीवर एक जूस बनाता रहता है जिसे हम क्या कहते हैं बाइल जूस कहते हैं ये बाइल जूस जब ज्यादा बन जाता है तो बच्चा ध्यान से सुनिए बाइल जूस ये जब ज्यादा बन जाता है तो लीवर के जस्ट नीचे की तरफ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से हरे रंग की ऐसे थैली होती है एक और इस थैली को कहते हैं हम आप बताएंगे गोल ब्लैडर क्या कहते हैं गोल ब्लैडर कहते हैं हिंदी में कहते हैं पित्त की थैली या पिताशे पित्त की थैली सुना होगा ना तो जब लीवर से बनने वाला बाइल जूस ज्यादा हो गया इस तरीके से लीवर लगातार बाइल जूस बना रहा है बना रहा है बना रहा है बना रहा है तो ये ज्यादा बाइल जूस जाकर स्टोर हो जाता है कहां पर गॉल ब्लैडर में पित्त की थैले में जहां पे अक्सर किसी इंसान को पथरी भी हो जाती है और जब पथरी होती है तो वो इंसान फिर इस गॉल ब्लैडर को हटवा भी लेता है रिमूव भी कर लेता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस बनाया किसने तब आप क्या बताएंगे बाइल जूस बनाता आपका लीवर है 24 घंटे बनाता है जब ये बाइल जूस ज्यादा हो जाता है जब ये बाइल जूस एक्सेस हो जाता है ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो ये स्टोर कहां होने के लिए जाता है तो बताओ जरा स्टोर होने के लिए कहां जाता है ये जाता है बच्चा हमारे गॉल ब्लैडर में हमारे पित्त की थैली में हमारे थैली में और एक दिन में कितना बनता है अप्रोक्स एक दिन में से एमल। 600 से 800 सौ एम एल सिक्स टू एट हंड्रेड एम पर डे इतना बाइल जूस आपके बॉडी में बनना चाहिए मिनिमम इतना बनना ही बनना चाहिए आपके लीवर से और बच्चा ये जो बाइल जूस होता है इसका नेचर कैसा होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 7.6 तो ये किस नेचर का होता है ये बेसिक ये क्षारिय प्रकृति का होता है ये सारे क्वेश्चन बता रही हूं आपको एग्जाम में सारे एग्जाम के क्वेश्चन बता रही हूं क्या क्या एग्जाम का क्वेश्चन हो गया बाइल जूस किसने बनाया लीवर ने ज्यादा बन गया कहां स्टोर गॉल ब्लैडर में कितना बनता है इतना इसका पीएच वैल्यू कितना होता है इतना होता है अब जो ज्यादा था वो तो गॉल ब्लैडर में हरे रंग का होता है गॉल ब्लैडर क्यों होता है उसका रीजन अभी बताएंगे आपका बाइल जूस का कलर कैसा होता है सुन लो इसीलिए देखो जो बाइल जूस होता है इसका कलर इसका जो रंग होता है ये होता है बच्चा ग्रीन कलर का ये हरे रंग का होता है ये हरे रंग का होता है आप कभी देखना छोटा बच्चा होता है उसकी जो पोटी होती है आप हम कैसे बात करते हो पोटी ग्रीन कलर की होती है क्यों क्योंकि छोटे बच्चे का जो लीवर है वो अच्छे से बना हुआ नहीं होता है इसलिए उसका ये ग्रीन कलर वाले पिगमेंट उसके पोटी में निकल जाते हैं तो बच्चे का पोटी जो होता है वो हरे रंग का होता है है ना जब बात करते हैं बच्चा बाइल जूस पितरस किस कलर का है आप बताएंगे हरे रंग का है और हरे रंग का क्यों है क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और कौन सा होता है आप बताएंगे बिलीवर कौन सा पिगमेंट है बिली वर्डिन इन पिगमेंट की वजह से बाइल जूस हरे रंग का होता है हरे रंग का होता है और इसीलिए ये जो गोल ब्लैडर होता है ये भी ग्रीन कलर का होता है मैं आपको फोटो में दिखाती हूं ये देखना छोटा सा गोल ब्लैडर ऐसे लटका हुआ दिख रहा है लीवर के साथ ऐसे ऐसे लटका हुआ दिख रहा है हरे रंग का इसी को गोल ब्लैडर पित्त की थैली बोल रखा है तो बाइल जूस हरे रंग का है क्योंकि उसके अंदर हरे रंग का पिगमेंट है कौन सा बिली वर्डिन और जब कभी किसी इंसान को पीलिया वगैरह होता है तो या तो उसको पोटी और उसका यूरिन बहुत ज्यादा पीले रंग का होता है या हरे रंग का होता है यही रीजन है बात समझ में आ गई है इतनी बात चलो अब बात ये करते हैं ये बाइल जूस हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं तो बच्चा जो ज्यादा बाइल जूस था वो तो गोल्ड ब्लडर में जाके स्टोर हो गया बाकी का बाइल जूस ऐसे होता हुआ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा है ड्यूडेनम वाला अभी बताया था ना मैंने इस तरीके से ये ड्यूडेनम है इस ड्यूडेनम से लीवर जुड़ा हुआ है तो लीवर ने बाइल जूस बना के कहां पर भेज दिया इस ड्यूडेनम वाले हिस्से में भेज दिया ज्यादा था वो स्टोर हो गया गोल ब्लेडर का एक ही काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होता है इसका बाकी का बाइल जूस ऐसे होता हुआ नली की सहायता से कहां आ गया छोटी आंत में आ गया छोटी आंत के किस हिस्से में आ गया ड्यूडिनम वाले हिस्से में और ये बाइल जूस आकर इस ड्यूडेनम में किसके साथ मिक्स हो जाएगा खाने के साथ फूड के साथ मिक्स हो जाएगा और खाने में ये बाइल जूस क्या करेगा तो ये बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करेगा इसीलिए तो हमें बाइल जूस यहां पढ़ना पड़ पर रहा है वरना हम बाइल जूस क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे वरना हमें यहाँ पे बाइल जूस पढ़ने की क्या जरूरत थी तो बच्चा जो बाकी का बाइल जूस था वो आ गया कहां पर आपके खाने में और खाने में आके मिक्स हो गया और मिक्स होकर वो क्या करेगा वो डाइजेशन करेगा वो क्या करेगा डाइजेशन करेगा अब बात ये आती है कि मैम हमारे लीवर से निकलने वाले बाइल जूस में क्या क्या होता है जरा सुन लीजिए क्या क्या होता है जब बात करते हैं बाइल जूस के कंपोजिशन की तो लिखिए बाइल जूस में क्या क्या होता है जैसे हमने पढ़ा था आपके सलाइवा में क्या क्या होता है आप लिख दीजिए जरा से सलाइवा में क्या क्या होता है ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था जल्दी बताओ है ना ऐसे ही बाइल जूस में क्या क्या होता है हल्का फुल्का पानी होता है पानी के साथ कुछ सोल्ट होते हैं कुछ सोल्ट होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इन्हें ना बाइल सोल्ट भी कहते हैं सोल्ट का मतलब लवण और दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट एक ये हो गया सोल्ट साथ में बच्चा कुछ मिक्स रहता है कोलेस्ट्रोल अब ये कोलेस्ट्रोल क्या होता है अभी के लिए छोड़ दो ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको कोलेस्ट्रोल क्या होता है और साथ में बाइल जूस के साथ मिक्स रहता है कुछ फोस्फोलिपिड्स क्या रहती हैं हैं रहती है. या फोस्फोलिपिड्स मिक्स रहती है ये सारी चीजें किसके अंदर मिक्स रहती हैं आप बताएंगे ये सारी की सारी आपके बाइल जूस के अंदर और साथ में ही बाइल जूस के अंदर रहते हैं बाइल पिगमेंट बाइल पिगमेंट और ये पिगमेंट दो होते हैं कौन कौन सा एक तो हो गया बिली रूबिन पहला पिगमेंट कौन सा हो गया बिली रूबिन और दूसरा कौन सा हो गया बिली वर्डिन बिली वर्डिन बिली रूबिन हमेशा देता है येलो कलर पीला रंग पीला रंग इसीलिए जब कभी किसी इंसान को पीलिया होता है जोइंडिस होता है तो उसका लीवर खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बिली रूबिन बनाता है और बहुत ज्यादा बिली रूबिन नाखून में जाके फस जाता है आंखों में फस जाता है और नाखून और आंखें पीली हो जाती हैं उसे हम जोइंडिस या पीलिया कहते हैं और बिली वर्डिन कैसा रंग देता है ये ग्रीन कलर ये हरा रंग देता है ये सारी चीजों का जो मिक्सर होता है इसको कहते हैं बाइल जूस बाइल जूस में क्या क्या है एक बार फिर से सुनो हल्का फुल्का पानी होता है साथ में दो टाइप के सोल्ट इन्हें बाइल सोल्ट बोलते हैं क्योंकि ये सोल्ट बाइल जूस में ही होते हैं सिर्फ इसलिए बाइल सोल्ट सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया साथ में कुछ कोलेस्ट्रोल मिक्स होता है साथ में कुछ फोस्फोलिपिड्स होती हैं और दो टाइप के बाइल पिगमेंट्स होते हैं एक बिली रूबिन और एक बिली वर्डिन बिली रूबिन हरा रंग देता है बिली रूबिन हरा तो सॉरी बिली रूबिन पीला रंग देता है और जब ये बिली रूबिन एक्सेस हो जाता है क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी कर देगा ये आपको जॉइंडिस कर देगा आपके नाखूनों में और आपकी आंखों में जाकर जमेगा और आपको पीलिया हो जाएगा और बिली वर्डिन किस कलर का है ये ग्रीन कलर का है इसीलिए मैंने कहा ना जब कभी किसी इंसान का लीवर खराब होता है तो उसकी पोटी या तो बहुत ज्यादा पीले रंग की आती है या बहुत ज्यादा हरे रंग की आती है इस सारी चीजों के मिक्सर को हमने बाइल जूस बोला है ठीक है सारी चीजों के मिक्सर को बाइल जूस बोला है और आप मेरी बात को जरा कान खोल के सुन लो मेरी बात को ध्यान से एक क्वेश्चन का आंसर दो क्या बाइल जूस में कहीं पर भी आपको एंजाइम लिखा दिखा दिख रहा है बोर्ड पे फटाक से बताओ क्या आपको बोर्ड पे कहीं पर भी मैंने पढ़ाया है कि बाइल जूस में एंजाइम होता है भैया सलाइवा में एंजाइम था तो मैंने पढ़ा दिया बच्चा गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होता है तो मैंने पढ़ा दिया लेकिन कहीं पर भी आपको बाइल जूस में एंजाइम दिख रहा है दिख रहा है क्या जल्दी बताओ नो no, नहीं ये एग्जाम का क्वेश्चन है कौन से जूस में एंजाइम नहीं होता तो बच्चा याद रखना नो एंजाइम देर आर नॉट एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता अब आपको लग रहा होगा मैम जब एंजाइम नहीं है तो बाइल जूस डाइजेशन कैसे करता है वो करता है अपने इन सोल्ट की हेल्प से इन लवड़ों की हेल्प से डाइजेशन में हेल्प करता है वो बाइल जूस इकलौता ऐसा जूस है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता और जब एंजाइम नहीं है तो ये फिर डाइजेशन कैसे कर सकता है ये पाचन कैसे कर सकता है इसका आंसर है मेरे पास ये किसकी हेल्प से ये बाइल सोल्ट की हेल्प से तो प्यारे बच्चों जरा इस फोटो को देखने की कोशिश करो कि यहां से आपके लीवर ने क्या बना के डाल दिया बाइल जूस कहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम में क्या है खाना खाने कितने टाइप का था तीन टाइप का कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट और जैसे ही लीवर ने क्या भेजा अपना लीवर ने भेजा इस तरीके से बाइल जूस क्या भेजा बच्चा बाइल जूस भेजा पितरस भेजा और ये बाइल जूस आकर मिक्स होता है किसके साथ इसकी मिक्सिंग होती है किसके साथ मिक्सिंग विद फूड और ये फूड कहा का है ये ड्यूडिनम वाले भाग का है और जैसे ही फूड के साथ मिक्सिंग होती है बच्चा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाकर इंतजार करता है कि लीवर कब बाइल जूस भेजे कब बाइल जूस भेजे और फाइनली आपके लीवर ने बाइल जूस भेज दिया बाइल जूस आते ही खाने के साथ मिक्सिंग करता है और बाइल जूस उस खाने में से किसको ढूंढता है बाइल जूस ढूंढता है उस खाने में से लिपिड्स को वसा को ढूंढता है वसा किससे मिलती है आप तेल घी बटर मक्खन ये सब खाते हो इनसे लिपिड्स मिलती हैं और लिपिड्स तरीके से बड़ी-बड़ी ड्रॉप में होता है और ये बाइल जूस आता है और इन लिपिड्स की बूंदों पर अटैक करता है इन बड़ी बड़ी बूंदों का ब्रेकडाउन करता है किसकी हेल्प से अपने सोल्ट की हेल्प से बाइल सोल्ट की हेल्प से कौन सा जूस बाइल जूस और क्या करेगा बच्चा इन बड़ी बड़ी लिपिड्स की बूंदों को छोटी छोटी वसा की बूंदों में बदल देता है छोटा बदला है इस तरीके से और ये जो छोटी छोटी बूंदे हैं इनको कहा जाता है फैटी एसिड्स इनको क्या कहा जाता है फैटी एसिड्स या इन्हें वसीय अम्ल कहा जाता है लेकिन लेकिन मैं एक बात बता दूं यहां पर डाइजेशन हुआ है लिपिड का देखो लिपिड लिपिड के बड़े लिपिड के बड़े मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल छोटे में टूट गए हैं लेकिन बच्चा यहां पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है लिपिड्स का कैसा डाइजेशन होता है पार्शियल डाइजेशन होता है और पार्शियल का मतलब क्या होता है आधा अधूरा आंशिक तौर पे कम डाइजेशन हुआ है पूरा नहीं हुआ है तौर पे हुआ लेकिन किया तो सही ना किसने किया अब आप बताओ बाइल जूस ने एग्जाम के क्वेश्चन क्या है बाइल जूस किसने बनाया लीवर ने ज्यादा हो गया कहाँ स्टोर हो गया गॉल ब्लडर में बाइल जूस किसका डाइजेशन करता है फैट या लिपिड का किसकी हेल्प से बाइल सोल्ट की हेल्प से किस में बदल देता है फैटी एसिड में क्या ये कंप्लीट कर देता है नो no. कैसा ये पार्शियल डाइजेशन करता है और प्यारे बच्चों ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा है ना क्या कौन सा केमिकल रिएक्शन एक लिक्विड लिपिड लिपिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी ड्रॉप होती है और इसी के अंदर छोटा लिक्विड और घस मतलब ये बड़ा था बड़ा छोटा में बदल गया एक लिपिड दूसरे लिपिड के मॉलिक्यूल में टूट गया एक लिक्विड छोटे ड्रॉप में टूट गया तो इसे कहा जाता है इमल्सिफिकेशन इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इमल्सिफिकेशन पायसीकरण एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि लीवर से निकलने वाला बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है आपको बताना है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस पे काम करता है लीवर से निकलने वाला बाइल जूस कौन सी प्रोसेस पे काम करता है इमल्सिफिकेशन पर. प्रक्रिया पे आधारित है इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है एक लिक्विड की बड़ी बूंदे और उन बड़ी बूंदों को छोटी लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉप में बदलना इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहलाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है लीवर से बनने वाला बाइल जूस किस प्रोसेस पे काम करता है तो आप क्या बताएंगे लीवर से निकलने वाला बाइल जूस इमल्सिफिकेशन पायसीकरण प्रोसेस पे आधारित है लीवर क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर किस तरीके से हेल्प करता है मैम वो लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन कर देता है इमल्सिफिकेशन कर देता है तो बच्चों ये सारी बातें आपको लीवर के बारे में याद रखी अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे कह दूं मेरा लीवर खराब हो गया है तो क्या हो जाएगा मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके सामने आंसर है मैम अगर आपका लीवर खराब हो गया तो आप जो लिपिड्स खा रही हैं तेल घी खा रहे हैं मटर बटर मक्खन चिकन वगैरह ये सब खा रहे हैं इनमें जो लिपिड्स है उसका डाइजेशन नहीं होगा होगा कि नहीं होगा नहीं होगा लिपिड्स का डाइजेशन तो बच्चा इस तरीके से लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा माना गया है लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में इमल्सिफिकेशन करता है किसका लिपिड का करता है ये तो डाइजेस्टिव डाइजेशन में रोल है लीवर का लेकिन इसके अलावा लीवर और भी बहुत काम करता है ये तो डाइजेशन में रोल है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पहले हमें डाइजेशन में तो लीवर का पता होना चाहिए ना लीवर में खाना नहीं जाता है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है लीवर ने बाइल जूस भेजा बाइल जूस ने अपने बाइल सोल्ट की हेल्प से लिपिड को छोटे ड्रॉप में बदल दिया और ये लीवर की बात हो गई पे पे नहीं आएंगे पे पढ़ेंगे तो लीवर का डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये रोल था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है वो या इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स करता है इसके अलावा लीवर के क्या और फंक्शन हैं तो बच्चा बहुत सारे काम है लीवर बहुत काम करता है तो लिखिए फंक्शन ऑफ लीवर यकृत के कार्य क्या क्या काम करता है यकृत के कार्य इसके अलावा और आपका जो लीवर है यकृत है है ये और क्या-क्या काम करता है। लीवर बहुत सारे काम करता है मैं मेन मेन काम नोट करवा रही हूं मैं ये बताना चाह रही हूं अगर आपका लीवर खराब हो गया तो ये सब रुक जाएगा ये सारे काम रुक जाएगा जरा सुनिएगा क्या क्या लीवर के फंक्शन की बात करते हैं तो क्या क्या सबसे पहला तो मैं यही लिख दूं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बताओ किसी को दिक्कत होगा क्या लीवर क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट वसा का पायसीकरण मतलब वसा के पाचन में आप ऐसे लिख लो आम भाषा में लिखना है तो वसा के पाचन में सहायक है, है या नहीं है बिल्कुल है वसा के पाचन में सहायक दूसरा क्या काम करता है लीवर आप लिख दो दूसरा फंक्शन आप नंबरिंग करते जाना ठीक है आप नंबरिंग करते जाना दूसरा आप लिख दो ये बाइल जूस बनाता है बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है बाइल जूस का निर्माण करना यस मैम बिल्कुल लीवर करता है तीसरा अगर मैं बोलूं तो ये बाइल पिगमेंट बनाता है बाइल पिगमेंट्स को बनाना और बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से थे दो कौन कौन सा बिली रूबिन पहला बाइल पिगमेंट जो पीला रंग देता है बिली रूबिन और दूसरा कौन सा बिली वर्डिन। तो ये भी पूछ ले एग्जाम में कौन बनाता है तो ये भी तो आपका लीवर ही तो बनाता है नेक्स्ट आप बताएंगे लीवर यूरिया का फॉर्मेशन करता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूरिया का फॉर्मेशन यूरिया आपके बॉडी में जो बनती है वो यकृत द्वारा बनाई जाती है याद रखना यूरिन पेशाब जो होता है वो किडनी बनाते हैं जबकि उस पेशाब के अंदर जो यूरिया घुली हुई आती है वो कौन बनाता है तो वो कौन बनाता है वो बनाता है आपका लीवर लीवर यूरिया बनाता है नेक्स्ट आप बताएंगे लीवर जो है वो स्टोर हाउस माना गया है स्टोर हाउस का मतलब होता है ये बहुत सारी चीजों को स्टोर करता है जैसे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहता है ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी का स्टोर फूड कहलाता है लीवर के पास ग्लाइकोजन होता है और ग्लाइकोजन मनुष्य के शरीर का स्टोर फूड कहलाता है स्टोर फूड का मतलब है संग्रहित भोजन जिसका संग्रहण हो रखा है जो आपने फ्यूचर के लिए स्टोर कर रखा है फूड अगला लीवर करता है बहुत सारी विटामिन को स्टोर और उसमें से मेनली कौन कौन से विटामिन विटामिन ए और डी ई e, के लिखिएगा नेक्स्ट विटामिन ए डी ई e, के इन सबको स्टोर कर लेता है इन सारी विटामिन को स्टोर कर लेता है अगला लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव करना, कम करना। जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना आपके बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसा चीज है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है तो लीवर बेचारा इतना सीधा होता है उसे अपने पास ले लेता है और आपके शरीर में उस चीज से बचा लेता है वरना तो वो आपके शरीर के लिए क्या कर देगा वरना तो वो आपके शरीर के लिए नुकसान पहुंचा सकता है मैं क्या कहना चाह रही हूं मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपके बॉडी में कोई भी ऐसी हानिकारक आपने आपने सुना होगा पेन किलर खाने से लीवर खराब हो जाता है बिल्कुल सही बात है पेन किलर के अंदर जो टॉक्सिक केमिकल हैं वो केमिकल आपके लीवर के अंदर आते हैं और लीवर से क्या हो जाता है आप बताएंगे लीवर उसको स्टोर कर लेता है अपने पास तो इसे कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करने का काम करता है नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं लीवर की इसके अलावा तो लीवर ना फैट को स्टोर करने में भी हेल्प करता है फैट को स्टोर देखो स्टोर हाउस है लीवर जैसे हमारी मम्मिया क्या करती हैं घर में मम्मी हमारी रसोई का राशन बहुत ज्यादा राशन एक साथ ले आती हैं और फिर उसे स्टोर रूम में डाल देती हैं, फिर धीरे धीरे उसे काम में लेती रहती हैं। ठीक वैसे ही जब आपके बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा हो जाती है तो लीवर बेचारा अपने पास बुला लेता है लीवर कहते लाओ मुझे दे दो जब जरूरत हो मेरे से ले जाना तो हम लीवर को हमारे बॉडी का स्टोर हाउस कहते हैं इसे हम हमारे बॉडी का स्टोर हाउस भी मानते हैं ये काम क्या करता है जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है जहरीले पदार्थों से हमें बचाने का काम करता है विटामिन को स्टोर करता है ग्लाइकोजन को स्टोर करता है यूरिया बनाता है बाइल पिगमेंट बनाता है बाइल जूस बनाता है इमल्सिफिकेशन करता है इसके अलावा और सुनो कोलेस्ट्रॉल बनाता है कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है कोलेस्ट्रोल बनाता है कोलेस्ट्रोल का फॉर्मेशन कोलेस्ट्रोल का निर्माण करता है तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि लीवर बहुत सारे काम करता है ये मैंने कुछ मेन मेन फंक्शन आपको लीवर के पढ़ाए हैं ये मेन मेन फंक्शन पढ़ाए मैंने ऐसे लीवर बहुत सारे काम करता है बच्चा इनमें से कोई भी फंक्शन आ गया तो आप सबका आंसर क्या करके आएंगे लीवर हां जी बच्चा बिल्कुल मैं लिखवा देती हूं राहुल ये भी लिख लो चलो नेक्स्ट एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन नेक्स्ट लिखो फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इस प्रोटीन को भी कौन बनाता है फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में यह भी लीवर बनाता है तो लिख दो लीवर के द्वारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी बनाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनाता है इसके अलावा एक हैप्रीन होता है आगे पढ़ाऊंगी उसको भी लीवर बनाता है तो मैं ये कहना चाह रही हूं लीवर बहुत सारे काम करता है भैया लीवर को बिल्कुल हल्के में मत लिया करो बिल्कुल हल्के में मत लिया करो नहीं तो ये सारे काम रुक जाएंगे ये सारे काम आपके रुक जाएंगे लीवर के और जब आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो तो आपका लीवर खराब हो जाता है अल्कोहल जब आप ज्यादा लोगे तो ये किसको नुकसान पहुंचाएगा ये आपके लीवर को नुकसान पहुंचाएगा इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे कि अगर आपका लीवर खराब हो गया तो क्या हो जाएगा लीवर को हेल्थी कैसे रख सकते हैं और अल्कोहल ज्यादा लेने से लीवर कैसे खराब हो सकता है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे फिर पेनक्रियास पढ़ेंगे बस दो मुश्किल से दो या तीन दो क्लास दो क्लास के अंदर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन बच्चा बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी तो आते हैं बेटा आप कोलेस्ट्रोल एक टाइप का फैट होता है गौरव अब आप समझ सकते हैं तो देख लो नहीं तो आगे पढ़ाएंगे आपको हाँ ये सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगे आपको अल्कोहल पीने से कैसे खराब हो जाता है फैटी लीवर क्या होता है सब पढ़ाएंगे आगे चलिए तो आज के लिए इतना बहुत है अब मेरा क्लास सीधा सोमवार को होगा कल शनिवार है कल नवरात्रे है और मैं फर्स्ट और लास्ट नवरात्रे करती हूं इसलिए कल मेरी पूजा भी है नवरात्रों की तो कल मैं थोड़ा ऑफ पे रहूंगी कल वैसे भी शनिवार है तो अब मैं आपको सीधा मंडे को मिलूंगी ठीक है हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ओके चलिए फिर जल्दी चल से लाइव आइए आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से लाइव आ गए हैं तीन दिन बाद आपके बैच में क्लास हो रही है उसका रीजन मैंने आपको पहले ही थोड़ा क्लियर किया था कि एक्चुअली थोड़ा सा मेरी अभी खराब है डॉक्टर ने मुझे थोड़ा मैंने आपको बताया था ना कि पाँव के जो टीचर्स जो होते हैं ना एक्चुअली दिन में आठ दस घंटे आठ दस घंटे पढ़, पढ़ाते रहते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान हो नहीं पाता है और वो घुटनों के नीचे पाव में जो लोअर लेग होता है हमारा उसमें बहुत ज्यादा जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि होता क्या है ना अपन मुझे मालूम सब है, लेकिन वही है ना, हो नहीं पाता है। सारा खून तो कलेक्ट हो जाता है पाओ के नसों के बीच में और जो वो नसों से वापिस आने में सर्कुलेशन स्लो हो जाता है जिसकी वजह से वो जो नस होती है वो हैवी होके फूल जाती है तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ मेरे मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके की बीमारी थी तो अब थोड़ा सा ठीक है डॉक्टर ने थोड़ा ब्लड थिनर वगैरह दिए हैं उससे भी ठीक है तो अब अपना क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलने वाला है राइट चलो अब ठीक है कुछ नहीं वो थोड़े ब्लड थिनर लगते हैं ब्लड थिनर होते हैं वहां पे खून जाके वो जम जाता है ना नसों के अंदर तो नस नस भी क्या होती है हैवी हो जाती है तो उससे क्या होता है या तो क्लोटिंग का चांसेस बढ़ जाता है या नस फटने का चांसेस बढ़ जाता है इसलिए मैंने कुछ ब्लड थिनर लगाए हैं तो खून पतला होकर वापिस सर्कुलेट इस तरीके से थोड़ा रेस्ट भी किया मैंने तीन चार दिन का तो अब वो खून का सर्कुलेशन वापिस ठीक हो रहा है तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं ठीक हूँ एकदम थोड़ा बहुत थो साथ साथ चलता रहेगा मैंने क्लासेस की थोड़ा नंबर कम कर दिया है एक दिन में डॉक्टर ने कहा है बस मैक्सिमम आप दो तीन घंटे पढ़ाओ अभी कुछ दिन के लिए तो बस मैंने वही किया है और बाकी मैं आप केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूं कल परसों से एक दो दिन के बाद आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाली हूँ राइट चलो

इस फूड पाइप में आता है फूड पाइप उस सारे खाने को स्टमक में ट्रांसफर करती है पेट पेट के अंदर कम से कम एक से दो घंटे खाना ऐसा ही पड़ा रहता है और उसके बाद क्या होता है बच्चा उसके बाद स्टमक में ग्लैंड होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जिन्हें हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है और गैस्ट्रिक जूस में मेनली जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और प्रोटीन का डाइजेशन करके छोड़ देते हैं देन सारा खाना कहां आता है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में और के तीन हिस्से होते हैं ड्यूडेनम जेजुनम इलियम ड्यूडेनम जेजुनम इलियम अगर आपको प्रीवियस क्लास याद है तो हमने इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया था और मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ ज्यादा होती है जबकि इसका डायमीटर कम है इसलिए हम इसे स्मॉल बोलते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं देन हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं ड्योडेनम जेजुनम, इलियम तो जैसे ही यहां पे आपका पेट तो पेट से सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया स्मॉल इंटेस्टाइन के किस वाले पार्ट में आता है डी वाले पार्ट में और डी वाले पार्ट से दो ग्रंथियां कनेक्टेड होती हैं पहला हो गया लीवर जिसके बारे में हमने पढ़ा था और दूसरा हमें आज पढ़ना है पेड़ के पत्ते के जैसा ऐसा ऑर्गन जिसे हम पैनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय कहते हैं राइट है ना बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूं मैम और अमाशे सेम है क्या राजू बेटा अग्नाश्य होता है पेंक्रियास का हिंदी अमाशे होता है पेट का हिंदी स्टमक का हिंदी आप लोगों को थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुकी थी लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मिसमैच सा हो रहा है ठीक है अग्नाश्य होता है पेनक्रियाज अमाशे होता है पेट पेट राइट तो ये सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया स्मॉल इंटेस्टाइन से दो ग्रंथियां ग्रंथिया कनेक्टेड है लीवर और लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा रिवाइज करवा देती हूं कि जो लीवर होता है वो 24 घंटे हमारे बॉडी में एक जूस बनाता रहता है कौन सा जूस बाइले जूस जिसे हम रस कहते हैं और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल जूस के अंदर क्या होते हैं सोल्ट होते हैं बाइल सोल्ट होते हैं बाइल लवण होते हैं और ये सोल्ट क्या करते हैं ये सोल्ट जो भी आप फैट खाते हो जो भी आप फैट खाते हो उस फैट का डाइजेशन करता है बोले तो फैट का इमल्सीफिकेशन कर देता है फैट का पाइसीकरण कर देता है इसका मतलब मैम लीवर से जो बाइल जूस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के वाले पार्ट में आके गिरता है उस खाने के अंदर जितने भी फैट हैं उसका डाइजेशन उसका पाचन कौन करता है बाइल जूस करता है किसकी हेल्प से सोल्ट की हेल्प से अब एक बात बताओ बच्चों ध्यान से सुनना हमने कितने टाइप के फूड खाए थे कितने टाइप के न्यूट्रेंट लिए थे कार्बोहाइड्रेट

या तो क्या खा रहे हो आप स्टार्च खा रहे हो स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन खा रहे हो या फैट खा रहे हो अब याद होगा आपको लास्ट क्लास में कि स्टार्च का कुछ डाइजेशन कहा हुआ था माउथ में प्रोटीन का कुछ डाइजेशन कहा हुआ था पेट में और फैट का कहा हो गया ड्यूडेनम में है ना फैट का कहा हो गया ड्यूडेनम में ड्यूडेनम किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है लेकिन अभी तक भी किसी का भी कंप्लीट डाइजेशन हुआ है नहीं हुआ ना अभी तक किसी कभी मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया यस yes, मैम नहीं हुआ और आप मेरी बात एक ध्यान से सुनना इन तीनों में हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं अगर मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट आप क्या खाते हो बच्चा ये अप्रोक्स तीन से साढ़े ग्राम पर डे हम क्या लेते हैं कार्ब्स लेते हैं हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एक दिन में तीन सौ से साढ़े तीन सौ मिनिमम बता रही हूँ चार सौ भी हो सकता है साढ़े चार सौ भी हो सकता है वो डिपेंड करता है आपके शरीर का वजन कितना है आपकी डेली का रूटीन क्या है है ना क्या कैसा खाना खा रहे हो और कैसा आप काम कर रहे हो क्योंकि जितना हार्ड काम करोगे उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी सीधी बात है तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं है ना और दूसरा उसके बाद ज्यादा क्या खाते हैं तो याद रखिएगा प्रोटीन उसके बाद ज्यादा क्या खाते हैं फैट खाते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई मैं ये कहना चाह रही हूं कि अभी तक भी किसी भी न्यूट्रिएंट का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है यस यही ये कहना चाह रही हूं अब कंप्लीट डाइजेशन कौन करवाएगा तो वो बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम से ही बी वाले पॉइंट पर कौन कनेक्ट होता है पेनक्रियाज कनेक्ट होता है जरा लिखो लीवर और पेनक्रियाज अगर आपसे पूछ लिया गया कि अग्नाशय और यकृत स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से से कनेक्टेड हैं तो लास्ट क्लास में अच्छे से बढ़ाया था कि ये मान लो ड्यूडेनम वाला पार्ट है और यहां से ये लीवर रहा और ये एक छोटा सा ऐसे पेड़ के पत्ते जैसा ऑर्गन पेनक्रियाज रहा तो इधर से लीवर ने अपना जूस डाला खाने में इधर से पेनक्रियाज अपना जूस डालेगा

that is attached that is attached to the duodenum to the duodenum duodenum part of si duodenum part of si कहने का मतलब है एक पेड़ के पत्ते जैसा अंग है जो कि ड्यूडिनम से जुड़ा हुआ है छोटी आंत के ड्यूडिनम भाग से छोटी आंत के ड्यूडिनम से जुड़ा हुआ है या छोटी आंत के अंतर्ग्रहणी पार्ट से जुड़ा हुआ है अंतर्ग्रहणी हिंदी में किसको बोलते हैं हम ड्यूडिनम को तो छोटी आंत अंत ग्रहणी से जो एक पेड़ के पत्ते जैसा कुछ इस तरीके का ऑर्गन कनेक्ट होता है उसे हम पेनक्रियाज बोलते हैं उसे हम अग्नाशय कहते हैं और ये जो पेनक्रियाज है इसकी हुई है बच्चा डिस्कवरी इसकी खोज किसने की तो आप बताओगे इसकी खोज की थी लैंगर हेन्स नाम के साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लैंगर हेन्स उन्होंने इस अग्नाशय की खोज की आप सोच रहे हो कि मैम ऑर्गन्स की भी खोज होती है बिल्कुल होती है अभी भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता इससे लास्ट प्राइज मिला था आपको याद हो तो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक छोटा सा ऑर्गन है उसकी खोज हुई थी और उसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ था आपको मालूम है अभी भी हमारे पेट हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनके बारे में कोई नहीं जानता कोई बड़ी बात नहीं है हाँ ऐसा होता है हाँ हमें जिसका फंक्शन मालूम है जिसको हम काम में लेते हैं दिन रात तो भैया उसके बारे में पता है जैसे आंखों का पता है जैसे नाक का पता है कान का पता है लेकिन इंटरनली क्या पता कहां पर कौन सा ऑर्गन हमें पता लगे ना पता, तो पता लगे तो ऐसे ही अग्नाशय की खोज हुई है जिन साइंटिस्ट ने अग्नाशय की खोज की है उनका नाम है लेंगर हेंस, और बच्चा बात क्या आती है जो पेनक्रियाज होता है इसे हम ग्लैंड कहते हैं ऑर्गन तो है ही इसे साथ में हम क्या कहते हैं ग्लैंड कहते हैं इसे ग्रंथी कहते हैं जैसे लीवर भी तो ऑर्गन है लीवर भी तो ऑर्गन है और लीवर को हमने ग्लैंड भी बोला इनफैक्ट हमने कहा था लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी यकृत मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है है ना ऐसे ही पैनक्रियाज भी ग्लैंड की तरह काम करता है ग्रंथि की तरह काम करता है क्यों करता है अभी आपको रीजन पता लगेगा जरा ध्यान से सुनना ये पैनक्रियाज है और इस पैनक्रियाज के अंदर चार टाइप की सेल्स होती है पैनक्रियाज एक organ है organ किससे बनता है सेल से बनता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल से कोई भी ऑर्गन है आंख है तो किससे बना है सेल से बना है नाक है तो किससे बना है सेल से बना है ठीक वैसे ही पेनक्रियाज के अंदर तीन चा, चार टाइप की सेल्स होती हैं मान लो एक दूसरा मैंने ऐसे बना दिया ऐसी होती नहीं है स्ट्रक्चर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रही हूं तीसरा मैंने ऐसे स्टार बना दिया चौथा मैंने ऐसे बना दिया आप लिखेंगे इन दी पेनक्रियाज फोर टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट अग्नाशय में चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अब ये चार टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं? पहली सेल है उसको बोलते हैं अल्फा सेल हिंदी में अल्फा कोशिका हो जाएगा दूसरी को लिखो बीटा सेल बीटा कोशिका तीसरा होता है डेल्टा सेल डेल्टा कोशिका चौथा होता है एफ सेल एफ कोशिका पेनक्रियाज में कुल चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जैसे हमने लीवर में पढ़ा पैटोसाइट एक ही टाइप की सेल थी है ना वहां पर हाँ लीवर में एक और होती है कफर सेल वो आगे पढ़ाएंगे आपको अभी काम की नहीं है ऐसे ही पेनक्रियाज में चार टाइप की सेल होती है अल्फा बिटा डेल्टा एफ सेल अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कौन सी होती है सिर्फ एक ही क्वेश्चन ये जो बीटा सेल है ना ये सबसे ज्यादा होती है ये क्या होती है सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम होती है बाकी मिनिमम आपसे नहीं पूछा जाता है आपको याद रखना सबसे ज्यादा बिटा सेल होती है नेक्स्ट बच्चा मैं अगला पॉइंट जो बताने वाली हूं ध्यान से सुनना खोज किसने की लेंगर हेंस ने तो लेंगर हेंस ने सोचा अरे भैया मैंने इतना बड़ा काम किया है इतनी बड़ी रिसर्च की है तो क्यों ना मैं इन सेल का नाम अपने नाम पर रख दू अपने नाम पे रख दू तो इन्होंने इन सेल का नाम क्या दिया लेंगर ने इन सेल को बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगर हेंस क्या बोला आइसलेट्स ऑफ लैंगर हिंदी में लिखोगे बच्चा लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं लैंगर की द्वीपिकाएं तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइसलेट ऑफ लैंगर हेंस किस ऑर्गन से संबंधित है तो आप क्या बताएंगे कि आइसलेट्स ऑफ लैंग्रहेंस हम जो पेनक्रियास के अंदर सेल्स होती हैं उनको कहते हैं उनको कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि पेनक्रियास की खोज किसने की लैंगर हेंस ने तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लेंगर हेन्स की द्वीपिकाएं किस ऑर्गन से संबंधित हैं या किस ऑर्गन में पाई जाती हैं ऐसा कुछ करके लैंग्वेज बना के एग्जामिनर क्वेश्चन डाल दे तो आपको क्या लिखना है आंसर एक ही होगा आप बताएंगे पेनक्रियाज पेनक्रियाज में जो सेल्स है इनको आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस या लैंगर हेन्स की द्वीपिकाएं कहते हैं राइट अब नेक्स्ट पॉइंट और बहुत ध्यान से सुनना है अगला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा बच्चा ये जो अल्फा सेल है ये क्या बनाती है ये एक हार्मोन बनाती है अभी नहीं पढ़ना सिर्फ ये याद रखना है बिटन सेल भी एक बहुत फेमस हार्मोन बनाती है जिसका नाम इंसुलिन होता है डेल्टा सेल भी एक हार्मोन बनाती है ये तीनों सेल्स हैं ये तीनों हार्मोन बना रही हैं और याद रखिएगा हार्मोन बनाने वाली सेल्स को या हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हिंदी में कहा जाता है अंत श्रावी ग्रंथी क्या कहा जाता है श्रावी मैं क्या कहना चाह रही हूं मैं बड़ा सिंपल सी एक बात बता रही हूं कि पेनक्रियास के अंदर जो एल्फा बेटा डेल्टा तीनों टाइप की सेल हैं ये तीनों हार्मोन बना रही हैं अभी हमें नहीं पढ़ना है जब मैं हार्मोन का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पढ़ाऊंगी कौन सा हार्मोन बनता है अभी नहीं और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड या अंत ग्रंथियां कहा जाता है तो क्या मैं ये कह दू कि पेनक्रियास का एल्फा बीटा डेल्टा वाला हिस्सा है वो एज ए एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है आप कह दो मैम बिल्कुल कह दो कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेंक्रियास की जो एफ सेल है ये 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 क्या क्या बनाती है? ये बनाती बनाती है 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 बच्चा जूस ये क्या बनाती है? रस बनाती है और कौन सा रस तो आप बताएंगे पेनक्रियटिक जूस पेनक्रियास से निकलता है तो भाई इसका नाम पेनक्रियटिक जूस रख दिया ये क्या बनाती है तो ये बनाती है एक जूस जिस जूस का नाम होता है जूस या हम हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय रस और बच्चा जो रस बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं या जूस बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उनको कहा जाता है ग्लैंड क्या कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड या हम उनको बोलते हैं बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी श्रावी ग्रंथि बहिश्रावी ग्रंथि तो क्या मैं ये कह दूं कि पेनक्रिया की ऊपर वाली तीन सेल है अल्फा बीटा डेल्टा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती है और जो एफ सेल है वो एक्सोक्राइन की तरह काम करती है आप कहोगे यस मैम अब ध्यान से सुनो पैनक्रियास एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम कर रहा है और ऐसा कोई ग्रंथि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करे उसी क्या कहा जाता है उसे मिक्स्ड ग्लैंड उसे क्या कहा जाता है उसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है ये एग्जाम का क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो एज ए मिक्स्ड ग्लैंड काम करती है मनुष्य के शरीर की ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो मिश्रित ग्रंथि की तरह काम करती है आपका आंसर होगा पेनक्रियास आपका आंसर क्या होगा पेनक्रियास आंख बंद करके आंसर कराइएगा एक बार लास्ट स्लिप बता देती हूँ ध्यान से सुनो पेनक्रियाज में चार टाइप की सेल अल्फा, बीटा डेल्टा इसको थोड़ा अलग कर दो एफ सेल ये तीनों नेचर में एक जैसी हैं क्योंकि ये तीनों क्या बनाती हैं हार्मोन तीनों से अलग अलग हार्मोन बनेगा एक नहीं तीनों से अलग वो अभी नहीं पढ़ना है आगे चैप्टर आएगा एंडोक्राइन सिस्टम तो पढ़ाएंगे आपको तो ये तीन क्या होगी एज एंडोक्राइन और चौथा बचा वो क्या बनाता है वो पेनक्रिया जूस बनाने एक्सो तो, तो, तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के शरीर की मिश्रित ग्रंथि का नाम बताओ तो आप क्या बताओगे दट इज अग्नाश से लीवर नहीं है लीवर नहीं है सनी कुमार लीवर के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवाया आपको ठीक है अब ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प कौन करता है या तो जूस या एंजाइम तो ये बताओ हमें यहां पर क्या पढ़नी है इन एफ सेल के बारे में तो कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोल सकता है कि की कौन सी ऐसी सेल है जो सेल डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट मानते हैं तो आप क्या बताओगे वो एफ सेल है क्यों क्योंकि एफ सेल क्या बना रही है पेनक्रियाटिक जूस बना रही है राइट right? तो पेनक्रियास की एफ सेल है वो आपके बॉडी में दिन रात एक जूस बना रही है जिस जूस का नाम है पेनक्रियटिक जूस क्या नाम है जूस तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय से रस कौन बनाता है तो आप क्या बताओगे पेनक्रियास बनाता है पेनक्रियास की कौन सी सेल बनाती है एफ सेल बनाती है कितना बनाती है अप्रोक्स एक लीटर पर डे एक लीटर प्रतिदिन एक लीटर पर डे आपके बॉडी में पेनक्रियाटिक जूस बनता है अब बनाया किसने इस तरीके से पेनक्रियाज है इसने बनाया अब यह बना के नली की सहायता से डक्ट की सहायता से नली की सहायता से पाइप की सहायता से कहां डाल देगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस हिस्से में ड्यूडेनम वाले हिस्से में तो ये पेनक्रिया की मान लो सेल थी इस सेल ने बहुत सारा पेनक्रियाटिक जूस बनाया और बना के कहाँ डाल दिया ड्यूडेनम में डाल दिया किसी को कोई दिक्कत है किसी को भी दिक्कत नहीं होगी जैसे लीवर ने बाइल जूस डाला वैसे ही पेनक्रियाज ने अपना पेनक्रियाटिक जूस डाल दिया अब बच्चा लीवर वाले बाइल जूस में एंजाइम नहीं था लेकिन पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें एंजाइम होते हैं इसमें क्या होते हैं इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो लिखिएगा एंजाइम्स आर प्रेजेंट हेयर या लिख दो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द इन द पेनक्रियाटिक जूस अगना रस में एंजाइम पाए जाते हैं और जो मेनली कितने तो तीन होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू आते हैं तो यहां से पेनक्रियाज ने अपना जूस ट्रांसफर किया कहा किया ड्यूडेनम में ड्यूडेनम में क्या है फूड है खाना है भाई खाना तो इंतजार कर रहा है कब पेनक्रियाज अपना जूस भेजे कब पेनक्रियाज अपना जूस भेजे और फाइनली जूस आ गया और जूस में क्या आ गए तीन एंजाइम पहले तो नाम लिखो कौन-कौन से एंजाइम पहला एंजाइम है जिसका नाम होता है अमायलेज़ एंजाइम क्या होगा अमायलेज़ बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है सलाइवरी अमायलेज़ सलाइवा में होता है सलाइवरी अमायलेज़ सलाइवा में होता है अकेला अमायलेज़ कहां है पैनक्रियाटिक जूस में दूसरा आप बताओगे दूसरा एंजाइम आता है इसके अंदर लाइपेस कौन सा लाइपेस और तीसरा कौन सा आता है तो तीसरा आप बताओगे ट्रिप्सिन तीन नंबर पे आता है वो आता है ट्रिप्सिन टी आर वाई पी एस आई एन ट्रिप्सिन तो अगर मैं बात करूं आपसे मान लो मैं ही आपका एग्जामिनर हूं मैं ही क्वेश्चन सेट कर देती हूं आपके कि अमाइलेज लाइपेस ट्रिप्सिन एंजाइम किस जूस के थ्रू हमारे खाने में मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होगा कौन सा जूस पेनक्रिएटिक जूस या मैं पूछूं आपसे ज लाइपेस ट्रिप्सिन कौन सा ऑर्गन बनाता है तो क्या बताओगे पेनक्रियास अग्ना से बनाता है तो जैसे ही पेनक्रेटिक जूस आया तो पेनक्रेटिक जूस अकेला नहीं क्या लाया तीन एंजाइम लाया कौन कौन से अमाइलेज लाइपेस ट्रिप्सिन तो ये एंजाइम कहां है खाने में है भाई एंजाइम का नेचर होता है तोड़ फोड़ करना ब्रेकडाउन करना किसका ब्रेकडाउन खाने का तो ये एंजाइम जैसे ही आके पड़ेंगे तो क्या करेगा ये खाने का डाइजेशन करेंगे एंजाइम से और क्या करवाओगे एंजाइम से तोड़फोड़ करवाओगे एंजाइम से डाइजेशन करवाओगे और आप कुछ नहीं करवा सकते हो एंजाइम से तो जैसे ही एंजाइम आए अब ये एंजाइम क्या करेंगे डाइजेशन करेगा ये अलग न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करेगा ये अलग ये अलग सबसे पहले तो बेसिक तौर पे बता देती करता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किसका डाइजेशन करता है बच्चा एक बार बोलो कार्बोहाइड्रेट का शर्करा का दूसरा लाइपेस एल फॉर लाइपेस एल फॉर लिपिड्स तो लाइपेस किसका करेगा लिपिड्स का किसका लिपिड्स का करेगा वसा का करेगा अब एक बच्चा बोल रहे मैम लिपिड्स क्या होती है बच्चा पांचवी बार बता रही हूं आपकी क्लास में लिपिड्स पढ़े लिखे लोग बोलते हैं हम आम भाषा में फैट बोल देते हैं बस फैट कॉमन नेम है लिपिड का नेक्स्ट ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन में पी आता है तो ये पी से प्रोटीन का डाइजेशन करता है तो ये तीन एंजाइम किसका डाइजेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन अब बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तक किसी को दिक्कत नहीं होगी अब कैसे करते हैं प्यारे बच्चों ये बताओ इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हुआ था मैं आपका आंसर का इंतजार करूंगी उसके बाद आगे चलूंगी मुझे ये बताओ मैम हिंदी में बोलिए हिंदी में तो बोल रही हूँ इसमें क्या है शर्करा वसा प्रोटीन ये हिंदी तो है संस्कृत में थोड़ी बोल रही हूं इससे पहले ये बताइएगा कि इससे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां हुआ था माउथ में क्या कंप्लीट हुआ था नो no, मैम कैसा हुआ था पार्शियल और बच्चे मेनली किसका हुआ था माउथ में माउथ में मेनली हुआ था स्टार्च का तो बच्चा जो भी बचा हुआ स्टार्च होगा ना उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है कौन सा एंजाइम तो लिख दो अमाइलेज अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है तो जो पेनक्रियास से आया कौन सा एंजाइम एमाइलेज उसने क्या किया स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया हां बच्चों बिल्कुल सही सुन रहे हैं स्टार को माल्टोज में हंड्रेड परसेंट तोड़ देता है हंड्रेड परसेंट तोड़ देता है कहने का मतलब अब भी अगर स्टार्च माल्टोज में नहीं टूटा तो भाई वो तो वेस्ट फूड बनेगा उसका डाइजेशन नहीं हो पाया ठीक है अब भी नहीं टूटा तो अब मैं आपको एक बात बता दूं माल्टोज भी आगे जाके टूटता है अब इस चीज को यहीं छोड़ दो इतना याद रखना स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया है अमायलेज ने लेकिन मैम ने एक लाइन और आगे जोड़ दी माल्टोज भी टूटता है किसमें टूटता है वो बात की बात है छोड़ दो अब आते हैं लिपिड्स तो लिपिड्स का डाइजेशन कौन करेगा लाइपेस लाइपेस क्या करता है जो लिपिड्स होती हैं जो फैट होती हैं जो वसा होती हैं उन वसा की बूंदों को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है किसमें फैटी एसिड्स और में तोड़ देता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरोल में तोड़ देता है वसीय अम्ल और में और बच्चा फैट का यहां पे हो जाता ग्लिसरोन हंड्रेड परसेंट डाइजेशन किसने किया लाइपेज ने किया बहुत क्वेश्चन पूछूंगी ध्यान से सुनना सारे क्वेश्चन के आंसर सही दोगे आप तीसरा आया आपका कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम तीसरा कौन सा बच्चा ट्रिप्सिन अब ट्रिप्सिन क्या करेगा जो भी प्रोटीन आई थी कहां से आई थी पेट से अनडाइजस्टेड उस सारे प्रोटीन को किसमें पेप्टोन्स पहले तोड़ेगा पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में और बाद में तोड़ देता है उसी पेप्टोड और पे, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में किसमें तोड़ देता है अमीनो एसिड में तोड़ देता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिखेगा अमीनो अम्ल में तो जो भी पहले अनडेस्टेड प्रोटीन आया था उसको पेप्टोन और पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम बाद में उसे किसमें अमीनो एसिड में हो गया तीनों ने अब एक बार फाइनली सुनो क्या सुनोगे अगर क्वेश्चन आ गया अमाइलेज ने किसका डाइजेशन करा स्टार्च का किस में माल्टोज में और अमाइलेज किस जूस में होता है जूस में amylase कौन बनाता है पैंकरियाज. अगला को फैटी एसिड और में कन्वर्ट कौन करता है लाइपीज एंजाइम लाइपीज कहा होता है अग्नाशय रस में प्रोटीन को पेप्टोन पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कहां होता है अग्नाशय में हो गई बात खत्म अब जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने एक लाइन बोली थी किस किस बच्चे ने ये लाइन सुनी थी मैंने कहा था जब प्रोटीन अमीनो एसिड में आ जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन पूरा हो चुका है सुनी थी या नहीं सुनी थी और मैंने दूसरी लाइन बोली थी कि जब लिपिड या फैट फैटी एसिड और ग्लिसरोल में आ जाए तो समझना डाइजेशन हो चुका है ये बात किस, -किस ने सुनी थी तीसरा मैं आपने कहा था जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाए या स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाए तो समझ लेना डाइजेशन हो चुका है ये बताओ क्या स्टार्च ग्लूकोज ने बदला है नहीं बदला क्या स्टार्च ग्लूकोज ने बदला है नहीं बदला मैम स्टार्च तो माल्टोज बदला है मैम तो से बदला है अभी माल्टो से क्या बनना बाकी है ग्लूकोज बनना बाकी है और यहीं से पीसीएस के एग्जाम में और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन उठता है यहीं से पीसीएस और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन उठता है इन दोनों में तो किसी को भी कोई पंगा नहीं है याद कर लोगे कि भाई लिपिड का हो चुका है प्रोटीन का हो चुका है तो अगर मैं ये बोलू कि हम लिपिड खाते हैं लेकिन हमारे बॉडी में लिपिड्स किस में जाके बदल जाती हैं फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रोल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मैम मैं अगर यह कहूं कि हम प्रोटीन खाते हैं लेकिन हमारे बॉडी में प्रोटीन किसकी फॉर्म में जाके बदल जाते हैं अमीनो एसिड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना गौरव कुमार कह रहे हैं मिस तो आपने बोला कि स्टार्च का कंप्लीट हां भैया स्टार्च का तो कंप्लीट डाइजेशन हो गया लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि माल्टोस का कंप्लीट हो गया ना 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 गौरव यही तो आपको सुनना है अभी यही तो समझना है इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी तक कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कुछ रोला है बिल्कुल है वही हम आज पढ़ेंगे ठीक है समझ गए आप मैम आपने तो कहा कि 100 पाचन हो गया अरे राजू जी 100 परसेंट का माल्टोज में हुआ है माल्टोज का ग्लूकोज में नहीं हुआ तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते फिर एग्जाम में ये गलती करके आते हो मैंने ये कहा है कि ये 100 टूट गया ये 100 टूट गया ये केमिकल रिएक्शन भी 100 हो गई लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि माल्टोज आगे चलकर और टूटेगा क्या माल्टोज को भी तोड़ना है अभी माल्टोज को भी तोड़ना है अभी ठीक है अब ये कैसे होगा माल्टोज वाला तो चलो आगे अब पहले ये सुनो ध्यान से सुनना मेरी बातों को एक-एक ये स्मॉल था इस तरीके से था यहां पे लीवर, था। लीवर ने बाइल जूस भेजा यहां पे पेनक्रियास लगा हुआ था पैनक्रियाटिक जूस भेज दिया अभी भी खाना कहां पड़ा है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है खाना ऐसे इस पाइप के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़ा है यहां पर यहीं पर खाना पड़ा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें खाना पड़ा है लीवर ने भेज दिया पेनक्रियाज ने भेज दिया लीवर के बाइल जूस ने अपना काम कर लिया के बाइल जूस ने अपना काम कर लिया लेकिन मैम ये जो कुछ कार्बोहाइड्रेट है इनका डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है इनका डाइजेशन कैसे कंप्लीट होगा ये जो शर्कराए हैं इनका पाचन मतलब स्टार्च माल्टोज में बदल गया लेकिन माल्टोज आगे ग्लूकोज में कैसे बदलेगा वो बताओ मैम वही मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जैसे ही लीवर और पेनक्रिया से आने वाले रस अपना काम कर देते हैं उसके कुछ समय पश्चात कुछ समय के बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जब आप एनाटॉमी करेंगे इसका अंदर से कट करके आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको ऐसी सी structure दिखेंगी ऐसी सी. ये देखो एक क्रिप्ट बन रहा दूसरा क्रिप्ट बन रहा इसके बीच में जो धसा हुआ पार्ट है ना इस धसे हुए पार्ट को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबरकोन क्या बोलते हैं इसे इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ ध्यान से सुनना थोड़ा सा नाम अजीब सा है क्रिप्ट ऑफ साइंटिस्ट का नाम लेबर कौन क्या है साइंटिस्ट का नाम है क्या बोला मैंने हिंदी में बोलेंगे लीबरकोन की ग्रंथियां क्या बोलेंगे लीबरकोन की ग्रंथियां छोटी आंत में ही ऐसे दो क्रिप्ट बनते हैं दो क्रिप्ट का मतलब एक ऐसे सीधा स्ट्रक्चर एक ऐसा सीधा उनके बीच में ऐसा धसा हुआ पार्ट ये वाला धसा हुआ पार्ट इसे कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबरकोन लीबर कोन अगेन साइंटिस्ट है जे लीबर थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था और बच्चा ये जो क्रिप्ट ऑफ कोन है यह भी एक जूस बनाता है और कौन सा जूस इंटस्टाइनल जूस कौन सा जूस इंटेस्टाइनल जूस हिंदी में बोलते हैं आंतीय रस अगर कभी आपने एक चीज सुनी होगी ना तो मैं आपको बताती हूँ कभी ना कभी आपने ना करे, ऐसा कभी हो किसी के साथ लेकिन ऐसा होता है एक बार ध्यान से सुनिएगा बच्चा फिर से एक बार सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूं कि जो छोटी आंत होती है उसी छोटी आंत में जैसे ही लीवर और पेनक्रियाज ने अपना काम कर दिया लीवर ने क्या करा भैया अपना जूस डाल दिया पेनक्रियाज ने अपना डाल दिया दोनों के जूस में जो काम होना था वो हो लिया अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो दो, दो क्रिप्ट बनते हैं ऐसे नहीं दिखेगा ऐसे तो आपको इस तरीके से पाइप दिखेगा लेकिन जब आप इसको कट करके इंटरनली स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाला निकाल के पढ़ोगे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी इसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लेबर कोन और इस लेबर कोन से एक इंटेस्टाइनल जूस बनता रहता है आंतीय रस बनता है एग्जाम का क्वेश्चन इंटेस्टाइनल जूस कौन सी आंत बनाती है तो ये लिखेगा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की बात नहीं की है अभी हाँ, अभी हमने लार्ज इंटेस्टाइन की बात नहीं की है तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद अपना एक लिक्विड एक जूस निकालती है जिस जूस को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं और प्यारे बच्चों इस इंटेस्टाइनल जूस में तीन एंजाइम होते हैं तीन एंजाइम कौन कौन से एंजाइम पहला एंजाइम है माल्टेज कौन सा माल्टेज मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस शब्द के एंड में एज लगा हुआ वो एंजाइम होता है दूसरा लैक्टेज, दूसरा कौन सा और तीसरा होता है सुक्रेज, तीसरा कौन सा होता है सुक्रेज तो ये तीनों एंजाइम अगर कभी आपसे पूछ लिया हमारे बॉडी में बनते हैं आप कहोगे बिल्कुल बनते हैं कहां बनते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं छोटी आंत में और कौन से जूस में होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में कौन बनाता है क्रिप्ट ऑफ कौन इस क्रिप्ट ऑफ लेबर लेबरकोन से इस तरीके से झरना होता है ना झरने ज़र, से पानी गिरता है ठीक वैसे ही इससे नीचे की तरफ एक जूस निकलता रहता है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं और इंटेस्टाइनल जूस में तीन एंजाइम होते हैं माल्टेज लैक्टेज सुक्रेज जिस एंजाइम के आख, जिस नाम के आखिर में आपको एज लिखा हुआ मिल जाए वो हमेशा एंजाइम होता है तो माल्टिज लैक्टेज सुक्रेज अब क्या होगा एंजाइम एंजाइम कहां मिक्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के खाने में भाई एंजाइम कहां मिलेगा खाने में मिलेगा और खाने में क्या है चलो फिर अब देखते हैं ये एंजाइम करते हैं कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन ये ये क्या करते हैं कंप्लीट डाइजेशन कैसे देखो बच्चा पहला एंजाइम है माल्टेज जो पीछे से माल्टोज आया मैंने कहा ना स्टार्च को माल्टोज में किसने बदला हंड्रेड परसेंट अब जो माल्टोज आया है पीछे से इस माल्टोज के ऊपर अटैक करेगा कौन सा एंजाइम माल्टेज माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है माल्टेज एक एंजाइम है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है ये माल्टोज है और ये माल्टेज है माल्टेज एंजाइम है अब ये एंजाइम क्या करेगा इस माल्टोज को किसमें तोड़ देगा आप बताओगे बच्चा ये तोड़ देता है एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में एक ग्लूकोज एक, एक, एक फ्रक्टोज में किसने तोड़ा माल्टेज माल ने तो देखो माल्टोज ग्लूकोज में बदल गया कि नहीं बदल गया बिल्कुल बदल गया देखो बच्चा या तो मैं यूं कहूं ध्यान से सुनना या तो मैं यू कहूं कि एक माल्टोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है या मैं यूं कहूं एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से एक माल्टोज बनता है बात सेम है तो माल्टोज को तोड़ता है माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में दूसरा बच्चा आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कुछ कार्बोहाइड्रेट आप सुक्रोज के फॉर्म में भी खाते हैं सुक्रोज कुछ सुक्रोज मैंने कहा ना मेनली हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं मेनली शब्द का मतलब क्या होता है अधिकांश तो थोड़ा बहुत कुछ और भी तो होगा ना तो स्टार्च पहले किसमें बदला माल्टोज में माल्टोज आगे किसमें बदल गया ग्लूकोज और इसमें तो मेनली के बाद छोटा मोटा बच्चा वो क्या वो बच्चा सुक्रोज हम सुक्रोज की फॉर्म में भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट और इस सुक्रोज के ऊपर अटैक करता है कौन सा एंजाइम सुक्रेज और वो सुक्रेज एंजाइम क्या करता है इस सुक्रोज को तोड़ देता है किसके अंदर आप बताओगे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में ओ सुक्रोज है ना ओ सॉरी थोड़ा सा सही करना इसे ये इस सुक्रोज टूटेगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में सुक्रोज किसमें टूटेगा एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में और ऊपर वाला टूटेगा बच्चा दो ग्लूकोज में इसको ठीक करना प्लीज माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज में तोड़ेगा दो ग्लूकोज में टूट गया माल्टोज सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज में टूट गया अब तीसरा तीसरा खाते हैं हम लैक्टोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में लैक्टोज और ये मेनली होती है दूध में ये किस में होती है दूध में मिल्क में इसे मिल्क वाली शर्करा कहते हैं और इस लैक्टोज के ऊपर अटैक करता, करता है एक ग्लूकोज और एक गलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है एक ग्लूकोज और एक गलेक्टेज में अब देखो भैया अब हो गया आपका कंप्लीट डाइजेशन किसका किसका कार्बोहाइड्रेट का अब जाकर कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट तरीके से डाइजेशन हो चुका है तो प्यारे बच्चों मैं एक बार फाइनली आपको समझाती हूं कि मैं क्या कहना चाह रही थी देखो एक कहानी के तौर पर पढ़िएगा हमने कार्बोहाइड्रेट खाई है मेनली स्टार्च के फॉर्म में बाकी किसकी फॉर्म में खाते हैं मेनली जब स्टार्च की फॉर्म में खाई तो बाकी सुक्रोज और लैक्टोज की फॉर्म में खाते है। तो हैं ठीक है अब स्टार्च तो माल्टोज में बदल गया पहले दो एंजाइम ने बदला सलाइवर ने अब जो माल्टोज बदला है उस माल्टोज से को माल्टोज के ऊपर अटैक करता है कौन माल्टीज एंजाइम और वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जब आपका स्टार्च ग्लूकोज में आ जाए तो समझ लेना डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद मैं अगर कहूं कि सुक्रोज जो है उसको उसको कौन कन्वर्ट करता है सुक्रेज और किस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज़ में लैक्टोज़ को ग्लूकोज और गैलेक्टोज हिंदी में लिख दू गैलेक्टोज अब आ गए बच्चों के दो तीन डाउट जो कि वाजिब हैं डाउट आने चाहिए एक का आया गौरव कुमार का मैम दूध का तो डाइजेशन पेट में हो चुका था अभी दूध में जो प्रोटीन थी उसका डाइजेशन हो चुका था यह प्रोटीन नहीं है यह दूध वाली सुगर है लैक्टोज को कहा जाता है मिल्क सुगर। इसे कहा जाता है दूध वाली शर्करा गौरव, गौरव पॉइंट प्रोटीन था दूध में जरूरी थोड़ी दूध में सिर्फ प्रोटीन हो दूध में सब कुछ है विटामिन सी को छोड़ के सब कुछ है दूध के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब कुछ है विटामिन सी को छोड़ के राइट तो भाई दूध का जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो पेट में पचा लेकिन दूध का कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट यहां पचा अब बताओ आप कि अब किसी को डाउट है इसका मतलब मैम हमने खाए तो ये थे कार्बोहाइड्रेट है ना और डाइजेशन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए इनमें हमें एनर्जी किससे मिलेगी ग्लूकोस से फ्रक्टोज से गैलेक्टोज से ग्लूकोस से ग्लूकोस से ग्लूकोस से अब बताओ सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है यहां पे इनमें कॉमन क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दिख रहा है ग्लूकोज तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है ग्लूकोज होता है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है ग्लूकोज होता है यही तो मैंने पढ़ाया कि सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आज की क्लास में पढ़ाया मैंने कि सबसे ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और इसलिए जो ज्यादा खाओगे तो वो पचने के बाद ज्यादा भी क्या रहेगा वही रहेगा तो ज्यादा क्या खाया कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा क्या है ग्लूकोज तो क्या है ग्लूकोज बात क्लियर है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए कहा जाता है ग्लूकोज को हमारे बॉडी का एनर्जी मॉलिक्यूल भैया मेरे पास एनर्जी है तो मैं इस पोडियम को खींच के यहां रख दूंगी अब मेरे पास एनर्जी है तो क्या होना चाहिए मेरे पास तो मेरे पास एनर्जी है इसका मतलब क्या है मैं खाना खा रही हूं खाने में क्या खाया मैंने सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस मेरे बॉडी में ग्लूकोज में इसका मतलब मेरे पास क्या है ग्लूकोज है ग्लूकोज का ये रहा फॉर्मूला अब ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड पानी और साथ में एनर्जी और इसी एनर्जी से तो मैं काम कर रही हूं दिन रात तो भाई आप खाना छोड़ दो खाना मन ही खाओगे जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं बहुत सारे लोग फास्ट कर रहे हैं उनके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है कुछ कुछ को चक्कर आ जाते हैं बेहोश हो जाते हैं कुछ कुछ है ना कुछ काम नहीं कर पाते पानी की बाल्टी नहीं उठा पाते क्यों नहीं उठा पाते क्योंकि भैया वो खा ही नहीं रहे खाना पीने नहीं खा रहे तो उनके बॉडी में ग्लूकोज नहीं आ रहा है और ग्लूकोज नहीं आ रहा है तो एनर्जी नहीं बन रही है तो बेचारे को किसी को डिहाइड्रेशन किसी के अंदर एनर्जी की कमी कुछ कुछ तो बेहोश होने लग जाते हैं फिर ये पता नहीं काय को करते हैं तो यही मैं आपको कहना चाह रही हूं राइट right? तो बच्चा ये ग्लूकोज है अब ये ग्लूकोज कहां बना है सब लोग आंसर करो ये सब कुछ कहां हो रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं किसी को समझ में आ रहा है अरे हम पढ़ क्या रहे हैं किसी के पल्ले में पढ़ रहे हैं कहां पढ़ रहे हैं चलो ये बताओ अरे ये सब पढ़ रहे हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पढ़ रहे हैं छोटी आंत में अब ये बताओ तुम लोग छोटी आंत में आ गया बहुत सारा अमीनो एसिड आ गया बहुत सारा ग्लूकोज आ गया बहुत सारा फ्रक्टोज आ गया अब छोटी से ये सारे के सारे मॉलिक्यूल ट्रांसफर तो करवाने पड़ेंगे ना भाई मेरे ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए मेरे लीवर को भी चाहिए मेरे फेफड़े को भी चाहिए मेरे किडनी को भी चाहिए और एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लेके कौन बैठा है स्मॉल इंटेस्टाइन तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी अभी तो डाइजेशन हुआ है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो डाइजेस्टेड फूड है ये देखो डाइजेशन हो गया है अब डाइजेशन के बाद क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहेगी कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसका एब्सॉर्पन हो जाए इसका क्या हो जाए अवशोषण हो जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या होती है आपको मैं नोट डाउन करवा देती हूं इसको अच्छे से समझना देखा देखना बच्चा ये छोटी आंत है छोटी आंत का ये डी वाला पार्ट था ये जे वाला पार्ट था ये इलियम आई वाला पार्ट था, था कि नहीं था, था? अब बताओ में क्या हो गया डाइजेशन कंप्लीट छोटी आंत का जो वाला पार्ट होता है जो डी वाला पार्ट होता है डाइजेशन इज कंप्लीटेड यहां पर फूड का डाइजेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया भोजन का पाचन पूरे तरीके से हो चुका है भोजन का पाचन पूरा हो चुका है मतलब खत्म हो चुका है कंप्लीट हो चुका है अब बच्चा जिसका नहीं हुआ जिसका नहीं हुआ वही आगे चलकर बनता है वेस्ट फूड वही बनता है अपशिष्ट पदार्थ जिसको आप एनस के थ्रू हमारे बॉडी से रिमूव कर देते हो डाइजेशन हो गया तो इधर नहीं हुआ तो इधर अब ये जो हो गया है इसका अब्जॉर्बन होगा जो नहीं हुआ है वो आगे जाएगा कहां लार्ज इंटेस्टाइन में वो कहां जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि इस ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है भोजन का पाचन जितना होना चाहिए था उतना हो गया इससे आगे नहीं होगा अब इससे आगे नहीं होगा क्योंकि इससे आगे एंजाइम ही नहीं बनते डाइजेशन करवाना है तो क्या देने पड़ेंगे एंजाइम अब इससे आगे एंजाइम होते ही नहीं है तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया कहां पे इस डी वाले पार्ट में अब डी वाले पार्ट ने इस डाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ भेज दिया आगे कहां इस पाइप में जेजुनम से आया जेजुनम का कोई काम नहीं होता है जेजुनम एक पाइप है जिससे इस तरीके से पेरिस्टालसिस होता हुआ होता हुआ सारा का सारा फूड कहाँ आ गया इलियम में इस पाइप में इस जेजुनम वाले पार्ट का कोई काम नहीं है ये क्या करता है पीछे से जो डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसे कहां भेजना इलियम में भेजना तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन के उस हिस्से का नाम बताओ जो सिर्फ ड्यूडेनम वाले भोजन को इलियम में भेजने का काम करता है कहा आ, आ, आ जाएगा इलियम वाले पार्ट में और ये जो इलियम वाला पार्ट है ना ये बहुत जरूरी है बच्चा इसमें क्या होता है इसमें होता है फूड का अब जो क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट एब्जॉर्न ऑफ न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट का मतलब है जो डाइजेशन के बाद बदले हैं जो कन्वर्ट हुए का अवशोषण पोषक तत्वों का अवशोषण होता है एब्जॉर्प्शन होता है और यही एग्जाम का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको तीन स्टार कर लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में फूड का या न्यूट्रिय होता है में, अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है छोड़ दो किस में? बदल जाएगा वो वेस्ट फूड में वो अपशिष्ट पदार्थ में बदल जाएगा जितना हो गया उसका एब्जॉर्प्शन करवाना पड़ेगा अब आप कहोगे मैम एब्जॉर्प्शन क्यों करवाना पड़ेगा अरे उल्लुओं एनर्जी तो आपके ब्रेन को चाहिए आपके लीवर को चाहिए और एनर्जी वाले मॉलिक्यूल कहां पड़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अब इसका ऑब्जॉर्ब्शन करवा के इसे हर एक ऑर्गन तक भेजना तो पड़ेगा ना एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को ग्लूकोज तो ब्रेन को भी चाहिए लीवर को चाहिए किडनी को चाहिए सबको ग्लूकोज चाहिए आंख को भी ग्लूकोज चाहिए बिना एनर्जी के कोई काम नहीं करता है फिजिक्स में पढ़ा है आपने बिना किसी ऊर्जा के कोई कार्य नहीं हो सकता बिना किसी एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता अगर मैं यहां से यहां जा रही हूं तो भी मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रही हूं तो अब क्या होगा इन न्यूट्रिएंट का करवाना पड़ेगा, आपको इनका करवाना पड़ेगा. और अवशोषण में? में. नहीं बोला है मैंने वोटर का नहीं बोला है वोटर ऑब्जॉर्प्शन बाद में होगा लार्ज इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट का बोला है कहां होता है इलियम में अब इलियम में क्यों हुआ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है क्यों क्योंकि बच्चा इस इलियम में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती हैं। के इसी इलियम में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं ऐसी ऐसी उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं इन्हें बोलते हैं विलाय इन्हें क्या बोलते हैं विलाय इंग्लिश में विलाय हिंदी में विली कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं हम विली कहते हैं छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको विली कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक फोल्डिंग होती है जिन्हें विलाय कहते हैं और इस विलाय के पास क्या होता है सरफेस एरिया होता है बच्चों एक बात बताओ या तो मैं एक ऐसे लाइन बनाऊं और एक ऐसे बनाऊं बताओ सरफेस एरिया ज्यादा किसके पास है इसके पास है सरफेस एरिया क्योंकि इसके इस हिस्से में भी देखो जगह है यहां पर भी 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 जगह यहां यहां और यहां पर क्या होगा न्यूट्रेंट का अब्जॉर्बन होता है इसी हिस्से में इसी हिस्से में इसी हिस्से में और इस हिस्से को क्या कहते हैं विलाय या विली और विली के पास क्या होता है सरफेस एरिया होता है फॉर द ऑफ न्यूट्रेंट्स तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ रोम अगर किसी बच्चे को हिंदी में लिखना है तो दीर्घ रोम भी लिखा हुआ आता है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा रोम का मतलब होता है ऐसे उंगली नुमा संरचनाएं उभरी हुई संरचनाएं लेकिन हिंदी में विली ही एग्जाम में आता है तो छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में कुछ उंगली नवा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली या दीर्घ रोम कहते हैं जिनके पास परफेक्ट सरफेस एरिया है किसके लिए फॉर द एब्सॉर्बन ऑफ न्यूट्रेंट पोषक तत्वों के पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जगह है और यहाँ पर हो गया अब्जोर्प्शन यहाँ पे क्या हो गया बच्चा हो गया अवशोषण हो गया किस किस का ग्लूकोज का अमीनो एसिड का फ्रक्टोज का जो बदले हैं उनको ही तो किसका जो अवशोषण करवाओगे डाइजेस्टेड फूड का अनडाइजेस्टेड का नहीं डाइजेस्टेड का और डाइजेस्टेड का मतलब क्या हो गया अमीनो एसिड फैटी एसिड्स साथ में सुक्रोस सुक्रोज नहीं ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये सब यहां पर इन सब का अवशोषण हो गया अब क्या होगा बच्चा इसी विलायक के अंदर की तरफ इस तरीके से पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं क्या होती हैं पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं खून वाली नलियां होती हैं और जैसे ही ये जो न्यूट्रेंट है इनका एब्जॉर्प्शन हुआ खून वाली नली इस तरीके से इस न्यूट्रेंट का सक कर लेती है अंदर की तरफ खींच लेती है और ये सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर मिक्स होते हैं सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड खून के अंदर ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है खून के अंदर घुल जाता है और खून तो आप जानते हैं चौबीस घंटे सातों दिन यहां से लेकर नीचे टखने वाले पार्ट तक सारा दिन घूम रहा है खून और फिर यही ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी की प्रत्येक सेल और टीश्यू तक पहुंचाकर आता है हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका और उत्तकों तक पहुंचा के आता है और देन जो कोशिका और जो उत्तक होते हैं वो ग्लूकोज इनको तोड़ते हैं और उनसे क्या निकालते हैं एनर्जी निकालते हैं मैं एक बार फिर से बताना चाह रही हूं आपको ध्यान से सुनना इलियम से ऊपर जितना डाइजेशन होना था उतना हो गया पच गया डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्बन होगा कहां पर एलियम में और एलियम में जहां होता है उस स्ट्रक्चर को दीर्घ रोम या विली कहते हैं तो डाइजेस्टेड फूड का हो चुका है इस हिस्से में और इसी हिस्से में जहां पर भोजन का अवशोषण होता है वहां पर कुछ पतली पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनके अंदर रक्त होता है खून होता है और वो रक्त वाहिकाएं अपने खून के अंदर इन डाइजेस्टेड पार्टिकल्स को मिला लेती है और मिलाकर खून जहां जहां जाता है खून आपके लीवर के पास ब्रेन के पास किडनी के पास सब जगह जाता है तो सब जगह की सेल और टिश्यू के पास क्या छोड़ा आता है एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जिसमें सबसे ज्यादा क्या होता है ग्लूकोज और सेल्स और टिश्यू के पास क्या आ गया ग्लूकोज अब सेल्स और टिश्यू ग्लूकोज को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद उससे क्या निकालेंगे एनर्जी निकालेंगे एनर्जी तो इस तरीके से आप जो खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज में बदल के और वो हमारे बॉडी के हर एक सेल और टिश्यू के पास पहुंचता है हर एक सेल और टिश्यू के पास किसके थ्रू पहुंचता है ब्लड खून के थ्रू पहुंचता है किसके थ्रू खून के थ्रू पहुंचता है राइट right? अब जो डाइजेस्टेड था उसका अब जो हो गया अनडाइजेस्टेड कहां जाएगा तो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन हम कल पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन हम कल पढ़ेंगे सुनील कुमार कह रहे हैं मैम ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है ट्रिप्सिन में क्या आता है पी पी से प्रोटीन का डाइजेशन करता है अब मुझे कोई भी बच्चा अपना डाउट पूछ सकता है प्रीति कुमारी कह रही है प्लीज मैम प्लीज क्यों कह रहे हैं आप बताइए प्लीज किस बात के लिए कह रहे हैं अब जिसका अब जो ऑप्शन हो गया वो हमारे बॉडी की हर एक किनारे तक चला गया जिसका नहीं हुआ वो आगे चलकर किसे बदल जाएगा वेस्ट फूड में अपशिष्ट पदार्थ में और अपशिष्ट पदार्थ अब कहां जाएगा आगे आगे जाएगा बच्चा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रीति बस एक दो दिन में स्टार्ट करने वाली हूँ केमिस्ट्री कहा जाएगा बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा जो हम कल पढ़ेंगे कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन कुछ बीमारियां हैं वो पढ़ा दूंगी और कुछ आपके डाउट होंगे तो वो ले लूंगी है ना ठीक है ये अनुराग बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होता है बिल्कुल होता है सानू जी बिल्कुल होता है माल्टोज को इंग्लिश में माल्टोज ही कहते हैं हाँ डाउट होंगे कोई भी डाउट नोट डाउन कर लो कल अपना बस मुश्किल से तीस पैंतीस मिनट की क्लास है फिर कुछ बीमारियां बताऊंगी जैसे कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है डायरिया कैसे होता है उल्टी कैसे आती है और ये सब बता दूंगी उसके बाद आपका डाउट लूंगी अच्छा सुरवी का आज बर्थडे हैप्पी बर्थडे सुरवी बर्थडे खुश रहो बेटा खुश रहो बहुत चलो फिर आज के लिए जैजुनम को हिंदी में जैजुनम ही कहेंगे सिर्फ जुडेनम को हिंदी में आंत्र ग्रहणी कहते हैं ओके okay. मैम गैस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब गैस्ट्रोलॉजी पूरे के पूरे गैस्ट्रिक पाइप इस पाइप के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन पेट में जब गैस होती है आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं क्या बोलते हैं गेस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक आपको कभी भी किसी हिस्से में गड़बड़ हुआ पेट में गैस बना डाइजेशन में गड़बड़ हो गई आंतों में इंफेक्शन हो गया जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उन्हें गैस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं राइट ओके अरजीत बच्चा सुजीत कुमार आप प्रीवियस क्लासेस देखिए बेटा चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है किसी के भी कोई डाउट होंगे आज बहुत डाउट आ रहे हैं राजू ये कल समझ में आएगा बेटा ये कल समझ में आएगा तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कल हम आपके डाउट भी ले लेंगे और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा परसों से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक तो आपका टाइमिंग चेंज हुआ उसके पीछे का रीजन ये है बच्चा कि आज जो हमारे यहाँ का इंटरनेट है ना जो मेरे स्टूडियो का इंटरनेट है उसका जो लाइन होता है ना फाइबर लाइन वो बच्चा चेंज हो रहा था सुबह एक्चुअली इंटरनेट का स्पीड बहुत स्लो आ रहा था तो मैंने कम्प्लेन डाला था एक और कम्प्लेन डाला था तो उन्होंने कहा था कि ये वायर में कुछ प्रॉब्लम है तो हम इसको फाइबर वाला लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए आज आपका बैच का टाइमिंग आपका दो बजे से मैंने सोचा क्लास मुझे ऑफ तो नहीं रखनी है क्योंकि इवनिंग में ले लूंगी लेकिन क्लास लूंगी पक्का आज वो थोड़ा सा अब कुछ बच्चे बहुत बार बार कॉमेंट करते थे कि मैम आपकी क्लास बीच में बफर भी होती है हल्की फुल्की तो अब नहीं होगा मैंने आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए ही मैंने अब फाइबर वाली लाइन को ही चेंज करवा दिया है तो आज सुबह से मेरी कोई क्लास नहीं हो पाई अभी इनफैक्ट आधे एक घंटे पहले ही वो लोग ठीक करके गए हैं पूरा फाइबर लेन को चेंज करके गए हैं तो अब बहुत बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस रन होने वाली है तो कोई किसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा चलो फिर कैसे हैं आप सब लोग इसलिए आज आपका बैच का टाइमिंग दो बजे ना होकर शाम को सात बजे मुझे करना पड़ा क्योंकि मैंने सोचा कि क्लास ऑफ करने से अच्छा है एक शाम को कुछ बच्चे देख लेंगे कुछ बच्चे नहीं देखेंगे वो बाद में देख लेंगे इसलिए बच्चा थोड़ा सा मैंने मैंने इस क्लास को बाद में मैंने स्टिफ्ट करवा दिया ओ क्लॉक आइए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आ, आज हम में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करना है ताकि हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट कर पाए जैसा हमने आपको बताया था वैसे है ना <coughs> याद है आप अच्छा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक तो ये हमारे कॉपर भैया इतनी बदतमीजी कर रहे हैं देखो कैसे साउंड आ रही है उसकी एक मिनट रुकना इस कॉपर को चुप करवा के आती हूं मैं <laughs> चलो तो आज हमें कंप्लीट करना है बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल क्लियर ठीक है नहीं वो ये टाइमिंग नहीं है आपके बैच की आपके बैच की टाइमिंग दो बजे ही रहेगी मैंने कहा ना आज थोड़ा सा वो इंटरनेट का थोड़ा मैं चेक आ, वो लाइन चेंज करवाइये मैंने बस इसकी वजह से आपका थोड़ा सा मैंने टाइमिंग इवनिंग में करा मुझे लगा क्लास ऑफ करने से अच्छा है कि मैं क्लास थोड़ा शिफ्ट करवा लू इसलिए बाकी कल मैं आपसे दो बजे ही मिलने वाली हूँ राइट चलो स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था आज बस कंप्लीट हो जाएगा तीस चालीस मिनट का चैप्टर है और अच्छा है फिर हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा बड़ा चैप्टर

जितना पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होना था हो गया अब बच्चा अगर जो अनडाइजेस्टेड बचा है जिसका पाचन नहीं हुआ है वो आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में वो कहां जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में जाएगा तो मैं क्या बताना चाह रही हूं मैं ये कह रही हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडोनम में डाइजेशन कंप्लीट हो गया था राइट right हो गया था उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वाले पार्ट में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें है? है, है। बच्चा देखो इस हिस्से में फूड का हो चुका है।, ये कहां पे हो रहा है या तो मैं डाइजेस्टेड फूड बोलूं या मैं न्यूट्रेंट बोलूं बात एक ही है कि छोटी आंत के विली वाले हिस्से में न्यूट्रेंट का एब्जॉर्पन हो गया है पोषक तत्वों का अवशोषण हो चुका है यहां पर एब्जॉर्शन हो चुका है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं विलाय या दीर्घ रोम बोलते हैं अब जो जिसका ऑप्शन नहीं हुआ वो बच्चा क्या है जो अनडाइजेस्टेड है जितना स्मॉल इंटेस्टाइन में होना था वो सारा डाइजेशन हो गया है अब जो फूड अनस्टेड बचा है जो अपचित भोजन बचा है वो कहां जाएगा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन किस ऑर्गन में होता है तो आप क्या कहेंगे बच्चा आप कहेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे

आप इस इमेज में देख लीजिए कि ये रहा आपका लार्ज इंटेस्टाइन देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है और यहां से इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है यहां से इस तरीके से क्या हो रहा है देखो आप लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे घूम के शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लिख दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी 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 आंत 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 जिसके भी भी तीन तीन पार्ट होते हैं जो भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड रहती है बड़ी आंत, और बड़ी आंत को मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि लार्ज इंटेस्टाइन नाम में लार्ज है लेकिन इसका लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ होता है इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है वो तो मैम सिर्फ एक से सवा एक मीटर की होती है या कभी कभी एक से डेढ़ लिखा हुआ है ना वो भी ऑप्शन सही कर देना तो मैंने कहा बच्चा कि लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ लंबाई एक से सवा एक मीटर है जबकि इसका जो डायमीटर है इसका व्यास है इसका है 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 चौड़ाई वो होता तीन इंच का इसलिए बच्चा ये लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन है और वो है वो और स्मॉल इस इमेज से आप खुद पता लगा सकते हैं थोड़ा सा जूम करती हूं देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर ये देखो ऐसा है स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर इतना सा है इसलिए बच्चा इसको लार्ज

कौन कौन सी पहला आता है सिक्कम सिक्किम मत कर देना सिक्कम और दूसरा आता है बच्चा कॉलोन, कॉलोन पार्ट और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है रेक्टम पार्ट रेक्टम पार्ट तीन पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के तीन हिस्से हैं सिक्कम कॉलोन, रेक्टम आपको दिखाते हैं कहां पे सिक्कम है कहां पे कॉलोन है कहां पे रेक्टम है देखो बच्चा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये खत्म हो रही है और यहां से खत्म होने के बाद ये जो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से इस पार्ट को बोलते हैं सिक्कम वाला part. क्या बोलते हैं इस हिस्से को सिक्कम पार्ट कहते हैं और फिर ये जो एक ट्यूब बनी हुई है इस तरीके से ये घूम के पूरा ट्यूब आ रहा है इसे कहते हैं कोलोन 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 और ये ये सबसे सबसे बड़ा बड़ा भाग होता 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 है सबसे बड़ा हिस्सा होता है है क्या हिस्सा आपको छोटा कभी नहीं पूछता एग्जाम में हाँ हो सकता है कोलोन के बारे में पूछ लिए तो लिख दीजिएगा इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो है इसे तो बोलते हैं हम सिक्कम और फिर ये जो घूम के आपका ये जो ट्यूब जैसी बन रही है इसे कोलोन हिस्सा कहते हैं भाग और ये जो लास्ट में पाउच जैसा ऐसे स्ट्रक्चर है इस तरीके से इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन घूम के आया और लास्ट में ऐसा कुछ पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनती है पाउच उसको बोलते हैं रेक्टम ये क्या होता है रेक्टम पार्ट होता है रेक्टम और रेक्टम का आखिरी किनारा यहां पर इसे कहा जाता है एनस एनस या गुद्दा कहा जाता है जहां से आप स्टूल को रिमूव करते हैं जहां से आप फेसिस को मल को वेस्ट प्रोडक्ट को आप रिमूव करते हैं तो रेक्टम का ही आखिरी हिस्सा एनस कहलाता है तो अगर मैं बात करती हूं लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन हिस्से होते हैं सिक्कम कॉलोन रेक्टम राइट और जब बात करते हैं रेक्टम का जो लास्ट किनारा है लास्ट हिस्सा है रेक्टम इस तरीके से पाउच जैसा स्ट्रक्चर है और इसी का लास्ट किनारा क्या कहलाता है इस तरीके से एनस कहलाता है या गुद्दा कहलाता है और बच्चा अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम वाले हिस्से की तो इस सिक्कम वाले हिस्से में इस तरीके से एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पड़ा है आपको फोटो में दिखाती हूं ये देखो ये पड़ा फोटो में ध्यान से देखना ये रहा इस तरीके से कीड़े के की आकार का ऐसे क्या पड़ा है कीड़े के की आकार का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया था एक क्लास में कि अपेंडिक्स क्या होता है मैम आपने कहा था अपेंडिक्स इज ए वस्टीजियल ऑर्गन याद है आपको मैंने कहा था अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑर्गन आपके बॉडी में प्रेजेंट तो है लेकिन किसी काम का नहीं है जो प्रेजेंट तो है लेकिन किसी काम का नहीं है और ये क्यों है प्रेजेंट क्योंकि पहले किसी काम का होता था अभी आपको बताएंगे ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है एग्जाम में आता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के किस हिस्से में है क्वेश्चन पे ध्यान देना सिक्कम वाले पार्ट में इस तरीके से कीड़े के आकार का एट सेंटीमीटर लंबा आठ सेंटीमीटर लंबा एक ऐसा पड़ा है जिसे हम अपेंडिक्स, कहते हैं। जिसे हम अपेंडिक्स, कहते हैं और अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है अपेंडिक्स क्या होता है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग ऐसा ऑर्गन जो आपके बॉडी में है लेकिन बच्चा किसी काम का

बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम बनाता था ये अपेंडिक्स पहले जब आप बंदर थे अब तो आप बंदर है नहीं तो आप घास फूस तो खाते नहीं है अब तो आप रोटी सब्जी खाते हैं है ना अब आप घास फूस खाते नहीं है तो आपको इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए अब अपेंडिक्स किसी काम का नहीं है इसलिए अब आपका अपेंडिक्स किसी काम का नहीं हां कभी कभी क्या होता है सुनो बच्चा कभी कभी क्या होता है आप लोग आप लोगों का कोई स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो गया या कहीं पर भी आपने ज्यादा फैटी एसिड्स खा लिए हैं ज्यादा फैट खाते हैं स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं तो ये अपेंडिक्स मांस है और ये मास फूल जाता है और इसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट आ आके फंस जाते हैं बहुत सारे और यहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और आपको कुछ इस हिस्से में दर्द होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर कहता है कि आपका अपेंडिक्स फूल गया है आपका अपेंडिक्स फूल गया है उसके अंदर जहरीले पदार्थ कट्ठे हो गए हैं अब आपका अपेंडिक्स काटना पड़ेगा अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? प्राइमरी स्टेज पर कुछ दवाइयां देता है अगर आपका दर्द ठीक हो जाता है इस अपेंडिक्स की सूजन में कमी आ जाती है तो भाई ठीक है वरना डॉक्टर इस अपेंडिक्स को यहां से काट के बाहर डस्टबिन में डाल देता है कभी कभी क्या होता है कभी किसी इंसान का अपेंडिक्स में इतनी सूजन आ जाती है कि वो इतना सा था फिर सूज सूज के ऐसे बड़ा हो जाता है और वो अंदर ही ब्लास्ट कर जाता है अंदर ही फट जाता है और वो नुकसानदायक होता है अगर ऐसी कंडीशन में आपका अपेंडिक्स शरीर के अंदर ही फट जाता है तो उससे लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इंसान की डेथ भी हो सकती है राइट right? तो जब कभी भी आपका अपेंडिक्स में दर्द हो कुछ आपको लेफ्ट वाले पार्ट में पेट के थोड़े निचले हिस्से में दर्द हो तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए खाना खाते ही आपको आधे घंटे बाद दर्द हो रहा है रेगुलर बेसिस पे तो समझना वो अपेंडिक्स का दर्द है हाँ कभी कभी अपेंडिक्स फट जाता है बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे साथ एक मैम पढ़ाती थी पहले उनके हस्बैंड का अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गया था और जिसकी वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी पहले तीन चार साल पुरानी बात है तो उनका इसी रीजन से डेथ हो गई थी क्योंकि उनको प्राइमरी स्टेज से पता नहीं लगा था और उन्होंने सोचा ऐसे ही पेट वेट दर्द होता होगा ऐसे कोई वजन वजन उठा लिया होगा ऐसे उन्होंने भ्रम पाल लिए थे और बाद में पता लगा कि उनका जो आ, अपेंडिक्स है वो अंदर ही अंदर फट गया अंदर ही अंदर फट गया इसलिए ठीक है बच्चा तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के किस हिस्से में होता है सिक्कम में और ये एक आठ सेंटीमीटर लंबा कीड़े के जैसा मांस का टुकड़ा है अभी किसी काम का नहीं है पहले जमाने में काम आता था इसलिए इसको वेस्टिजियल इसे अवशेषी अंग कहा गया है अब आलोक तिवारी का क्वेश्चन है लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट बता दीजिए बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो कॉलोन है <coughs> इसी के तीन पार्ट होते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स सुन लो बच्चा ये लार्ज आपने पढ़ा ना असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो तो ये जो ऊपर चढ़ता हुआ भाग होता है असेंडिंग बोलते हैं इसे डिसेंडिंग बोलते हैं और ये जो पार्ट है इसे ट्रांसवर्स कहते हैं आपको इतना नहीं याद रखना है, आलोक ये जो आपका कॉलोन वाला हिस्सा है ऐसे ऊपर चढ़ रहा है इधर से नीचे उतर रहा है और इसे ट्रांसवर्स कहते हैं ये आपको इतना याद नहीं रखना है राइट तो अब क्या हुआ बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया है आ गया फूड वो पहले किस में आएगा सबसे पहले सिक्कम में आएगा देन कहां जाएगा कॉलोन में देन कहां जाएगा रेक्टम में जाएगा अब बच्चा जो पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आता है सुनिएगा का फंक्शन क्या है लिखिए फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन करता क्या है ये हमारे बॉडी में क्यों है लार्ज इंटेस्टाइन कुछ ना कुछ तो काम होगा हां जी बच्चा बिल्कुल दो मेन काम होते हैं बड़ी आंत के बड़ी आंत के दो मुख्य कार्य हैं लिख लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है ध्यान से सुनना लार्ज इंटेस्टाइन को सबसे पहले क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है हाउस ऑफ बैक्टीरिया ये बहुत सारे बैक्टीरियो का घर माना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को कहा जाता है जीवाणुओं का घर बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं इसलिए ये जीवाणुओं का घर है इसे जीवाणुओं का घर बोलते हैं लेकिन बच्चा ये जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ये अच्छी बैक्टीरिया है ये खराब नहीं है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ नुकसान वाला काम नहीं करती है इनफेक्ट ये हमारी हेल्प करती है अब कोई भी इंसान या कोई भी इस प्रकृति का नियम है अगर कोई आपसे हेल्प ले रहा है मतलब तो हम उसको भी बदले में हेल्प देनी पड़ेगी है ना गिव एंड टेक का रिलेशन होता है अगर आप मेरे से अच्छे से बात करेंगे तो मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी है ना अगर आप मुझे दो रुपए देंगे तो इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको चार रुपए दूंगी तो कहने का मतलब ये जो प्रकृति है ये किससे चल रही है गिव एंड टेक के रिलेशन से चल रही है तो ये जो लार्ज इंटरेस्ट इंटेस्टाइन है इसी को हम मानते हैं हाउस ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का घर इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें से मेनली जो बैक्टीरिया है वो होता है स्टेरिया कोलाय कौन सा स्टेरिया कोलाय या इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ई e. कोलाय बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया बच्चा ई e. कोलाई नामक जीवाणु ये सबसे ज्यादा होते हैं अब ये जीवाणु क्यों हैं कुछ ना कुछ तो काम करते हैं बिल्कुल करते हैं क्या काम करते हैं जरा सुनो आप जानते हैं बैक्टीरिया जहां पर भी पनप जाते हैं वहां उस चीज को सड़ा देते हैं गला देते हैं अब सुनिए जैसे अगर सेब के अंदर बैक्टीरिया लग जाए तो सेब सड़ जाता है गल जाता जाता है केले के अंदर लग जाता है, तो केला सड़ जाता है तो जो भी पीछे से क्या आता है अनडेस्टेड फूड आता है कहां से आया पीछे से पीछे से मतलब क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी आंत से जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में अपचित भोजन आया है अनडेस्टेड फूड आया है उस फूड के अंदर ये बैक्टीरिया पनप जाते हैं ये बैक्टीरिया उसके अंदर आ गए और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं इस अनडाइजेस्टेड फूड को किसमें बदल देते हैं इस फूड को सड़ा देते हैं गला देते हैं और सड़ने और गलने के बाद एक तो इस फूड से स्मेल आने लग जाती है और दूसरा ये बदल जाता है फेसिस के अंदर फेसिस का मतलब होता है मल या आप आम भाषा में बोल दो वेस्ट फूड अपशिष्ट पदार्थ बोल दो या अपशिष्ट भोजन बोल दो तो जो भी पीछे से अनडाइजेस्टेड फूड आया उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ये इ कोलाई बैक्टीरिया और ई e. कोलाई के साथ और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं लेकिन मुख्य तौर पे पर कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये उस भोजन के अंदर पनप गए उसे सड़ा दिया गला दिया और जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर ये बैक्टीरिया पनपे तो वो फूड बन गया वेस्ट फूड और इसे बायोलॉजी में कहते हैं फेसिस इसे बायोलॉजी में मल का नाम देते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था वो फेसेस या मल में परिवर्तित हो गया है सड़ गया है गल गया है अब दूसरी बात दूसरी बात ये जो बैक्टीरिया हैं, ये इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं हमारी कभी सुना सोचा है आपने है ना क्योंकि इन बैक्टीरिया का भी फायदा है एक तो देखो बच्चा इसका घर है इसे रहने को जगह मिल रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में और दूसरा ये जो बैक्टीरिया हैं ये इस वेस्ट फूड को या फेसेस को खा लेते हैं इस फूड का इंटेक करते हैं ये उनके लिए भोजन होता है ये जो वेस्ट फूड या अनडाइजेस्टेड फूड है ये उनके लिए भोजन का काम करता है रहने को घर दे दो खाना खाने को दे दो तो क्या चाहिए और किसी बैक्टीरिया को दो ही चीज चाहिए है ना अब बदले में अब इसने कुछ दिया हमने इसको घर दिया खाना दिया तो हमें भी तो इससे कुछ लेना पड़ेगा ये बैक्टीरिया जो होती हैं ये बदले में क्या देती हैं इन बैक्टीरिया के शरीर में दो विटामिन बनती हैं कौन कौन सी एक विटामिन बनता है विटामिन बी ट्वेल्व और एक विटामिन बनता है विटामिन के और ये बैक्टीरिया बदले में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में दो विटामिन बना के डाल देती है कौन कौन सा विटामिन बी विटामिन ट्वेल्व और विटामिन के ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में डाल दिया तो बच्चा ध्यान से सुनो बैक्टीरिया को हमने रहने को घर दिया खाना खाने को दिया बैक्टीरिया ने हमें विटामिन बी ट्वेल्व और के दिया विटामिन बी बारह और के दिया देखो दोनों का फायदा हो रहा है बैक्टीरिया का फायदा हमारा फायदा बैक्टीरिया अलग जीव है हम लोग अलग जीव है दो अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं तो ऐसे रिलेशन को बायोलॉजी में कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन क्या कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है हिंदी में आप लिखेंगे सह जीवन संबंध तो बच्चा जो यहां से क्वेश्चन बनता है अच्छा वो यही क्वेश्चन बनता है एक तो अपेंडिक्स किस हिस्से में होता है सिक्कम में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं है। है e. बताओगे बच्चा कि ये जो बैक्टीरिया है ये पीछे से जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसको सड़ा देते हैं गला देते हैं उसमें स्मेल आने लग जाती है वो सड़ जाता है और सड़ने और गलने के बाद उसे फेसिस या उसे मल या वेस्ट फूड कह दिया जाता है और ये बैक्टीरिया को हमने खाना दिया घर दिया और इसने बदले में हमें दो विटामिन दी कौन कौन सी विटामिन बी बारह विटामिन के दोनों हमारे लिए जरूरी होती हैं विटामिन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा तो बच्चा बैक्टीरिया का फायदा हमारा फायदा तो दो अलग अलग जीव बैक्टीरिया अलग है हम लोग अलग है एक साथ रह रहे एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं ऐसे रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाते हैं विटामिन डी नहीं देता है आलोग कहां से पढ़ के आते हैं कहां से पढ़ के आते फिर आप कहते हैं हमारी सुन लो आपने क्लास को बहुत डिस्टर्ब करते हैं आलोक तिवारी ठीक है बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप मैम केले नहीं सड़ते हैं किसने कहा केले नहीं सड़ते हैं बताओ तो ये आपका क्वेश्चन है इसका जवाब नहीं देती हूं तो बोल तो मैम सुन लीजिए किसने कहा केला नहीं सड़ता है कभी देखा नहीं है सड़ा हुआ केला ठीक है सुन लिया मैम ये बोला जाता है पेट में कीड़ा हो गया वो कीड़ा नहीं वो कीड़े अलग होते हैं वो आपने कुछ सड़ा वडा खाना खा लिया तो उसकी वजह से होता है ठीक है? तो बात मेरी समझ में समझ में आ चुकी होगी आपको कि ये इस तरीके से क्या हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट फूड बन गया अब क्या होता है बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन तो ये हो गया कि अनडाइजेस्टेड फूड को फेसेस में बदल दिया दूसरा ये जो फेसेस या अनडाइजेस्टेड के अंदर पानी आया था पानी का अवशोषण करता है लार्ज इंटेस्टाइन पानी का अवशोषण भाई आप जितना पानी पीते हैं उतना पानी तो आप यूरिन के फॉर्म में नहीं निकालते हैं ना आप जानते हैं हमारे बॉडी में अप्रोक्स सिक्सटी एट से सेवेंटी परसेंट पानी पानी होता है हमारे शरीर में अड़सठ से सत्तर परसेंट पानी होता है और पानी जरूरी है हमारे शरीर के लिए तो लार्ज इंटेस्टाइन में आपने खाना खाने के साथ या पहले या बाद में जो भी पानी पिया है वो पानी का अवशोषण होता है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर पानी का अवशोषण होता है किस तरीके से ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये इसके पार्ट है इसके अंदर की तरफ पतली पतली डक्ट होती है वो जो भी पीछे से फूड आ रहा है उसके अंदर से पानी को सक कर लेती है पानी को अपने पास रख लेती है और जैसे ही पानी को बाहर रख लिया तो वो फेसेस क्या बन गया वो सोलिड बन गया वो क्या बन गया ठोस बन गया वो सॉलिड बन गया वो ठोस बन गया और अब पानी का अवशोषण हो चुका है वेस्ट फूड बन चुका है ये वेस्ट फूड इस तरीके से होता हुआ सिक्कम कॉलोन से होता हुआ कहाँ आता है इस रेक्टम वाले पार्ट में आता है इस रेक्टम वाले पार्ट में आता है ये वेस्ट फूड जो अप्रोक्स पांच से छह सेंटीमीटर लंबा होता है रेक्टम और बाद में में कुछ समय के लिए रेक्टम में ये वेस्ट फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है है स्टोर और उसके बाद हम इसे एनस के थ्रू क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं गुद्दे के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है क्या किया जाता है गुद्दे के द्वारा एनस के थ्रू हम उसी फेसिस को उसी मल को हम बाहर निकाल देते हैं ये ये लो बच्चा ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है यहां पर राइट मैंने कहा था माउथ से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ माउथ खत्म कहां हो रहा है एनस पे माउथ में आपने इनटेक किया एनस से आपने फेसिस को मल को बाहर निकाला तो यहां पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं डाइजेशन कहां कहां से स्टार्ट होता होता है कहां पे होता है पे खत्म सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है अमाइलेज एंजाइम कौन, कौन बनाता है ट्रिप्सन एंजाइम कौन बनाता है पेनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है बाइल जूस का पीएच वैल्यू क्या होता है लीवर कौन सा जूस बनाता है पेनक्रियास कौन सा जूस बनाता है ऐसे ही हाउस ऑफ बैक्टीरिया

Digestive system से रिलेटेड कुछ बीमारियां सुनते हैं आप दैनिक जीवन में भी आपको होती रहती है सबसे पहला बीमारी जो आपको होता है वो कौन सा होता है आप सब कहते हैं मैम लूज मोशंस हो गया डायरिया हो गया है ना लूज मोशंस या डायरिया लिख लो ठीक है डायरिया में क्या होता है सुनो बच्चा मैंने कहा था कि हमने जैसे ही माउथ में खाना खाया है वो सारा खाना फूड पाइप फूड पाइप से पेट पेट से छोटे आंत बड़ी आंत में किस मूवमेंट के थ्रू जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू जाता है ये बात मैं पढ़ा चुकी हूं ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल यहां से लेकर ऐसे पेट पेट से छोटी आंत बड़ी आंत इस सब में क्या होता है आप बताएंगे बच्चा इस सब के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट से इस ऐसे समझाया था ना ऐसे 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 होता हुआ सारा खाना जाता है ऊपर से लेकर पूरे आपके एलिमेंट्री कैनाल में तो बच्चा जब ये पेरेस्टालसिस मूवमेंट क्या होने लग जाए बहुत फास्ट होने लग जाए बहुत तेज तेज होने लग जाए खाना खाया इतना इतना फास्ट है, इतना फास्ट है, है। खाना खाया तुरंत आपके पेट में पेट में से छोटी आंत, बड़ी आंत में चला गया बहुत तेज पेरिस्टॉलिस हो रहा है क्रम की प्रक्रिया बहुत तेज तेज हो रही है फास्ट फास्ट हो रही है तो आप बताओ बच्चा कि जब पेरिस्टालसिस फास्ट होगा बहुत तेज होगा तो फूड का अब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट का अवशोषण क्या होगा कम होगा अवशोषण क्या होगा न्यूट्रिएंट का कम होगा और जो फेसेस बनेगा जो मल बनेगा वो क्या बनेगा ज्यादा शरीर के अंदर कम न्यूट्रिएंट रह गए और जो फेसेस मल बना वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा चले गए मतलब आपका पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट है बहुत स्पीड से हो रहा है बहुत तेज हो रहा है खाया और आपका जितना पचना था वो पच गया प्रॉपर पचा भी नहीं और आपका वेस्ट फूड बन गया और आपने उसको रिमूव कर दिया तो जब पेरेस्टालसिस बहुत फास्ट होता है तब बच्चा हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है ना ही तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो पाता है और ना ही ढंग से पानी का एब्जॉर्प्शन हो पाता है पानी और न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है फेसेस ज्यादा बनता है जब शरीर के अंदर कम है तो बाहर ज्यादा जाएगा तो बार 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 आप बाथरूम जाओगे बार बार आपको पोटी आएगी उसी को आप दस लगना बोलते हैं उसी को आप डायरिया कहते हैं बार बार आपको लूज मोशंस होंगे और अगर बहुत दिनों तक आपको चार से पांच दिनों तक लूज मोशंस हो गए तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा पानी की कमी हो जाएगी क्यों हो जाएगी पानी की कमी निर्जलीकरण क्यों हो जाएगा क्योंकि तो पानी का अवशोषण ही नहीं हो रहा है टाइम ही नहीं पा, मिल पा रहा है एब्जॉर्बशन के लिए क्योंकि पेस्टॉलिस बहुत फास्ट है और आपके बॉडी में क्या आ जाएगी वीकनेस आ जाएगी कमजोरी आ जाएगी कमजोरी क्यों आई क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट का अवशोषण नहीं हो पा रहा है कम हो पा रहा है तो कम एनर्जी बनेगी और एनर्जी नहीं है तो आपको कमजोरी रहेगी तो इसे लूज मोशंस या डायरिया कहा जाता है इसे लूज मोशंस या डायरिया कहा जाता है तो अगर मैं कहूं डायरिया क्यों होता है जब आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किसी ना किसी बात से इफेक्ट हो गया है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत फास्ट होने लग गया है खाया पेट में गया छोटी आंत में बड़ी आंत में तुरंत बाहर निकल गया खाया बाहर निकाल दिया खाया बाहर निकाल दिया इसे बोलते हैं लूज या डायरिया और जब लूज मोशन होते हैं तो पानी का अवशोषण और न्यूट्रेंट का अवशोषण कम हो पाता है फेसेस ज्यादा बनता है अब इसका जस्ट अपोजिट ले लो दूसरा कॉन्स्टिपेशन जिसे आप कब्ज बोलते हैं दूसरा कौन सा है कॉन्स्टिपेशन जिसे आप कब्ज बोलते हैं और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है बच्चा आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो रहा है पेरिस्टालसिस क्या हो रहा है स्लो हो रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो गया बहुत धीरे हो रहा है धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे खाया वो बता रही कब पेट में पहुंचा कब छोटी आंत में गया कब बड़ी आंत में गया और वो अंदर ही अंदर आपके छोटी आंत बड़ी आंत में घूम रहा है खाना और वो अंदर ही अंदर एक जगह आकर सॉलिड बन रहा है ऐसे और एक जगह जुड़ता जा रहा है और आपको अफेसिस नहीं बन पा रहा है प्रॉपर वो खाना अंदर ही अंदर आपका स्टोर होता जा रहा है उसे आप कब्ज बोलते हैं और आपको उस समय बहुत ज्यादा पेट में दर्द भी होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है जब पेरिस्टालसिस स्लो होता है बच्चा तो उस समय न्यूट्रिएंट या आपका जो न्यूट्रिएंट या फूड लिख दो फूड शरीर के अंदर क्या रहता है ज्यादा और बाहर कम जाता है इसलिए वो अंदर ही अंदर आकर एक जगह कलेक्ट होता जाता है जिसे आप कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं फिर आप दवाई लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए तो दवाइयां क्या करती हैं आपके पेरिस्टालसिस का मूवमेंट वापस सही करती हैं जिससे जो खाना एक जगह पड़ा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ रेक्टम से और आपका फिर एनस से बाहर निकल जाए तो जब पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट होता है तो आपको दस्त लग जाते हैं और जब पेरिस्टालसिस बहुत स्लो होता है तो आपको कब्ज हो जाता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और नेक्स्ट एक होता है बच्चा आपको वॉमिटिंग आना उल्टी उल्टी होना वॉमिट हो जाता है है आ जाती देखो बच्चा उल्टी क्यों आती है जब पेरिस्टालसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे ऊपर से लेकर नीचे की तरफ ऐसे माउथ का खाना ऐसे जा रहा है तो भाई बहुत सही हो आप खाना फूड पाइप में गया पेट में गया छोटी आंत में गया बड़ी आंत में गया अपना जैसे डेली बेसिस पे जा रहा है वैसे जा रहा है जब ये उल्टा होने लग जाए ऐसे तो पेट का खाना कहां से निकल जाएगा मुंह से निकल जाएगा उसे क्या बोलोगे आप उल्टी आना उसे क्या बोलोगे आप वोमिट होना है ना तो जब पेरिस्टालसिस अपने डेली रूटीन से जस्ट अपोजिट होने लग जाए जब उल्टा होने लग होने लग लग जाए, ऐसे जाए पेरिस्टालसिस तो भाई जो पेट का खाना था वो मुंह से बाहर निकल जाता है उसी को आप वॉमिटिंग उसी को आप उल्टी कहते हैं अब जो उल्टी होती है वो अलग होती है क्यों क्योंकि पेट से निकला है वो और पेट में कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं है ना पेट जो मुंह से निकलता है वो मल नहीं निकलता है कभी सोचोगे आप ठीक है आप बोलोगे मैम आप बहुत गंदा पढ़ा रही हैं लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ आपको ठीक है जो आपके मुंह से निकलता है वो वोमिटिंग होता है वो वो नहीं नहीं होता 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 है मल वो होता है है मल मल जो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका होता है वोमिटिंग में पेट वाला खाना वापिस आता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वाला वापिस नहीं आता है अगर लार्ज इंटेस्टाइन वाला वापिस आ गया ना तो फिर समझना क्या हो जाएगा है ना ठीक है तो बच्चा जब पेरिस्टालसिस अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाए तो आपको वोमिटिंग आने लग जाती है ठीक है और जब पेरिस्टालसिस स्लो होता है तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है और बच्चा जब पेरिस्टालसिस बहुत फास्ट होता है तो आपको दस्त होने लग जाते हैं उल्टी होने लग और दस्त और उल्टी होने लग जाते हैं और इसके साथ एक और प्रॉब्लम होता है बच्चों लोगों को एपच अनडाइजेशन की अनडाइजेशन की अपच हो गई गैस हो गया पेट फूलने लग गया है ना तो बच्चा ये क्या होता है इन सब का रीजन होता है कि आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया आपने स्पाइसी फूड खा लिया बहुत ज्यादा आपने मसालेदार सब्जियां खा ली आप पानी कम पीते हैं पानी कम पीते हैं इसके साथ-साथ आपने ओवर ईटिंग हो गई बहुत ज्यादा खा लिया बहुत मसालेदार खा लिया बहुत ज्यादा खा लिया डाइट से भी ज्यादा खा लिया और पानी कम पीते हैं तो इन सब से आपके पेट के अंदर अनडाइजेशन हो जाता है, प्रॉपर एंजाइम वगैरह ढंग से नहीं बन पाते हैं जिसके रिजल्ट में आपके पेट में गैस हो सकती है पेट में एच ज्यादा बन सकता है एच ज्यादा बनेगा तो आप जानते हैं एसिडिटी हो जाएगी पढ़ा चुकी हूं तो ये सब होते हैं अनडाइजेशन के रीजन अपोच के रीजन मैम प्रॉपर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है अब तो मैं प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाता हूं ऐसे आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती है, है ना बेटा गैस का रीजन यही है आपने ज्यादा खा लिया खाकर तुरंत लेट गए हो थोड़ा घूम नहीं रहे हो पेरिस्टालसिस गड़बड़ा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा गया है एंजाइम्स प्रॉपर नहीं बन रहे हैं इन सब का रीजन होता है आपके पेट में गैस हो जाना गैस हो जाना तो तुरंत खाना खाके लेट लेटना नहीं चाहिए थोड़ा घूमना चाहिए खाना खा के तुरंत पानी मत पीजिए खाना खाने के थोड़ी देर बाद कोई लिक्विड चीज लीजिए खाने के साथ फ्रूट मत खाइए क्योंकि फल को पचाने के लिए बहुत लाइट एंजाइम चाहिए चाहिए होते हैं और खाने को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंजाइम चाहिए होते हैं दोनों को मिक्स मत कीजिए खाना खाने के साथ पानी मत पीजिए खाना खाने के तुरंत बाद दूध मत पीजिए खाना खाने के तुरंत बाद बैठिए मत थोड़ा मूवमेंट कीजिए इन सब के रीजन की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है ज्यादा स्पाइसी मत खाइए जितना डाइट खाना चाहिए उतना ही खाइए है ना ये सारी रीजन आप बताएंगे क्या कि बच्चा आपको एसिडिटी या अनडाइजेशन अपच जैसी आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन पैदा कर सकता है तो ये आपके कुछ बीमारियां थी जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित हैं और ये आपको याद रखना चाहिए हां बच्चा केला बहुत अच्छा होता है देखो केला अगर आप खा रहे हैं केला बच्चा आपके पेरिस्टालसिस को अच्छा करता है अगर आपको लूज मोशंस हैं तो भी केला खाइए है ना और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तब भी आप केला खाइए क्योंकि केला जो आपका पेरिस्टालसिस गड़बड़ा जाता है ना उसको वापस ठीक करने के लिए काम करता है इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे दस्त लग रहे हैं मुझे कब्ज कब झोरखे तो डॉक्टर कहता है दो केले खा लेना दो सुबह दो शाम को वे केला जो होता है ना वो आपके पेरिस्टालसिस को वापस ट्रैक पे लाता है वापस ढंग से उसी को लाने के लिए ठीक करता है ठीक है चलो तो ये बात हो गई बच्चा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अब आपका काम है पहले तो मुझे इस चैप्टर के किसी का कोई डाउट है तो वो डाउट बता दो हम आज की क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा ये अब आप ये जब डायग्राम देखोगे तो आप डायग्राम बना भी देना कोई बड़ी बात नहीं आप बना सकते हैं इसका डायग्राम भी इस तरीके से माउथ से स्टार्ट होता है मैंने इमेज लगा रखी तो बनाने की जरूरत नहीं है स्मार्ट बोर्ड है अगर स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता तो शायद मुझे बनाना पड़ता तो बच्चा ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यहां से ऐसे खाया ये सारा पेट में गया फिर छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में फिर रेक्टम में और एनस से आपने रिमूव कर दिया और साथ में जो भी आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट थे लीवर गॉल ब्लाडर ये सब मैं पढ़ा चुकी हूं अब कुछ डाउट है तो प्लीज वो डाउट मेरे से पूछिए प्लीज डाउट पूछ सकते हैं किसी का भी कोई डाउट है तो कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछिए अच्छा एक बच्चे का डाउट आ चुका है कि मैम पेनक्रियास का पीएच वैल्यू बच्चा पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियाज का पीएच वैल्यू बात बराबर है या तो मैं बोलूं पेनक्रियास का पीएच वैल्यू या मैं पेनक्रियाटिक जूस का 7.5 टू 8.5 होता है स्लाइटली बेसिक क्षारिय प्रकृति का होता है ठीक है और पूछिए किसी का भी कोई डाउट कुछ नहीं है डाउट

था कि नहीं पढ़ा था बता दो कहा होता है किसका डाइजेशन करता है आप बता देना दूसरा इंजाइम पढ़ा था हमने रेनिन कहा बनता है और कौन बनाता है किसका डाइजेशन करता है तीसरा हमने पढ़ा था पेप्सिन चौथा पढ़ा था हमने बच्चा इसके बाद आपका ट्रिप्सिन ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं ट्रिप्सिन उसके बाद पढ़ा था अमाइलेज अगला पढ़ा था लाइपीज अगला पढ़ा था माल्टीज माल्टीज उसके बाद पढ़ा था लेकिन उसके बाद पढ़ा था हमने सुक्रेस और बच्चा एक जूस पढ़ा बाइल जूस लेकिन बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते हैं देर इज नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस जबकि ये तीन एंजाइम जो होते हैं ये पेनक्रियटिक जूस में होते हैं ये दो आपके पेट में बनते हैं ये आपके मुंह में लार में होता है और ये आपके इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं ये टोटल मैं आपको पढ़ा चुकी हूं गूगल में तेरह से बीस दिन बता रहा है किसका बता रहा है बच्चा तेरह से बीस दिन अभिषेक कुमार हाँ जी गूगल में तेरह से बीस दिन किसका बता रहा है आप मुझे बताइए रात को फ्रूट खाना चाहिए लेकिन खाना खाने के साथ नहीं वैसे अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो सुबह सुबह खाइए ब्रेकफास्ट में खाइए ज्यादा अच्छा रहता है चलो आप पूछिए किसी का कोई डाउट हो तो इसके अलावा डब्ल्यू बी सी का लाइफ अरे अभी से एक बच्चा गूगल आपको सारा सच बता देता है क्या अगर गूगल ही सारा सच बता देता तो टीचर्स की जरूरत क्या पड़ती गूगल पे बहुत सारी चीजें गलत होती हैं डब्ल्यूबीसी का लाइफ सिर्फ दो से चार दिन का होता है NCRT को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना आपका गूगल कर सकता है पे लिखी हुई चीजें फिर भी एक हद तक सही होती ठीक है गूगल पे तो मैं मैं अपना बन, अपना ब्लॉग ब्लॉग एक बना के खुद डाल दूंगी तो अगर बच्चा ज्यादा सर्च करेगा तो वो आ जाएगा ठीक है बच्चा गूगल पे लिखी हुई सारी चीजें सच नहीं होती है NCRT को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है एनसीआरटी बढ़ाती हूं मैं अगर एनसीआरटी में दो से चार दिन लिखा है तो दो से चार दिन ही होगा गूगल को बिल्कुल मत लेना ठीक है गूगल पे बहुत सारी चीजें गलत दिखा रखी होती है हो गया मैम पेपर में शुरू और अंत का पाचन नहीं देता है तो क्या विकल्प लगाएं शुरू या अंत वाला नहीं वो फिर बच्चा नाम देगा सुनील फिर वो नाम देगा कि जैसे प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है तो वो किस अंग में तो आप स्टमक होगा ऑप्शन में वो आपके ऑप्शन से आपको देना पड़ेगा अरे लेखपाल के लिए तो बहुत अच्छा है लेखपाल में कोई क्वेश्चन का लेवल थोड़ी आता है बच्चा बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं एचसीएल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ सूरज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पेट में होता है पढ़ा चुकी हूँ सब खाना खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाना खाने के बाद एंजाइम निकलते हैं पानी जो है वो एंजाइम के बनने को डिस्ट्रैक्ट करता है इसलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए बहुत सिंपल सी चीज है नहीं है फिर किसी का कोई डाउट एक वीक का होता है अरे डब्ल्यू का एक वीक नहीं होता है दो से चार दिन सर्वाइव करती है सिर्फ नॉनवेज को बचाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है वो मेनली नॉनवेज को बचाता है इसलिए कहते हैं कि नॉनवेज के साथ दूध नहीं पीना चाहिए चलो कोई डाउट नहीं है ठीक है फिर आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं मैम बायो से बहुत डर लगता था ओके शुक्र है आप था लिख रहे हो मुझे लगा लगता है अभी भी आप लगता है बोल रहे हो तो नोट्स ओपन नहीं हो रहा किसी और फोन में कर लो हो जाएगा अच्छा एक बच्चा कह रहे हैं मैम सिफेलिक स्टेज क्या होता है अच्छा सुनो खाना खाने से पहले सुनना आपने जब खाना खाया और खाना खाने से पहले ही आपके पेट के अंदर आपके स्टमक के अंदर एंजाइम बन जाए आपके स्टमक के अंदर एंजाइम रिलीज हो जाए तो उसे सिफेलिक फेज कहा जाता है किसने पूछा है ये क्वेश्चन मुझे यहाँ पर नाम तो नहीं दिख रहा है खाना खाने से पहले ही अप्रोक्स ट्वेंटी परसेंट जो टोटल एसिड होता है मतलब जो आपका एचसीएल है वो ज्यादा बन जाए तो आपके पेट में जलन सी पैदा होती है तो उसे सिफेलिक फेज कहा जाता है सिफेलिक फूड नहीं सिफेलिक फेज कहा जाता है किसने पूछा है ये मुझे नाम तो नहीं पता है भैया एसीएल कब चाहिए फूड आने के बाद लेकिन उससे पहले ही कभी-कभी बन जाता है एक्सएल एप्रोक्स 20% जो अमाउंट है वो पहले ही बन जाता है तब उसे कहा जाता है सनेकोमाट सिफेलिक फेस राइट right? चलो फिर आज की क्लास के लिए यहां तक खत्म करते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गुड बाय टेक केयर इसके क्वेश्चन लगा लीजिए अच्छे से सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा फिर भी अगर बचता है तो आगे से मैं अलग से कोई एक दो डाउट क्लास लूंगी आपके बैच में तो आप डाउट क्लास के फॉर्म में आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है बच्चा मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आप इसके सारे क्वेश्चन लगा डालोगे सारे क्वेश्चन ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और सुरवी नेक्स्ट क्लास में पूछना साइटोलॉजी का कोई डाउट है तो बच्चा चलिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर